नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745283845 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। मध्यकालीन इतिहास की यहाँ से शुरुआत होती है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस्लाम के उदय को। तो यहाँ आप देखिए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब, और जन्म इनका 570 ईस्वी में होता है मक्का में। पैदाइश कहाँ की है? मक्का की है। बचपन का नाम इनका अल अमीन था और पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना जो कि कुरैश कबीले से संबंध रखती थी। छोटे छोटे कबीलों में ये क्षेत्र बटा हुआ था। अब इसके बाद मोहम्मद साहब का जो पालन पोषण है वो इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया था। माता पिता जो है वो बचपन में ही गुजर गए थे तो उसके बाद चाचा ने पालन पोषण किया था। खुदाई इल्हाम का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। हिंदी में अगर इसका अर्थ देखें तो ज्ञान की प्राप्ति, जैसे कि पीछे आपने गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को देखा था, उन्हें इनलाइटमेंट मिलता है यानी ज्ञान मिलता है, तो वैसे ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति इनको हीरा नाम की एक गुफा में होती है लगभग 40 वर्ष की अवस्था में। इनका उपनाम पैगंबर, मतलब अंबर से पैगाम लाने वाले, और नबी भी इन्हें कहा जाता है जिसका मतलब होता है सिद्ध पुरुष, रसूल कहा जाता है अर्थात ईश्वर के दूत। तो इस तरीके से इनके कई सारे नाम आप देखते हैं। प्रथम उपदेश इन्होंने अपनी पत्नी को दिया था यानी खदीजा को, जो कि इनकी पहली शिष्या थी। हिजरत का जो समय है वो 16 जुलाई 622 का है, ये तारीख आप देख रहे हैं, और मृत्यु इनकी होती है 632 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की जीवनी की अगर बात करें तो ये जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है, नाट ए मोहम्मदी इस नाम से, तो नाम किताबों का आपको पता होना चाहिए। धर्म प्रचार के समय मोहम्मद साहब का लोगों ने विरोध किया था जिससे विवश होकर इन्हें मक्का से यसरीब जाना पड़ा, और यसरीब को ही मदीन तुन्नबी यानी नबी का शहर मतलब मदीना कहा गया। तो मदीना का जो पुराना नाम है उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों एक ही जगह के नाम है। और इस घटना को हिजरत कहते हैं, यहीं से 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए, सारी तारीखों का अंदाजा होना चाहिए। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है, इसमें 5 स्तंभ होते हैं। पहला कलमा होता है, कलमा का मतलब होता है अल्लाह और उसके रसूल में विश्वास करना। दूसरा है नमाज मतलब प्रार्थना। जकात का मतलब होता है अपनी इच्छा से दिया गया दान, मतलब आप स्वेच्छा से दान कर रहे हैं। और प्रत्येक मुसलमान को ये हिदायत है कि अपनी कुल संपत्ति का करीब 1/40 हिस्सा यानी करीब 2.5% के हिसाब से प्रतिवर्ष दान करना चाहिए। रोजा जो है वो व्रत होता है, हज जो है वो तीर्थयात्रा यानी यहाँ तीर्थयात्रा के तौर पर आप देखते हैं। इस्लाम अवतारवाद, मूर्ति पूजा और जाति पाति का विरोध करता है। यह मत कर्म कांड को मान्यता देता है, मतलब कर्म कांडी जो चीज़ें होती हैं इस्लाम के लिहाज से उनको ये मान्यता देता है, लेकिन पुनर्जन्म का सिद्धांत मान्य नहीं। पुनर्जन्म के सिद्धांत कौन कौन से धर्मों में या कौन कौन से संप्रदायों में मान्य है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से संप्रदाय इसको नहीं मानते हैं वो भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपने पीछे बौद्ध धर्म को देखा था, तो बौद्ध धर्म में आपने देखा कि बौद्ध धर्म का बाद में बंटवारा हो जाता है हीनयान और महायान के रूप में। तो जो हीन यानी थे वो अत्यंत कट्टर थे इस मामले में, गौतम बुद्ध ने जो कहा उसी को मानते थे, उनका अवतारवाद में कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं थी। उनका ये मानना था कि गौतम बुद्ध एक महान पुरुष है और वैसा महान बना जा सकता है उसके लिए आदमी को व्यक्तिगत प्रयास करने होते। तो ठीक वैसे ही यहाँ अवतारवाद का कोई स्थान नहीं है। इस्लाम में आस्था रखने वाला जो प्रारंभिक संगठित समुदाय था उसको उम्मत कहा गया, मतलब ये पहले कहलाता है, और इस्लामिक राज्य का ये केंद्र बिंदु बनता है, मतलब जो आस्था रखेगा वहीं से साम्राज्य की स्थापना होती है। कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, ये सब समुच्चय मतलब इनका जो एक सम्मिलित रूप है उसको कहा जाता है शरीयत। ये सब चीज़ें आपने देखी। और समयावधि में शरीयत की व्याख्या के लिए 4 विचारधाराएं आती हैं, इसमें मालकपंथी है, शफीपंथी है, हनबलपंथी है और हनीफापंथी है, इन सब का विकास होता है। तो ये शरीयत की व्याख्या के लिए डेवलप की गई थी। कुरान की अगर बात करें तो आप देखें शब्द इकरा यानी पाठ करो से ये बना हुआ है, और इसे इल्म अल्लाह कहा जाता है यानी ईश्वर का शब्द कहा जाता है। इसमें कुल मिलाकर 114 सूरा हैं, मतलब उसे आप अध्याय कह सकते हैं, पंक्तियां कह सकते हैं। जैसे अपने सनातन धर्म में जो ग्रंथ हैं उनमें कांड होते हैं, अध्याय होते हैं, पर्व होते हैं, वैसे ही हर किताब, कोई भी धार्मिक पुस्तक है या किसी भी तरह की पुस्तक है, उसमें अध्याय बटे होते हैं। तो अध्यायों के अपने अपने नाम होते हैं, तो यहाँ आप उन्हें देख रहे हैं। इसके बाद सुन्ना या हदीस जो है ये क्या है, तो ये पैगंबर साहब से जुड़ी हुई परंपराएं हैं, मतलब इसमें स्मृत शब्द और क्रियाकलाप आते हैं, ये उपदेश जैसे हैं। कियास जो है ये सदृश्यता के आधार पर तर्क है, मतलब जो दिख रहा है उसके आधार पर तर्क। इज्मा जो है ये इस्लाम के धर्माचार्यों के मध्य
मतैक्य पर आधारित मत होते हैं और इसे समुदाय की सहमति के रूप में परिभाषित किया जाता है। मोटे तौर पे मुजतहिद अर्थात जो विधि शास्त्री होते हैं, मतलब कानून के जानकार, उनके द्वारा व्याख्या किया गया जो कानून होता है, इस्लामिक कानून होता है, उसको इज्मा कहा जाता है। तो ये शब्दों का अर्थ, जो टर्मिनोलॉजी है, वो आपको पता होनी चाहिए, उसी उद्देश्य से इस टेबल को दिया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं गाजी। तो गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है जो विधर्मी है उनका कत्ल करना, जो धर्म को नहीं मानते हैं उनका कत्ल करना। गाजी सुल्तान की सेना में स्वयं सेवक के रूप में भर्ती होते थे, मतलब अपनी स्वेच्छा से ये धर्म के उत्थान के लिए भर्ती होते थे, और इनको राज्य के द्वारा कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था। हाँ, ये है कि खुम्स जो होता था, यानी लूट का माल, युद्ध होते थे और जिस साम्राज्य को लूटा जाता था वहां से जो लूटपाट का माल होता था उसमें से इन्हें हिस्सा प्राप्त होता था। गाजी योद्धा होने के साथ साथ धर्म रक्षक होते थे, तो मतलब युद्ध जो है वो धर्म की रक्षा के लिए किए जाते थे, ये कहने का मतलब, और उसमें जो भाग लेने वाले स्वयंसेवक होते थे उनको गाजी कहा जाता था। इनके ऊपर इस्लाम की रक्षा और प्रसार का, मूल रूप से प्रसार का दायित्व था, रक्षा का नहीं, प्रसार का। महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो कि अपने नाम के साथ, नाम के आगे गाजी जोड़ता है। बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की थी 1451 में, और 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा को पराजित करने के बाद बाबर जो है वो भी गाजी की उपाधि धारण करता है। अब यहाँ पर जो खिलाफत और खलीफा है उनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहले जो चार खलीफा हैं ये पवित्र खलीफा माने गए हैं, जैसे कि अबू बकर को आप देख रहे हैं, उमर है, उस्मान है और अली हैं। और पहले चार खलीफाओं को खुलफा ए राशिदीन कहा गया। तो इसमें जो शब्द है उनका अर्थ जरूर देख लीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनने की संभावना है। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था और इनका विवाह चौथे खलीफा अली के साथ हुआ था, ठीक है। फातिमा जो है वो अली की बीवी थी। शिया संप्रदाय जो है ये पैगंबर साहब का वास्तविक उत्तराधिकारी खलीफा हजरत अली को मानते हैं। मतलब सीधी बात है, उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है? आपके वंश से उनका ताल्लुक होना चाहिए। तो ये बेटी के पति थे, यानी मोहम्मद साहब के दामाद थे, तो उस लिहाज से ये वास्तविक उत्तराधिकारी है ही हैं। तो शिया संप्रदाय इसी चीज़ को मानता है। और खलीफा उमर की हत्या हुई थी, लेकिन मरने से पहले इन्होंने पैगंबर के 6 साथियों में से एक को खलीफा बनाए जाने की सलाह दी थी। तो ऐसा जब गाइडेंस मिल जाता है तो आगे उत्तराधिकारी चुनना आसान हो जाता है। इसके बाद आप आगे देखें तो इस्लाम के नायक के तौर पे महमूद गजनबी और संवर को माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, इन्हें खुदा का प्रतिनिधि माना गया और पैगंबर साहब ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। मतलब मोहम्मद साहब की मृत्यु तक का जो समय है उसमें इन्होंने कोई भी अपना सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था, ये ध्यान देने वाली बात, ये बाद में बनते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद एक जनसाधारण सभा में अबू बकर को एक सहमति के द्वारा, मतलब जन समर्थन प्राप्त था, तो खलीफा चुना गया। और उनका जो वंश है वो उमैयद था, इसलिए खलीफा, मतलब इस डायनेस्टी के जो खलीफा थे उनको उमैयद खलीफा कहा गया। और ये जो डायनेस्टी है उमैयद डायनेस्टी, इसमें कुल मिलाकर 18 खलीफा हुए हैं। अबू बकर ने मदीना को ही राजधानी बना लिया, मक्का से मदीना ट्रांसफर पहले ही हो चुका था और मदीना ही अब पूरा कर्म क्षेत्र बना हुआ था, तो ये कैपिटल बन गए। तो खलीफाओं की राजधानी मदीना। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत का जो देवल क्षेत्र था, ठीक, देवल क्षेत्र था, वहां पे जजिया लगाया था जो कि गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर के तौर पे वसूला जाता था। और इसके बाद आप देख रहे हैं, सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को खराज से निकालकर, यानी भू राजस्व से निकालकर पृथक कर बना दिया, और इसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया गया। अभी तक उन्हें मुक्त रखा गया था लेकिन अभी उन्हें भी रियायत नहीं दी गई। तो ये धार्मिक कर था एक तरह का, मतलब मूल रूप से ये जो गैर इस्लामिक लोग थे उनके ऊपर आरोपित किया जाता था। अब इसके बाद फिरोज तुगलक जो है, इसके द्वारा जजिया लगाए जाने पर दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी थी और अंत में दिल्ली के नागरिकों ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का फैसला लिया था, लेकिन इसने जो है वो जजिया हटाने से मना कर दिया था। मतलब शासक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हाँ वहाँ के लोग जो है वो ब्राह्मणों के प्रति समर्पित रहते हैं, यहाँ किसी जाति विशेष की बात नहीं हो रही है, तो वो क्या ये काम करते हैं कि अपने हिस्से से, मतलब अपनी जो संपत्ति है उससे उन ब्राह्मणों का भी जजिया चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिकंदर लोदी ने भी जजिया लगाया था। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन, ये इसका समय आप देखें 1347 से लेकर 1358, ये भारत का पहला मुसलमान शासक था जिसने कि हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। तो जजिया न लेने का जो आदेश इनके द्वारा दिए जाते थे वो भी असल में कूटनीति और राजनीति का हिस्सा होता था, सहानुभूति बटोरना और साम्राज्य फैलाना, ये उद्देश्य होता था। अब कश्मीर में सबसे पहले जजिया सिकंदर शाह के द्वारा लगवाया गया था और कश्मीर के अकबर के नाम से विख्यात जो जैनुल आबदीन है, 1420 से लेकर 1470 ये इनका रूल रहता है, इन्होंने कश्मीर में जजिया को निषिद्ध कर दिया था, यानी अवरुद्ध कर दिया था। गुजरात वाले हिस्से की ओर चलते हैं। तो गुजरात में सबसे पहले जजिया अहमद शाह के द्वारा लगवाया गया था, ये 1411 से लेकर 1442 की बात है,
और शेरशाह के समय में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि इससे बहुत अच्छी आमदनी होती थी, क्योंकि भारत जो है वो हिंदू बहुल देश था, उस समय भी था और अभी भी है, तो हिंदुओं से ये वसूला जाता था। अब इनकी तादाद ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टैक्स मिलेगा, तो ये नगर कर क्यों ना बन जाए, राजस्व का अच्छा हिस्सा हो जाता था। इसके बाद आगे चलते हैं। अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त किया और फिर से उसे लगता है कि उसने गलती की, तो 1575 में फिर से लगा दिया। असल में वजह क्या है ना, समाप्त तो कर दिया लेकिन देखा कि जो राजकोष है, मतलब जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसमें अच्छी खासी गिरावट जजिया समाप्त करने के बाद देखने के लिए मिल रही, तो इसीलिए फिर से आरोपित किया ताकि खजाना भरा जा सके। और फिर एक बार देखते हैं आपकी 1579-80 का जो दौर है उसमें फिर से समाप्त कर देता है। औरंगजेब के समय में फिर से जजिया लगाया गया। भाई औरंगजेब नहीं लगाएगा तो फिर कौन लगाएगा, तो जजिया एक बार फिर से लगाया गया। 1712 का समय है, जहांदार शाह के द्वारा अपने मंत्री जुल्फिकार खां और असद खां के सलाह पे जजिया को विधिवत रूप से समाप्त कर दिया गया, मतलब विधि पूर्वक उसका विधान करके उस पर तर्क वर्क दे के समाप्त कर दिया गया। तो ये बात हमने कुछ फुटकर देखी है, बहुत सारी सूचनाओं से आप अवगत हुए, कुल मिलाकर आपने फाउंडेशन देख ली। अब फाउंडेशन देखने के बाद आगे चलते हैं। चूंकि हमने मध्यकाल का दौर देखा तो उसमें शुरुआत में हमने इस्लाम का उदय देखा, तो इस्लाम का उदय अपने देश में तो हुआ नहीं था, हमें इतिहास अपने देश का बेसिकली यहाँ पढ़ना है जो कि परीक्षा में आएगा। तो अपने देश से संबंधित शुरुआत यहाँ से होती है, अरबों का आगमन होता है, सिंध प्रांत को वो जीतते हैं, और ये समय है आपका 711-712 का। प्रयास जो है वो काफ़ी पहले से चल रहे थे, लेकिन जो सफलता हाथ लगती है उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो टाइम है, आप देख रहे हैं कि हिंद यानी भारत की जनता के संबंध में हिंदू शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग है वो अरबों के द्वारा किया गया। असल में हमारी जो बॉर्डर पर नदियां हैं, मतलब पश्चिमोत्तर प्रांत जो है या सीमावर्ती इलाके, वहां पर सिंधु और सहयोगी नदियों का पूरा तंत्र है। सिंधु को ही अलग अलग विदेशियों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है, तो सिंधु के लिए ये स को ह बोलते थे तो हिंदू बोलते थे, ठीक है, और हिंदू अर्थात सिंधु उसी के चारों ओर बसा हुआ क्षेत्र या उसके उस पार स्थित जो इलाका है वो हिंदुस्तान है, और यहाँ रहने वाली जो आबादी है वो हिंदू है। तो ये हिंदू और हिंदुस्तान जो शब्द हैं ये अरबों के द्वारा दिए हुए हैं। वैसे ही यूनानियों के द्वारा इंडिया शब्द दिया हुआ है जो कि आज भी हमारे साथ चिपका हुआ है, लेकिन हमारा असल नाम भारत है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ये मुस्लिम आक्रमण होता है जो कि सफल आक्रमण था। और कासिम से पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया था, लेकिन वो पराजित भी होता है और मारा भी जाता है। अपने यहाँ एकजुटता का अभाव था, इसीलिए विदेशी फायदा उठा लेते थे, हम आपस में ही लड़ते रह जाते थे, और सिर्फ लड़ते नहीं थे, अपनी अपनी जीत को सिद्ध करने के लिए, अपना जो अभिमान है उसकी रक्षा के लिए हम बाहर वालों से मदद भी लेते थे, इन्विटेशन उन्हें देते थे कि वो आएँ और हमारी मदद करें। तो हम ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमारी मदद तो कर देगा लेकिन उसके बाद वो अपनी महत्वाकांक्षा नहीं सिद्ध करेगा, तो ये होता है, आप आगे देखते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि दूसरा जो समुद्री अभियान है, मतलब समुद्री मार्ग से वो अभियान आता है, उसमें बुदैल जो है वो लीडर बन के आता है, और इसके बाद ओमान से सेना नौसेना भेजी जाती है, मतलब इसमें रास्ता दिया हुआ है, वो रास्ता आप देख सकते हैं। बुदैल के नेतृत्व में भेजा गया था दूसरा अभियान जो कि समुद्री मार्ग से आता है, पानी के रास्ते आता है, और इसके साथ ओमान से नौसेना भेजी गई थी, जबकि बुदैल भी पराजित होता है और मारा जाता है। तो कुल मिलाकर जैसा कि आपको पीछे बताया, 711-712 का जो दौर था उससे पहले वाले प्रयास कई सारे हैं, मतलब ये कोशिश पहले से ही चल रही थी कि यहाँ की जो बिखरी हुई स्थिति है, साम्राज्य कोई भी केंद्रीकृत नहीं है, मतलब जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए मतलब किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए, वो खत्म हो चुका है, राजा आपस में ही लड़ रहे हैं, संपन्न तो हैं और सामर्थ्यवान कहीं ज़्यादा है, उनके पास ताकत इतनी है कि वो किसी भी दुश्मन से लोहा लेने में और उसे खदेड़ने में सक्षम है, लेकिन आपस में एकता नहीं है, तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए, और यही परिणाम होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पहले अभियान भेजे जाते हैं वो असफल होते हैं। इराक का हाकिम था अल हजाब, इसने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को एक बार फिर से सिंध पर हमला करने के लिए भेजा, और फिर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होता है। संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, और इस समय चच राजवंश का यहाँ पे शासन चल रहा था। ये चच का पुत्र दाहिर, चच का भतीजा दाहिर असल में, ठीक है, तो वो शासन कर रहा था, और अरबों के द्वारा सिंध विजय का जो वृतांत है, विस्तृत वृतांत है, वो चचनामा में प्राप्त होता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि चचनामा मूल रूप से किस लेखक के द्वारा लिखा गया ये नहीं पता है, वो लेखक का नाम अज्ञात है, लेकिन बाद में इसका अनुवाद ये अरबी भाषा में लिखा गया था, चूंकि अरबों के द्वारा भाई इसमें रचना का काम हो रहा है तो अरबी में ही लिखा जाएगा। बाद में इसको फारसी में यानी पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम दो उस समय के जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने किया, एक तो अबू बकर कूफी, ये इतिहासकार, दूसरा नासिरुद्दीन कुबाचा, इन दोनों के द्वारा किया गया है, तो अपने अपने तरीके से। तो ये पर्सियन ट्रांसलेशन है, ये रचनाकार नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने लिखा है।
तो ये सब आपने देख लिया। अच्छा, कासिम के जो प्रमुख अभियान है उसमें देख लेते हैं। पहले तो देवल या उस इलाके को इन्होंने दाभोल कहा, असली नाम उसका देवल था। तो यहाँ से वो शुरुआत करता है, मतलब यहीं से अपना अभियान जो है उसको शुरू करता है और जजिया यहाँ लगाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि देवल के बाद कासिम जो है वो नीरून, सेहवान और सिसम पर आक्रमण करता है और ये सफल रहता है। सेहवान का शासक दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था और इनमें आपस में पटती नहीं थी। कुछ जो है वो सहयोग करते थे, कुछ जो है वो विरक्त रहते थे। नतीजा हार मिलनी ही है। इसके बाद राबर क्षेत्र है, सीसम को जीतने के बाद ये राबर को जीतता है और राबर की लड़ाई में दाहिर जो है वो अंत तक संघर्ष करता है। ये बहादुरी से लड़ता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अकेले वो मुकाबला नहीं कर पाता है। जिस तरह से बाकी राजाओं को या बाकी जो अगल बगल के पड़ोसी थे उन्हें सहयोग देना चाहिए था तो वो नहीं देते हैं, आपस की ईर्ष्या में ही भुनते रहते हैं। तो अंत में दाहिर अकेले लोहा लेता है और मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी है रानी बाई, उन्होंने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, लेकिन अब देखती है कि इज्जत खतरे में आ गई है। सिर्फ हारने का ही अंदेशा नहीं है, मतलब असमत खतरे में आ गई है, तो इसके लिए वो जौहर कर लेती। तो ये एक यहाँ घटना आप देख रहे हैं, जौहर का नमूना देख रहे हैं। इसके बाद ब्राह्मणवाद की बात करें तो यहाँ पर दाहिर का पुत्र है जयसिंह, ये भी लड़ता है। इसके बाद ये मजबूर होकर इस्लाम ग्रहण कर लेता है उस समय की परिस्थिति के हिसाब से। आगे चलते हैं भाई, देखिए अलोर या अरोर, ये ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलोर को जीता गया। तो अरोर विजय की जो घटना है वो असल में सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करती है। इसको जीतकर जो जीत है उसको कंप्लीट कर लिया गया, ये कहने का मतलब है। अच्छा, मुल्तान क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का और मुल्तान, सिक्का एक क्षेत्र है, ये क्वाइन की बात नहीं हो रही है, तो सिक्का और मुल्तान को भी जीत लिया। मतलब आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक छोटे छोटे क्षेत्रों से शुरू करके एक बड़ा जो पश्चिमोत्तर का हिस्सा हमारा है, पश्चिमी उत्तरी सीमा हमारी, उसको अरबों ने कवर कर लिया था। इसके बाद आप देखें कि सिक्का नाम का जो स्थान है वहां के व्यापारियों ने स्वयं सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया। ये यहाँ एक घटना होती है। और मोहम्मद बिन कासिम की जो अंतिम विजय थी वो मुल्तान विजय थी, यहाँ पे उसे इतना सारा सोना मिलता है कि जो अरब लोग हैं वो एकदम से आत्ममुग्ध हो जाते हैं और इस क्षेत्र को यानी मुल्तान को सोने का नगर कहते हैं। अभी उन्होंने अंदर देखा ही नहीं था, ठीक है, अंदर का दर्शन ही नहीं किया था, अंदर कितना सोना भरा हुआ है और वही सोना बार बार ललचाता है। तो ये चीज़ आपने देखी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसमें वही सिंध विजय से शुरुआत की जा रही है। 713 ईस्वी में मीर कासिम जो है इसने मुल्तान पर हमला किया और 2 माह तक घेरा डाला रहा, उसके बाद मुल्तान जीत लेता है, सफल होता है। फिर कन्नौज विजय करने के बाद अबू हकीम के अधीन करीब 10,000 अश्वारोही सेना जो है वो भेजी जाती है और इस योजना के कार्यान्वयन से पहले ही, मतलब योजना अभी इम्प्लीमेंट हो पाती, सक्रिय हो पाती, उससे पहले ही मीर कासिम का समापन हो जाता है। तो यहाँ खटाई पड़ जाती है। अच्छा, 714 का जो समय है उसमें क्या होता है, ये वाला पॉइंट देखिएगा। खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद नए खलीफा बनते हैं सुलेमान और ये हज्जाज के दुश्मन थे। अब यहाँ समस्या है, तो मीर कासिम हज्जाज का भतीजा और दामाद था, तो दुश्मनी जो है वो आपस में इंटरलिंक हो रही है। अच्छा, सुलेमान के पश्चात उमर जो है ये दूसरे खलीफा बनते हैं, 717 से लेकर 720 का टाइम है। और इनके ज़माने में जयसिंह दाहिर का पुत्र, इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। और अगले खलीफा का नाम है हिशाम, जो कि समय इनका देख लीजिए 724 से लेकर 743। इनके समय में जयसिंह ने एक बार फिर से इस्लाम का त्याग कर दिया था। असल में वो दबाव में आकर ग्रहण करता है और जैसे ही उसे महसूस होता है कि वो सक्षम है थोड़ा सा, मतलब ऐसा अंदेशा होता है, तो वो तुरंत त्याग कर देता है, लेकिन उसका परिणाम उसे बहुत अच्छा नहीं मिलता। इसके बाद हिशाम के समय में जुनैद सिंध का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो हम कमज़ोर पड़ गए थे, हमारी शक्तियाँ जो हैं वो बिखर गई थी, ऐसे में हम मुकाबला करने में कामयाब नहीं हो सकते। और महमूद गजनवी का जो हमला है, उस समय हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी उद्भांड, राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है, उद्भांड है। और हिंदूशाही राज्य मुस्लिम आक्रमण का पहला शिकार होता है। क्यों शिकार होता है भाई, क्योंकि ये बॉर्डर पर रहता है। आप जो किनारे पर हैं तो पहले मुसीबत आप ही को झेलनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद देखिए, अलबरूनी के हिसाब से हिंदूशाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे, तो हो सकता है, ये अलबरूनी का जो यहाँ आइडिया है ना, मतलब अंदाज है, असल में ये कयास लगाया गया था, लेकिन ये सत्य भी हो सकता है, क्योंकि कुषाण वंशी शासक जो है वो पूरी तरह से भारतीय सभ्यता में रच बस गए थे। उन्होंने शैविज्म और महायान बुद्धिज्म सबको अडॉप्ट कर लिया था, वो अपने आप को भारतीय ही मानने लगे थे। और बाद वाले जो रूलर हैं उनका नाम आप देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो मतलब कनिष्क के वंशज हैं कि यहीं के रहने वाले, जैसे कि वासुदेव जैसे नाम वो रखते हैं, हिंदू देवी देवताओं पर समर्पित हो जाते हैं। तो संभव है कि ये हिंदूशाही वंश जो है वो उन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ हो, क्योंकि इनका भी जो राज्य क्षेत्र है उसी के आसपास का है। इसके बाद नाफ्था और मैंगोलेंस जो है, इनका प्रयोग सबसे पहले सिंध में किया गया था भारत में 712। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी जो नाद ए मोहम्मदी आपने देखी थी, वो जियाउद्दीन बरनी के द्वारा कंपाइल की गई है, संकलन का काम बरनी ने किया है। और ये कट्टर इस्लामिक इतिहासकार था,
इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी हमें 9वीं शताब्दी में जो बिलायरीकृत मतलब बिलायरी के द्वारा लिखा हुआ किताबुल अल बल्दान है उससे प्राप्त होती है। किताब का नाम आपको अनिवार्य रूप से मालूम होना चाहिए। और 1216 में फारसी में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है चचनामा। उसमें भारत पर अरबों के आक्रमण की जो पर्याप्त जानकारी है वो मिलती है, लेकिन लिखा किसने था इसकी जानकारी ही नहीं मिलती। मिन्हाजुद्दीन सिराज की किताब है तबकाते नासिरी, आपने सुना है, वो नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। और मुल्तान को अरबी यात्रियों का स्वर्णगृह कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सोना मिला था। महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जयपाल कर रहे थे और जयपाल ने स्वयं एक चिता प्रज्वलित की और उसमें आत्मदाह कर लिया क्योंकि वो अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाए थे। और राजपूत राजाओं का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो अपने वचन के पक्के होते हैं। बहादुर तो बेजोड़ होते हैं, जुझारू होते हैं, लेकिन वचन एक बार दे दिया कि प्रतिज्ञा कर ली कि ये करेंगे ही करेंगे, तो अगर वो सिद्ध नहीं हुई तो फिर आत्मदाह और आत्मघात के अलावा कोई विकल्प नहीं। तो ऐसा उन्होंने किया। सिंध नदी के तट पे महमूद गजनवी से पराजित होने वाला जो भारतीय राजा था वो आनंदपाल। इसके बाद चौहान वंशीय शासक अंतिम जो राजपूत शक्ति के स्तंभ थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी राय पिथौरा जिन्हें कहा जाता है, और उन्होंने डटकर लोहा लिया। पिथौरा क्षेत्र जो है ये दिल्ली का पूरा इलाका, इसमें ये अपना सिंहासनारोहण करवाते हैं और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला जो मंत्री था वो कदम्बवास था। समस्या ये होती है ना कि एक लीडर चुनकर अगर आप उसके पीछे दलबद्ध हो जाइए, मतलब एक संगठित सेना बना लीजिए, तो कोई पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन मोहम्मद गोरी सफल क्यों होता है? पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज उसको बहुत बुरी तरह से खदेड़ते हैं, लेकिन दूसरी बार ये संगठित होकर अपनी सेना इकट्ठी करता है और पहली बार उन्हीं के रहम पे वो जिंदा बच जाता है। मतलब सेना भाग रही थी, पलायन कर रही थी, और भागते हुए शत्रु पर वार करना राजपूती शान के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने प्रहार नहीं किया। अगली बार वो पूरी शक्ति इकट्ठी करके आता है और राजपूतों की कूटनीति समझ गया रहता है, तो वो अपने योजना के साथ धोखे से आक्रमण करता है, जीत जाता है। तो वहां से राजपूत शक्ति का जो स्तंभ है वो ढह जाता है, मतलब रोकने वाला कोई बचता नहीं है असल में। इसके बाद आप देख रहे हैं गजनवी या गोरवंश, ये दो राजवंश आपको दिखाई दे रहे हैं, गजनवी का है और गोरी का है। तो भारत में तुर्कों का जो हमला है, तो पीछे आपने अरबों का देखा था, तुर्कों का जो आक्रमण है वो दो चरणों में होता है। पहला जो है उसका लीडर था महमूद गजनवी और उसका उद्देश्य भारत में लूटपाट करना था, ठीक है। और दूसरे चरण का जो नेता था वो मोहम्मद गोरी था। गोरी का भी उद्देश्य कुछ ज़्यादा अलग नहीं था, लेकिन वहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि अंत में वो यहाँ रूल करने की मंशा रख लेता है। तो आप देखें कि इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया। मतलब हमला नहीं हुआ था, असल में क्रांति आ गई थी, ऐसा इनका कहना है। अब इसके बाद देखें लेनपुल का क्या कहना था कि तुर्कों का जो प्रसार है वो एक अद्वितीय आंदोलन है। तो ये सब अपनी अपनी विचारधारा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए महमूद गजनवी को देख लेते हैं। तो यहाँ वंश दिया हुआ है और उपाधियाँ दी हुई हैं। यामिनी वंश था इसका। उपाधियों में अगर आप देखें तो यमीनुद्दौला, यमीनुल मिल्ला यानी मुसलमानों का संरक्षक, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने ये उपाधि इसको दी थी, तो ये काफ़ी कीमती उपाधि थी इसके लिए। और इसी वजह से इसका जो वंश है वो यामिनी वंश कहा जाता है। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला ये दुनिया का पहला रूलर था। इस्लाम का नायक इसे मध्यकालीन इतिहासकार जैसे कि बर्नी वगैरह उन्होंने कहा था। इसके बाद अव्यक्त मेक, यहाँ आप देखें अव्यक्त मेकतम मोहम्मद अवतार, ये जो इस संस्कृत में लिखा गया एक छद्म वाक्य है, ये गोरी के सिक्कों पर जो चांदी के सिक्के होते थे उस पर दर्ज था। यहाँ माफ कीजिएगा, गजनवी के सिक्कों पर, अभी गोरी वाला भी देखेंगे। और इसे बुद्ध शिकन कहा जाता है, गाजी कहा जाता है। तो गाजी का मतलब क्या, गैर इस्लामियों को मारिए, मतलब जो धर्म विरोधी हैं। दूसरा बुद्ध शिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, तो हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करके ये मूर्तियां तोड़ता था, ये सभी जानते हैं। तो अगर व्यक्तित्व के तौर पे देखा जाए तो गजनवी के अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटी भी थी, जैसे कि ये विद्वानों का सम्मान करता था। इसका जो दरबार होता था उसमें बहुत सारे विभिन्न गुणों वाले लोग जो हैं वो आश्रय प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ पर वो लालच में पड़ के आता है और लालच इसको खींचता है, तो लालच में आकर ये लूटपाट करता है और तोड़ फोड़ करता है, जैसे कि सोमनाथ पे न जाने कितनी बार हमला कर लिया। तो ये सब आपने देखा। महमूद गजनवी के पिता के तौर पे आप सुबुक्तगीन को देख रहे हैं और अल्पतगीन ये तुर्क दास था, ये गजनी वंश की नींव रखता है। तो शुरुआती जो पूर्वज हैं उनको देखा। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी गुलाम पिराई था और सुबुक्तगीन जो है ये गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी है। तो इसमें सीक्वेंस आप समझ सकते हैं, क्रोनोलॉजी एक तरह से दी हुई। अब 977 ईस्वी का टाइम आता है। 977 में क्या होता है, अल्पतगीन का जो गुलाम और दामाद है सुबुक्तगीन गजनी का शासक बनता है और सुबुक्तगीन ने यामिनी वंश की नींव रखी थी, मतलब उसका जो मध्य भाग है उसकी बात हो रही है। ये 977 का समय है, तो समय आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, तो 1001 ईस्वी का टाइम आता है
और गजनवी पर पहला हमला जो है वो गजनवी का जो पहला हमला है माफ कीजिए वो शाहियों पर होता है, और 1004 में मुल्तान पे ये हमला करता है, और इस समय मुल्तान पे शिया कर्मार्थियों का जो शासन है वो रहता है, तो इनको ये जीत लेता है। और यहाँ का शासक जो है वो अब्दुल फतह दाऊद था, ध्यान रहे कि इससे पहले अरबों ने हमला किया था, ठीक है। अब इसके बाद गजनवी ने नगर कोट का जो क्षेत्र है उसको लूट लिया था और हिंदुओं के संघ को परास्त किया था तलवाड़ी के युद्ध में, ये समय है 1010 ईस्वी का। 1014 में थानेश्वर का जो चक्रस्वामी मंदिर है लूटा न सिर्फ बल्कि तोड़ा फोड़ा भी। इसके बाद कश्मीर का लोहकोट लोहारिन क्षेत्र जो है उसका ये किला जीतने में असफल रहता है, सफल नहीं होता है, यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है। इसके बाद 1018 में गजनवी ने पहली बार घाटी में प्रवेश किया और बुलंदशहर मथुरा वृंदावन मतलब गंगा यमुना का जो उर्वर प्रदेश है वहाँ पे, इसके बाद बुलंदशहर मथुरा वृंदावन के अलावा कन्नौज पे अटैक करता है, तो गंगा घाटी क्षेत्र जो है यहाँ पे कुल मिलाकर ये 3 बार हमला करता है, ये भी एक उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र था। महमूद ने कालिंजर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया। कालिंजर दुर्ग अपनी अजेयता के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है, इसे भेदना इतना आसान नहीं है, आप आगे देखेंगे कि शेरशाह सूरी इसी को भेदने के प्रयास में मारा जाता है। 1019 का टाइम, 15 के लिए इनाम देने की बात जो यहाँ आप देख रहे हैं, तो विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में गीत लिखा तो महमूद ने इसे 15 के लिए इनाम में दिया। अब आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विद्वानों का सम्मान तो करता था, और तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती, तो विद्याधर ने यहाँ पर थोड़ा मक्खन लगा दिया, मतलब अपनी जान बचानी थी और संरक्षण भी प्राप्त करना था, तो इसके लिए शक्तिशाली के पास जाइए, ये कूटनीति कहती है, तो यहाँ पर ये कूटनीति से अपना काम करते। इसके बाद 1022 की बात है, पंजाब का जो गजनी साम्राज्य में विलय होता है उसको आप इस तारीख में देखते हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, गजनी के आक्रमण का जब भी नाम आता है मतलब गजनवी के आक्रमण का जब भी नाम आता है तो पहले तो दिमाग में सोमनाथ ही आते हैं, तो सोमनाथ महादेव जो कि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे चंद्रमा के द्वारा उस शिवलिंग की स्थापना की गई थी ऐसा माना जाता है। दक्ष प्रजापति का श्राप चंद्रमा को प्राप्त होता है और इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें 6 रोग पकड़ लेता है, यानी टीबी पकड़ लेता है, तो उससे निजात पाने के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। भगवान शिव वहाँ पे खुद ही प्रकट होते हैं और चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं, जिससे कि चंद्रमा का रोग एक हद तक ठीक हो जाता है, मतलब एक हद तक ठीक होता है। तो ये सारी कहानी है, कुल मिलाकर सोमनाथ मंदिर का वो इतिहास है, और फिलहाल महमूद का ये हमला होता है 1025 में। फिर इसके बाद सिंध के जाटों को दंड देने के उद्देश्य से गजनवी अंतिम बार भारत आया था, क्योंकि जाट जो है वो निहायत ही उपद्रवी थे और जुझारू थे, ये आसानी से झुकने वाले नहीं थे और ना आज ही झुकते हैं, इनकी जो जुझारूपना है ना वो विख्यात है, वीरता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, तो ये झुकने को तैयार नहीं थे, तो इनको सबक सिखाने के लिए एक बार फिर से आता है। और उसके बाद 1030 में 3 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, कोई भी आदमी अमर नहीं होता। इसके बाद आप देखें कि महमूद गजनवी जन्मजात सेनापति था, जिंदगी भर तो युद्ध ही लड़ता रहा। कुल आक्रमणों की अगर बात करें तो इसमें अब विदेशी इतिहासकारों की अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन मोटे तौर पे हम ज्यादातर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि 17 बार हमला किया था। 1000 ईस्वी से लेकर 1026 के बीच में गजनवी जो है वो भारत में 17 बार आता है, इसका लालच इसको बार बार खींचता है, तो ये सारी बातें हमने देख ली। अब यहाँ पर दरबारी विद्वानों की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये विद्वानों का गुणग्राहक था, उनकी कद्र करता था, तो पहला तो उत्बी है, इसका पूरा नाम है अबू नस्र उत्बी, और ये हमलावर दरबारी इतिहासकार है जिसने कि मतलब हमलावर के साथ चलने वाला, जिसने कि अपनी पुस्तक तारीख यामिनी या किताब यामिनी जो कि 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों के बारे में बताती है, उसमें मतलब उस किताब को इसने लिखा था। तो ये जो तारीख यामिनी है ये उत्बी के द्वारा लिखी गई है और इसका जो विषय वास्तु है वो आपको दिया हुआ है। इसके बाद ख्वाजा अहमद का नाम आप देख रहे हैं, वजीर था यानी मंत्री था। फिरदौसी जो है ये एक इतिहासकार था, फारसी में पद्य मतलब फारसी की जो कविता है उसमें 1000 छंदों वाला शाहनामा ये गजनवी के आदेश पर लिखता है और इसे फारसी का होमर कहा जाता है, ठीक है, फारसी का होमर कहा जाता है, शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है, तो शाहनामा आप कई जगह पर अलग अलग नामों से देखते हैं। इसके बाद अबुल फजल बैहाकी को देख रहे हैं आप। अबुल फजल बैहाकी जो है ये तारीख सुबुक्तगीन का लेखक था, यामिनी डायनेस्टी में जो गजनवी से पहले के रूलर हुए हैं उनके बारे में ये लिखा था, और लेन पूल के द्वारा इसको पूर्व का पेप्स कहा गया है। इसके बाद अलबरूनी को आप देख रहे हैं, तो अलबरूनी जो है ये राज्य ज्योतिषी है, ठीक है, राज्य में ज्योतिषी की हैसियत से था, हालांकि ये इतिहासकार था, ज्योतिषी नहीं था, और यहाँ आपने देखा। इसके बाद फराबी को आप देख रहे हैं, किताबुल हिंद लिखी गई है इसके द्वारा, बताने की आवश्यकता नहीं। फराबी को आप देखें तो दर्शन शास्त्र का ये विद्वान था, और तुसी जो है ये खुरसानी विद्वान था, उसरी जो है ये महान शिक्षक और राजकवि था, और उसरी का मुंह 3 बार महमूद गजनवी ने मोतियों से भर दिया था। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, ये ऊटपटांग बात क्यों लिखी गई है, इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा इनकी प्रशंसा करता था। दरबारी जो रचनाकार होते हैं ना किसी भी राजा के, हों उनकी एक बुराई होती है,
वो राजा के ही फेवर में लिखेंगे, राजा का ही गुण गाएंगे, उसके इतर कुछ देखते ही नहीं, बायस्ड होते। तो यहाँ पर क्या किया उसरी ने, बार बार तारीफ की महमूद गजनवी की, तो ये खुश होकर उसका मुंह मोतियों से भर देता है, यानी उसे खूब पुरस्कार देता है, इसका मतलब ये। इसके बाद फारूखी को आप देख रहे हैं तो ये दरबारी कवि था। ठीक, आगे चलते हैं, कुछ समकालीन शासकों को देख लेते हैं। तो गजनवी का जो टाइम था उस समय रानी दिद्दा का शासन था 1003 के आसपास कश्मीर में, काफ़ी प्रभावशाली महिला थी। और उसके बाद संग्राम राज का जो शासन है उसमें लोहार वंश की स्थापना होती है, ये समय है 1003 से लेकर 26 तक का। परमार भोज ये महमूद गजनवी के समकालीन थे, ध्यान दीजिएगा, परमार भोज। और बंगाल में उस समय महिपाल का शासन था, पाल डायनेस्टी रूल कर रही थी। चोल राज्य में इस समय राजा राज प्रथम रूल कर रहे थे, और उसके बाद महमूद गजनवी का जो समकालीन चोल शासक है वो राजेंद्र प्रथम है, और दोनों ही एक नंबर के बेजोड़ योद्धा और राजा थे। तो दक्षिण भारत पर वैसे भी कुछ खास असर नहीं पड़ता है, मतलब चोलों का जहाँ साम्राज्य है वहाँ तक ये लोग पहुँच भी नहीं पाते, वहाँ तक प्रभाव वैसा नहीं रहता है। हालांकि अंदेशा तो रहता है, राजा मतलब राजेंद्र प्रथम हो चाहे राजा राज हो, उन्हें ये चीज़ तो मालूम रहती है, उनके जो भेदीय गुप्तचर है वो फैले रहते हैं कि ऐसा हमला जो है वो भारत के एक हिस्से पर हो रहा है, लेकिन इनकी संस्कृतियाँ अलग रहती हैं तो ये अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। अब यहाँ पर अलबरूनी की चर्चा हुई थी, थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखी। क्यों सीखी? क्योंकि ये हमारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन करना चाहता था, उनसे सीखना चाहता था। हमारे ग्रंथ जो है ना उनको हर विदेशी जानना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आक्रमण के उद्देश्य से आया हो, हमारी सभ्यता को मिटाने के उद्देश्य से आया हो, या अंग्रेजों की तरह शोषण करने के उद्देश्य से आया हो, लेकिन हमारे ग्रंथों में हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, सबसे पुरानी संस्कृति है, उसमें सबका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जितना दुनिया भर में विज्ञान और ज्ञान फैला हुआ है वो सब हमारी वैदिक सभ्यता या हमारी जो संस्कृति है उसी की देन। ठीक है, तो भारत, भारतीय संस्कृति जो है, और भारत, इसे ऐसे ही विश्वगुरु नहीं कहा जाता है, ये दुनिया को सिखाने में माहिर है। तो कुल मिलाकर अलबरूनी को आप देख रहे हैं, इसने संस्कृत इस एवज में सीखी थी कि इससे ये गीता और पुराणों का अध्ययन कर सके, क्योंकि अरबी और फारसी सीखकर वो गीता नहीं पढ़ सकता था। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा, चाहे तीनों चारों वेद हों आपके, चौथा वेद जो है उसको शुरुआत में लोग कम तवज्जो देते थे, लेकिन फिर भी तो जो वैदिक ग्रंथ है, चाहे वो जितने भी ब्राह्मण साहित्य और आरण्यक आपने देखे, या फिर भगवद गीता हो, महाभारत जैसे महाकाव्य हो, या फिर पुराण हमारे 18 हैं जिसमें कि राजवंशों की वंशावलियां और तमाम जानकारियां हमें मिलती हैं कहानी के रूप में, यानी रोचक रूप में, तो उन सबको पढ़ने के लिए आवश्यक है कि आपको अच्छी वाली संस्कृत आनी चाहिए, काम चलाऊ नहीं, एक अच्छी संस्कृत आनी चाहिए। तो गजनवी के समय में ही आता है, अलबरूनी ने संस्कृत सीखी। अच्छा, 11वीं शताब्दी में ये भारत आता है, संस्कृत का लगे लगे अध्ययन करता है और अनेक संस्कृत रचनाओं का ये इस्तेमाल करता है उसके लिए। इसमें ब्रह्मगुप्त, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वराह मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि ये लोग टेक्निकल चीज़ें लिखते थे। और अलबरूनी ने भारतीय भाषा में तहकीक हिंद की रचना की। माफ कीजिएगा, भारतीय का मतलब यहाँ पे अरबी भाषा से तात्पर्य है, अरबों के द्वारा जो भारत में अरबी का प्रचलन किया गया था, ये अरब में बोली जाने वाली अरबी से थोड़ा सा भिन्न थी, हल्का सा अंतर था। तो कुल मिलाकर तहकीक हिंद में एक अरबी, जो औसत अरबी भाषा है, उसका इस्तेमाल किया गया है। और एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। अब इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा जी के द्वारा किया गया है। तो आप जो भी भाषा जानते हो, चाहे आप अरबी जानते हो, आप अंग्रेजी जानते हो या हिंदी जानते हो, तो उस भाषा में आप इस रचना को पढ़ सकते हैं और पढ़कर ये जान सकते हैं कि किस प्रकार से विदेशी आते थे, हमारे जो बौद्धिक ग्रंथ है उनका अध्ययन करते थे, उन्हें सिर्फ धार्मिक कहना उचित नहीं होगा, उसमें बहुत सारी रहस्यमयी बातें, ज्ञान विज्ञान की बातें लिखी हुई थी जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो उन सब का अध्ययन करके वो नई नई चीज़ों को सीखते थे और उसके बाद जाकर अपने देश में आविष्कार करके कहते थे कि हमने ईजाद किया है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसके बाद आप अलबरूनी को देख रहे हैं। तो उपनाम में अबू रेहान इनका उपनाम था, उपाधि के तौर पे विद्यासागर, मतलब भारतीय ब्राह्मण जो है वो इन्हें विद्यासागर कहते हैं, क्योंकि ये पढ़ने लिखने में निहायत ही रुचि रखता था। और कोई भी व्यक्ति जब इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन करेगा, भले ही वो अपने मतलब के लिए कर रहा था, लेकिन अगर इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन करेगा तो उसकी बौद्धिकता अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी, तो वो चीज़ है। और ये पहला मुस्लिम भारतीय भारतविद था, मतलब ये इसके बारे में आप देख रहे हैं। जन्म का देखें तो ख्वारिज्म में ये पैदा हुआ था, 973 का टाइम है। गजनी में इसकी डेथ होती है 77 वर्ष की आयु में। पुस्तक इसकी किताबुल हिंद है, तहकीक हिंद, या मिल मकाना भी कहा जाता है। और ये पुस्तक 11वीं शताब्दी का दर्पण कहलाती है, उस समय के समाज को भी ये दिखाती है। इवोल्का जो है ये भारत में प्रवास के बाद, मतलब भारत में इसका प्रवास होता है, उसके बाद ये अपनी किताब की रचना करता है जिसका नाम है इवोल्का। और अलबरूनी ने सिर्फ किताबुल हिंद को नहीं लिखा था, इसने 113 कृतियों की रचना की थी, ये विद्वान तो था, इसमें कोई शक नहीं। किताबत सैदाना को देख रहे हैं आप, ये अलबरूनी के द्वारा लिखी हुई दवाओं की किताब है,
मतलब आप देखें कि इसका ज्ञान जो है वो कितना मल्टी डाइवर्स तरीके से दिखाई दे रहा है, डाइवर्स नेचर का नॉलेज इसको था। इसने चिकित्सा विज्ञान पर भी अच्छा खासा अध्ययन किया था, जो वैज्ञानिक बातें हैं उनको भी अपनी किताबों में शामिल किया, अलग अलग ग्रंथों की रचना की, सामाजिक दशा और धार्मिक दशा का भी इसको अच्छा अंदेशा हो गया था। तो किताब इसीलिए आदमी को पढ़नी चाहिए। अलबरूनी ने भी बहुत सारी अलग अलग भाषाओं की किताबों का अध्ययन किया था। तो अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो इससे आप नई चीज़ों को जानते हैं, इंटरनेट से आप उतना नहीं सीख पाएंगे जितना कि पुस्तकों से। तो आपने देखा कि किताब जो सरदाना है, माफ कीजिए सैदाना, ये असल में चिकित्सा की पुस्तक है, चिकित्सा शास्त्र से जुड़ी हुई है, और इसका बाद में फारसी में ट्रांसलेशन बकर के द्वारा, अबू बकर के द्वारा किया गया था। किताबुल हिंद का भी ट्रांसलेशन होता है, अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन होता है, अरबी में लिखी गई है मूल रूप से, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है 1888 में एडवर्ड सचाऊ के द्वारा, और हिंदी में आपने पीछे देखा ही रजनीकांत शर्मा। अलबरूनी के बारे में ये देखा जाए तो मामूनी वंश के ख्वारिज्म शाह के राजनीतिक सलाहकार के तौर पे जाना जाता है। तो कुछ बायोडाटा हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ पे गोर राजवंश को देख लेते हैं, यानी मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी का जो वंश था वो संशबनी था, ये संशबनी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इसके कुछ और भी नाम थे, कुछ नहीं बल्कि ढेर सारे नाम आप देख रहे हैं, जैसे कि जंगी शिहाबुद्दीन। खुरसान पर जब ये विजय प्राप्त करता है तो उसके बाद शिहाबुद्दीन की उपाधि मोइजुद्दीन हो जाती है, और मोहम्मद बिन साम, ये सब इसके नाम थे। जुहाग जो है ये पौराणिक नायक जुहाग के तौर पे देखा गया है। अब इसके बारे में आप देखें, पौराणिक नायक जुहाग को मुइजुद्दीन राजवंश का पहला पूर्वज बताया गया, मतलब ये सबसे शुरुआती था जिसने कि संशबनी डायनेस्टी को स्थापित किया था, उसकी नींव रखी थी। इसके बाद तबकात ए नासिरी को तो आपने पीछे ही देख लिया, मिन्हाजुल सिराज के द्वारा इसको लिखा गया है, और ये मोहम्मद गोरी की विजय का काफ़ी प्रामाणिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है, मतलब जो तर्क दिए गए हैं वो मानने योग्य। 1063 की बात है, गियासुद्दीन गोर का शासक बनता है, फिर 1100 यहाँ आप देख रहे हैं, ये 1163 यानी 1163 की बात है, थोड़ा सा डेट यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, 1163 है, और इस समय गियासुद्दीन जो है वो गोर का शासक बनता है। इसके बाद क्या होता है, अगला समय जो है वो 1173, मोहम्मद गोरी जो है वो गोर का रूलर बनता है, और पहला हमला ये अपने भारतीय क्षेत्र में मुल्तान के ऊपर करता है। करमाथी जाति के जो शिया हैं वो इसका सामना करते हैं, और जो उच्च और निचला सिंध है उसको भी ये जीत लेता है मुल्तान के बाद। तो ये 1175 का टाइम है। 1178 की अगर बात करें तो ये गुजरात पर हमला करता है। यहाँ से जीतते जीतते इसको आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता जाता है इसके अंदर, और अंत में ये जोश में आके गुजरात पे हमला करता है। लेकिन यहाँ के जो शासक है मूलराज, ये राजा का नाम है, और इन्हीं को भीम द्वितीय भी कहा जाता है, इन्होंने गोरी को पराजित किया। यहाँ पे जो गुजरात के शासक हैं वो संगठित होकर लड़ते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि गोरी हार जाता है, तो उसको पराजय का मुंह देखना पड़ता है। इसके बाद 1179 के बाद, ये पहली हार थी भारत में, 1179 में पंजाब में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह पे हमला करता है, जीत लेता है, पेशावर की राजधानी लाहौर को जीतता है 1186 में, 1185 में सियालकोट को जीतता है। ये ध्यान दीजिएगा कि गजनवी का उद्देश्य लूट कर यहां से जाना था, लेकिन गोरी का उद्देश्य साम्राज्य फैलाना था, तो ये साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इसके बाद आप देख रहे हैं 1185 का टाइम, सियालकोट को ये जीतता है, और भटिंडा अभियान इसका 1188 का है, और तबर हिंद का किला ये जीत लेता है, और यहीं पर ये जो घटना है ये तराइन के पहले युद्ध का तात्कालिक कारण बनती है, क्योंकि यहाँ से ये राजपूतों की शक्ति को छेड़ देता है, और उसके बाद फिर राजपूतों के जो नेतृत्वकर्ता थे, मतलब एक तरह से स्तंभ कहा जाए, पृथ्वीराज चौहान, उनके लाइन में आ जाता है। अब यहाँ आप देखें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भटिंडा के पास में तराइन नाम की जगह है, भटिंडा के पास में तराइन नाम की जगह है, वहाँ पहला युद्ध होता है, और मोहम्मद गोरी की बहुत बुरी तरह से पराजय होती है, जीवित उसे पृथ्वीराज चौहान दयावश छोड़ देते हैं, और वो भाग जाता है वहाँ से। उसके बाद 1192 का टाइम आता है, फिर से वो सेना इकट्ठी करके आता है, और दूसरा युद्ध होता है तराइन का, वही क्षेत्र है, और इसमें गोरी की जीत होती है। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, मतलब पृथ्वीराज चौहान समाप्त हुए, 1192 का वही टाइम था, और उसके बाद फिर रोकने टोकने वाला वैसा कोई बचा नहीं था। जयचंद ने धोखा दिया था, तो वो फिर आप देखते हैं चंदावर का युद्ध, उसमें उसे दंड मिल जाता है, तो इस तरीके से अब कोई बचा नहीं था ऐसा कि सामना कर सके, तो इसका जो मार्ग है वो निष्कंटक हो जाता है। अब आप देखें कि 1195 का समय, अब तेजी से जीतने लगता है, 1195-96 का टाइम है, गोरी बयाना को जीत लेता है, उसके बाद ग्वालियर को बहाउद्दीन तुर्गिल ने जीता था, और मोहम्मद गोरी अंत खुद युद्ध में ईरान के ख्वारिज्म शाह से भयंकर रूप से हार जाता है। अब ये थोड़ा सा देखिए 1205 में ट्विस्ट आता है। 15 मार्च 1206 का समय है, सिंधु नदी के तट पे दमयक नाम की जगह है, वहाँ वो शाम की नमाज अदा कर रहा था, और 15 मार्च 1206 की ये तारीख है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा जीवन काल समाप्त होता है। अब आप देखते हैं कि गोरी की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसका कोई अपना पुत्र या पुत्री नहीं थी, इसके बहुत सारे गुलाम थे,
और ये कहता था हमेशा कि बाकी जो बादशाह हैं उनके बेटे बेटियां होते हैं जो कि उसके नाम को रोशन करते हैं, नाम को आगे ले जाते हैं। मेरे ये सारे दास हैं जो कि मेरे नाम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इस तरह के और भी थे, यलदौज या इस तरह के अन्य दासों के नाम आप देखते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसमें ज़्यादा काबिल सिद्ध होता है, तो ये उसके नाम को आगे बढ़ाते हैं। अब फखरुद्दीन राजी और नाज़ामी उरूजी जो हैं ये गोरी के दरबार में हुआ करते थे। अब यहाँ एक चीज़ और कही गई है, उसको ध्यान से देखिए। गोरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी यानी माता लक्ष्मी और नंदी महाराज की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे, ये एक चीज़। और इस पर देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था, मजे की बात देखिए, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था मोहम्मद बिन साम, ठीक, मतलब इसी तरीके से लिखा गया था। देवनागरी का मतलब यही है, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, आप जानते हैं ना। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी। तबकात ए नासिरी के हिसाब से अगर हम माने, यानी नासिरुद्दीन महमूद की अगर हम माने, तो ये कहा गया, मतलब उसी का ये कथन था जो अभी आपको बताया ना, वो असल में तबकात ए नासिरी में लिखा हुआ है, सेंटेंस है कि गोरी ने कहा था कि उसके दास ही उसकी आशाओं का आधार है, मतलब बाकी सुल्तानों के, उसने ऐसे लिखा है कि बाकी सुल्तानों के ढेर सारे पुत्र पुत्रियां होते हैं जो कि उसके वंश को आगे ले जाने का काम करते हैं और उसकी कीर्ति को आगे बढ़ाते हैं, मेरे जो दास हैं वही मेरी आशाओं का आधार है और उसके सुदूर अभियानों का दायित्व संभाल सकते हैं, दास ही उसके पुत्र हैं, मतलब अपने पुत्रों के समान अपने दासों को वो मानता था। भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का जो श्रेय है वो गोरी को ही है। गजनवी ने जो हमला किया था, चाहता तो वो भी यही काम करता, लेकिन उसने विस्तार की अपेक्षा नहीं रखी थी, उसने सिर्फ लूटने का पर्पज बनाया था। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको कि देख लेना चाहिए। देखिए, महमूद गजनवी का चंदेलों पर जो पहला हमला है वो 1019-20 में होता है। उस समय चंदेल वंश का जो शासक है वो विद्याधर था और ये अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। तो यहाँ पर जो स्थान स्थान पर विरोध हो रहे हैं उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आक्रमण किसका हो रहा है, किस समय हो रहा है और उसको रोकने का प्रयास कौन सी डायनेस्टी या किस राजा के द्वारा किया जा रहा है, और हाँ, युद्ध का परिणाम क्या है, यहाँ से प्रश्न बनता है, सही है। अब इसके बाद देखिए, महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था, वो तो पीछे हमने देखा ना, दरबारी जितने भी विद्वान थे उसको उनको ये संरक्षण दिया करता था, तो ये खुद भी शिक्षित था, पढ़ा लिखा था और काफ़ी सभ्य था, ऐसा मानना है। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था और उसकी किताब उल यामिनी नाम की जो रचना है उसमें आप कई सारी चीज़ों को, मतलब कई सारी जो इसके संबंध में बातें हैं उन्हें देखते हैं। फरिश्ता, ये एक और इतिहासकार का नाम आप देख रहे हैं, तो फरिश्ता ने 1560-1620 ईस्वी में तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नाम की किताब को लिखा है और इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन कासिम हिंदू शाह था और इसकी जो पुस्तक है तारीख़ फरिश्ता वो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। ये बीजापुर के रूलर्स के अधीन हुआ करता था। संस्कृत का मुद्रा लेख है, मतलब मुद्रा पर लिखा हुआ संस्कृत भाषा का ये अभिलेख है। चांदी के सिक्के और इसके साथ साथ चांदी के सिक्के, ये सब जो है ये महमूद गजनवी के द्वारा जारी किए गए थे, संस्कृत में उस पर लिखा हुआ। और महमूद गजनवी के द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया गया है उसमें दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी जो भाग था, मतलब उसका जो हेड हुआ करता था, हर सिक्के में हेड और टेल होता है, तो उसका जो हेड हुआ करता था उसमें मुद्रा लेख अरबी में दर्ज था और जो दूसरी तरफ इसका टेल वाला पार्ट था, पीछे का हिस्सा था, उसमें दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है और हिंदी की भी लिपि देवनागरी है। हिंदी जो है वो संस्कृत की बेटी है, ठीक है, ये बातें आप जानते हैं। तो दोनों की ही लिपि जो है वो देवनागरी है, लेकिन यहाँ लिखा गया था भाषा के तौर पर, ये भाषा थी संस्कृत। इसके बाद अलप्तगीन को आप देखें, उसके बाद हम सल्तनत काल देखेंगे, यानी आगे अब गोरी के गुलाम जो हैं वो शासन करेंगे। तो अल्पतगीन का जो टाइम है वो 933 से लेकर 963 का है। बुखारा के सयानी शासक अब्दुल मलिक का ये तुर्क दास था, ये क्या था, गुलाम हुआ करता था। वह साहस और परिश्रम के बूते हजीब उल हजाब के पद पे नियुक्त होता है और 956 में खुरसान का राज्यपाल बन जाता है। मतलब इतनी तरक्की आप देखिए, एक दास से उठकर ये राज्यपाल बन जाता है, तो काबिलियत तो थी। और इसी ने गजनवी वंश की स्थापना की थी, गजनी को अपनी राजधानी बनाया और इसी के वंश को यामिनी वंश कहा गया। क्यों कहा गया वो हमने पीछे देखा था। अब आप देखें कि 963 का टाइम आता है, अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा इसहाक जो है वो उत्तराधिकारी बनता है। सुबुक्तगीन की अगर बात करें तो सुबुक्तगीन जो है वो अल्पतगीन का दास था और बाद में दामाद बन जाता है, रिश्तेदारी। अब अल्पतगीन ने उसे अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी, तो ये उपाधि वगैरह भी आपको देखनी चाहिए। 977 में गद्दी पर बैठता है और वस्त्र, दवार, कुस्तार, बमियान, तुर्किस्तान और गोर क्षेत्र जो है इसको पूरा ये कवर कर लेता है, यानी जीत लेता है। चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी का सामना किया था, ये सब आपने पीछे भी देखा है, यहाँ रिपीट हो रहा है। अब यहाँ से हम आगे की बात करते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। दिल्ली सल्तनत को देख लेते हैं जिसका कि पूरा दौर 1206 से स्टार्ट होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से इसकी शुरुआत होती है, शुरुआती जो वंश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही आधार पर चलता है, तो इसको गुलाम वंश कहा जाता है।
ठीक है। और इसके बाद ये क्रमशः कई सारी डायनेस्टियों के द्वारा यहाँ रूल किया जाता है और पूरा समय इसका समाप्त होता है 1526 यानी पानीपत के पहले युद्ध तक। तो इसमें हम शुरुआत में देखेंगे शासक का नाम, पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कालावधि इसकी जो है वो 1206 से लेकर 1210 तक की है। इसमें डायनेस्टी बांटी गई, तो पहले जो पहला वंश है वो गुलाम वंश कहलाता था या इसी को मामलूक वंश कहा जाता था, ठीक है। तो इसका जो पूरा टेन्योर है, मतलब गुलाम वंश के शासकों का पूरा शासन का समय, वो 1290 तक चला गया है, मतलब 1206 से लेकर 1290। अब इसमें पहला रूलर हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर 1210। पील बख्श, लाख बख्श, काफ़ी उदार और विद्वान था, कुरान का बड़े ही सुरीले स्वरों में पाठ करता था, तो इसको कुरान ख्वा कहा जाता है। हातिम द्वितीय कहा गया, मलिक सिपासालार, ये मोहम्मद गोरी के द्वारा दी हुई उपाधियाँ थी। असल में ये सेना का नेतृत्व करता था और काफ़ी कुलीन था, मतलब सभ्य था, तो इसके चलते गोरी इससे बहुत प्रसन्न रहता था और ये चाहता था कि आगे इसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ही बने, और ऐसा ही होता है। हालांकि इसे बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये अकेला दास तो था नहीं, बहुत सारे चहेते दास गोरी के और थे जो कि इसका विरोध कर रहे थे। इसीलिए ये लाहौर क्षेत्र को ही अपनी राजधानी रखता है, दिल्ली में घुसने की हिम्मत नहीं होती। इसके बाद आराम शाह, जो कि निहायत ही आराम तलब था, मतलब ये अयोग्य शासक था, बहुत ज़्यादा योग्यता इसके अंदर नहीं है, ये 1210 का है। और उसके बाद स्थापना होती है अगले साम्राज्य की, मतलब वास्तविक जो दिल्ली सल्तनत या आप कह लीजिए कि वास्तविक गुलाम वंश की स्थापना कही जाती है वो इल्तुतमिश के समय में होती है, जो कि इंडिपेंडेंट सोच वाला व्यक्ति था, वो प्रैक्टिकल तरीके से सोचता था। और सुल्तान ए सईद इसको कहा गया, भाग्यशाली सुल्तान कहा गया मिन्हाजु सिराज के द्वारा। सुल्तान आजम, नासिर अली उल मोमिनीन, ये सब खलीफा के द्वारा दी हुई उपाधियाँ हैं, तो खलीफा के द्वारा एक बार उपाधि मिल गई तो वहाँ से गुलामी समाप्त हो जाती है और फिर जो बादशाही है वो शुरू हो जाती है। अब यहाँ आप गुलामों का गुलाम इसको देख रहे हैं, क्यों कहा गया, क्योंकि गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था और गोरी के ही कहने पर ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था, तो ये एक कहानी है, इसको पता होना चाहिए। और ईश्वर की भूमिका संरक्षक, और ईश्वर की भूमिका यहाँ आप देख रहे हैं, ईश्वर की भूमिका संरक्षक या ईश्वरों का सेवक सहायक इत्यादि इसको माना गया है, तो इसकी कई सारी उपाधियाँ हैं, उसे आपने देखा 1210 से लेकर 1236 तक ये रूल करता है। इसके बाद जबरदस्ती तख्त पे कब्जा कर लेता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, न तो जनता ही इसे चाहती है न कोई और चाहता है, लेकिन ये जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, जबकि वास्तविक हकदार रजिया रहती है। इल्तुतमिश ने पहले तो अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया था लेकिन उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो अपनी बेटी रजिया को सबसे योग्य पाता है और अपने जीवन काल के अंतिम समय में घोषणा करता है कि उसके बाद तख्त पर जो बैठेगा वो एक महिला होगी, जो कि सल्तनत के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक इतिहास में एक चौंकाने वाली बात थी, किसी महिला का शासक बनना। और रजिया भी बिल्कुल इल्तुतमिश की तरह स्वतंत्र सोच वाली थी, और यही सोच जो है दल चालीसा को खट्टी लगती है। दल चालीसा के जो सरदार हैं उन्हें कठपुतलियाँ चाहिए थी, चाहे मतलब उन्हें धागों के सहारे नचाए जा सके, तो ऐसा रजिया नहीं रहती है, वो अपने स्वतंत्र फैसले लेती है और बिल्कुल मर्दाना वेशभूषा धारण करके दरबार में प्रकट होती है। और दल चालीसा चाहता था कि ये पर्दा करे, बिल्कुल झुक कर रहे जैसा महिलाएं उस समय रहती थी, तो ये उसे विवश तो नहीं कर पाते लेकिन उसका उसे मार डालते हैं, मतलब मरवा डालते हैं। तो यहाँ आप देखें कि रजिया का पूरा नाम जलालातुद्दीन रजिया था। 1236 से लेकर 1240 का जो समय है यानी 4 साल का जो टाइम पीरियड है उसी में ये रूल कर पाती है। उमदतुल निस्वा जो है ये इसकी उपाधि थी। इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो कि निहायत ही निकम्मा था, असल में कठपुतली था, पीछे से जो अंगुलियां हिलाने और नचाने का काम है वो दल चालीसा कर रहा था, ये अमीर तुर्कों का गुट हुआ करता था, बलबन इसका सरगना था। इसके बाद 1240 से लेकर 1242 का टाइम आप इसमें देख रहे हैं, इसका समय। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, इन शासकों का जिक्र करना भी बेकार है क्योंकि ये जितने भी हैं ये दूसरे के इशारे पर काम कर रहे थे और शासक की सोच जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246, इसमें उल्लेखनीय कौन है, तो शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश और उसके बाद रजिया, और उसके बाद सीधे हम यहाँ आ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं और आ सकते हैं बलबन की ओर। तो चलिए इसमें हमने देखा, अब इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, तारीखें आपको पता होनी चाहिए। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह को आपने देखा, ये 1240 से 42 तक यानी 2 साल तक रूल करता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को आप देख रहे हैं, 42 से लेकर 46 यानी 4 साल तक रूल करता है, इसको दरवेश कहा गया। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद का टाइम आप देख रहे हैं, 1246 से लेकर 1265 तक का है, बलबन एकदम से पीछे से सक्रिय था, सिंहासन पर तो वो बाद में बैठता है लेकिन पहले से ही वो अपना शासन चलाने का काम पीछे से कर रहा था। तो मिन्हाज के हिसाब से नासिरुद्दीन महमूद जो है वो दिल्ली का आदर्श सुल्तान था, मतलब आदर्श सुल्तान का मतलब ये है कि एकदम वैरागी भाव वाला था, तो उसके पीछे कारण ये था कि उसके हाथ में नियंत्रण तो था नहीं, जब नियंत्रण ही नहीं है तो फिर वो अपनी मनमानी कैसे कर सकता, मतलब अपने हिसाब से कोई फैसला नहीं ले सकता।
बलबन का जो मूल नाम है वो बहाउद्दीन है, उपनाम है इसका बलबन खुर्द, और 1266 से लेकर 1287 तक ये कठोर नियंत्रण स्थापित करता है शासन पे और रूल करता है। तो इसका जो शासन है वो उल्लेखनीय है, जानने योग्य बातें हैं। गियासुद्दीन जब वो सुल्तान बनता है तब उपाधि धारण करता है, और उलूक खां ये महान खां की जो उपाधि है, इसके अलावा नियाबत खुदाई और जिल्ले इलाही यानी अल्लाह की परछाई, ये सारे जो उपाधियां हैं ये बलबन धारण करता है अपने महिमा मंडल के लिए। इसके बाद समय आता है कैकुबाद और कैमर्स का, क्यूमर्स कहा जाता है। तो कैकुबाद का जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब 3 साल का है, 1287 से लेकर 1290, उसके बाद क्यूमर्स का जो समय है वो 1290 का है। तो इस तरीके से 1290 तक का ये गुलाम वंश का दौर देख रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ दिल्ली के संस्थापक के तौर पे, अब दिल्ली का यहाँ जिक्र आया है ना, तो उसमें ये देखना आवश्यक है कि दिल्ली नगर इसको बसाया किसने था। तो अनंगपाल तोमर, जिनका नाम बिलान देव था मूल रूप से, उनके द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी, दिल्ली के रूप में स्थापना की गई थी। वैसे इसका जो पुराना नाम है, मतलब आप महाकाव्य के समय का देखिए या पौराणिक जो समय है उसमें, इसे इंद्रप्रस्थ योगिनीपुर, और बाद में जब इस्लामिक हमले होते हैं और दिल्ली को केंद्र बनाया जाता है तो इसका नाम कुवतुल इस्लाम रखा गया, बगदाद द्वितीय रखा गया, क्योंकि राजधानी के तौर पर काम कर रहा था। तोमर डायनेस्टी के शासक ढिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ता है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, दिल्ली जैसा अनोखा नाम कहाँ से आ गया, तो ये ढिल्ली के नाम से कन्वर्ट होकर दिल्ली बन गया। अच्छा, अनंगपाल द्वितीय को लालकोट दुर्ग तथा अनंगताल नाम के जो दिल्ली के प्राचीनतम जल निकाय हैं उन पर निर्माण कार्य का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान का बिछोलिया अभिलेख जो है ये 12वीं शताब्दी का है, इसमें चौहान शासक विग्रहराज के द्वारा ढिल्लिका को जीतने की चर्चा है। विग्रहराज चतुर्थ जो है वो अत्यंत विद्वान थे, उनके द्वारा बनाई हुई जो पाठशालाएं हैं उसी को ध्वस्त करके उस पर निर्माण करवाया गया इस्लामिक आक्रमणकारियों के द्वारा। तो आप देखें कि ढिल्ली का जो क्षेत्र था यानी दिल्ली, उसको जीतने की चर्चा ये अभिलेख से प्राप्त होती है जिसका नाम है बिछोलिया। इसके बाद आप देखें बाउली अभिलेख जो है ये 13वीं शताब्दी का है, पालम बाउली, यहाँ से दिल्ली को किसी उधारा नाम के व्यक्ति के द्वारा निर्मित बताया गया है। तो अपनी अपनी विचारधारा है। अभिलेख में तोमर और चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गोरी से बलबन तक के सुल्तानों की जो सूची है वो दी हुई है। आगे चलते हैं, देखिए सरबन अभिलेख जो है ये 14वीं शताब्दी का है, दिल्ली के इतिहास के साथ साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुरुष्क दंड नाम का आपने पीछे कर देखा था ना, वैसे ही तुरुष्क मतलब होता है तुर्क। हर चीज़ को संस्कृत और हिंदी में ट्रांसलेट करना ही हमारी आदत थी, तो तुर्क शब्द को भी हमने क्या किया, तुरुष्क बना लिया। अब इसके बाद आप देखें 1192 का समय, तराइन का दूसरा युद्ध होता है और दिल्ली और पूरा जो महाराज पृथ्वीराज का क्षेत्र था वो सब तुर्कों के कब्जे में आ जाता है। 1193 दिल्ली का जो क्षेत्र है, अब इस समय क्या होता है, भारत में गोरी के राज्य की ये राजधानी बन जाता है। और मोहम्मद हबीब के हिसाब से दिल्ली सल्तनत 1192 का जो समय था, और सही बात यही है, 1192 में अगर युद्ध का निर्णय उलट गया होता, मतलब पृथ्वीराज चौहान दोबारा जीत गए होते, तो तुर्क शक्ति यहाँ से पैर नहीं जमा पाती, पैर उखड़ जाता और उन्हें लौटना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हारने की वजह से, पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने और मारे जाने की वजह से, सत्ता जो है वो पूरी तरह से मुट्ठी में आ जाती है गोरी के। इसके बाद 1526 का जो पानीपत का युद्ध होता है ना, पहला वाला, वहाँ तक दिल्ली की जो सल्तनत है वो चलती है और इब्राहिम लोधी लड़ते हुए मारा जाता है, और यहाँ से फिर मुगलों का जो साम्राज्य है वो स्थापित होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किला ए राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान का जो दुर्ग था उसके चारों ओर एक भवन बनवाया गया है, और मेहरौली दिल्ली का जो 7 नगर है उसमें से पहला माना जाता है। तो इस तरीके से दिल्ली की संरचना की चर्चा हो रही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली को हजरत दिल्ली यानी प्रतिभाशाली दिल्ली कहा गया, और अरब खुरसान चीन बुधारा अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया, ऐसा कहना था इसामी का। इसामी भी एक इतिहासकार है इस्लामिक, और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक लाइट के स्रोत के पीछे पतंगे जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं बलबन के द्वारा दिल्ली के चारों कोनों यानी भोजपुर पटियाली कंपिल और जलाली, वहाँ पे 4 किले बनवाए गए। अब देखिए सुरक्षा की व्यवस्था है, किले इसीलिए बनवाए जाते हैं। आगे चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 का जो समय है, सीरी द्वितीय के रूप में दिल्ली जानी गई, और यहाँ पे वृत्ताकार अलाई किला, इसके अलावा कोशके सीरी जिसे कुशके सीरी कहा जाता है, उन सब का निर्माण करवाया गया जिसमें कि 7 दरवाजे हुआ करते थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्थापत्य से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं तो वहाँ पे आप इसे कवर कर सकते हैं। बर्नी ने सीरी को शहर ए नौ कहा, मतलब नव नगर कहा, ठीक, ये संबोधन है। और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक 4 दीवारी बनवाई थी बाहरी हमलों से बचने के लिए, क्योंकि इस समय तक बाहर से और भी तरह के हमले होने लगे थे। गियासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पे तुगलकाबाद को बसा दिया और दिल्ली 3रा नगर था अब, मतलब ये दिल्ली का 3रा नगर था तुगलकाबाद। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का समय है, पनाह शहर ये बसाता है, दिल्ली का 4था नगर। पनाह नगर जो है ये राय पिथौरा और सीरी के बीच में हुआ करता था, और बेसिर पैर के निर्णय लेने में मोहम्मद बिन तुगलक का कोई सानी नहीं है, हालांकि ये पूरे जितने भी सुल्तान हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इसके बाद आगे चलते हैं,
देखिए यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने यमुना के किनारे फिरोजाबाद बसाया और ये दिल्ली का पांचवा नगर बना और आज के समय में फिरोजाबाद जो है इसको फिरोज शाह कोटला कहा जाता है। सैयद वंश के शासक का नाम है मुबारक शाह और ये 1434 में मुबारकाबाद बसाता है यमुना के किनारे। नदी के किनारे नगरों को आप ज्यादा बसा हुआ देख सकते हैं। शेर शाह सूरी का जब दिल्ली पर कब्जा होता है, ये लंबे समय तक बाबर की सेना में काम कर रहा था, वहां से ये जितनी भी आर्मी की टेक्नोलॉजी है और मुगलों के रहस्य हैं उनको जान गया रहता है और बहुत सारा इसके पास अनुभव, संघर्ष इसने बचपन से किया था तो अनुभव इसके पास बहुत सारा रहता है। उसी का फायदा उठाकर ये हुमायूं को पराजित करता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पर ये शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नाम का एक नगर बसाता है जो कि छठवां नगर था। और बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीना था तो मुगल शक्ति का केंद्र दिल्ली बन गई थी, हालांकि राजधानी बार बार डामाडोल होती रही। इसके बाद 1533 हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नगर की स्थापना की और दीनपनाह नाम की एक लाइब्रेरी जिसकी सीढ़ियों से लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो गई। मध्यकालीन भारत का पहला और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था, मतलब मध्यकालीन भारत की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। प्राचीन भारत में तो भरे पड़े हैं लाइन से, है ना, लेकिन मध्यकालीन भारत में ये एकमात्र और अंतिम हिंदू राजा था जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। इसका नाम था हेमू और ये 1556 में दिल्ली के राज सिंहासन पर कब्जा, अब इसके बाद वही संघर्ष होता है, आप देखते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध, हेमू की सेना और अकबर बैरम खां के नेतृत्व में उसकी जो सेना है दोनों के बीच में टकराव होता है। इसमें अकबर की जीत होती है और यहाँ से फिर मुगलों की जो सत्ता है वो कायम हो जाती है और हेमू का समापन हो जाता है, तो वो कहानी हम देखेंगे। इसके बाद आप देखें शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद नाम के जो नाम का जो नगर है वो बसाया गया, ये 1638 की बात है और 1648 में मुगलों की अंतिम राजधानी के तौर पर इसको डिक्लेयर किया गया। इसके बाद दिल्ली की इमारतों को केंद्र में रखकर, यहाँ देखिएगा दिल्ली की इमारतों को केंद्र में रख के सर सैयद अहमद खान ने आसरारुद्दीन की रचना की थी, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद 1206 का जो समय है, 1206 से लेकर 1526 दिल्ली पर कुल मिलाकर पांच वंशों ने 320 साल तक शासन किया था, ये सल्तनत काल है और इसमें सर्वाधिक समय तक तुगलक डायनेस्टी का रूल रहा है। इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया और सबसे कम समय तक किसने शासन किया, तो तुगलक डायनेस्टी का जो रूल है यानी तुगलक वंश का वो 94 साल का था और सबसे कम समय तक खिलजियों का रूल था मात्र 30 साल का। बहलोल लोदी 38 साल तक सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला सुल्तान बनता है और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल है वो 37 साल का रहता है, तो ये कुछ ज्यादा लंबे समय तक रूल करने वाले सुल्तानों के नाम आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर 1236 से लेकर 1296 कुल 10 सुल्तानों ने राज किया और 1236 से 1246 जो कि परिवर्तन की अवधि थी, मतलब इसमें दल चालीसा एक्ट कर रहा था और जो कठपुतली सुल्तान हुआ करते थे उनको सिंहासन पर बैठाया जा रहा था, तो ये बार बार बदलते रहते हैं, इसीलिए पांच सुल्तान सिर्फ इतने सीमित समय अंतराल में यानी 10 साल का लगभग मोटे तौर पे गैप है, तो उसमें पांच बार जो सुल्तानों का चेंज होता है उसे आप देखते हैं। इसमें नासिरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, ये जितने भी सुल्तानों के नाम आप देख रहे हैं सल्तनत काल के, ये सब हिंदू माँ की संतानें थी, मतलब हिंदू महिलाओं से जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उन्होंने विवाह किए थे और उनका नतीजा ये संतति के रूप में पैदा होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा। कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लेते हैं, तो दास वंश, गुलाम वंश, मामलूक वंश के नाम से इसका वंश कहा जाता था और ऐबक का जो समय है वो 1206 से लेकर 1210 तक का है। जाति इसकी तुर्क थी और राजधानी इसकी लाहौर थी, दिल्ली तक यहाँ नहीं पाया। उपाधि के तौर पे वही पीलबख्श, लाखबख्श पीछे हमने देखा है, ठीक है। सिपा सालार की जो उपाधि है वो गोरी ने इसको दी थी और वो इस उपाधि को ये ज़्यादा पसंद करता था। काजी फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने सबसे पहले ऐबक को खरीदा था, तो यहाँ से दासता की शुरुआत होती है, गुलामी की, और इसे धनुष चलाना सिखाया, घुड़सवारी करना सिखाया। ऐबक कुरान पढ़ता था और कुरान उसको पूरी कंठस्थ थी, बड़े सुरीले स्वर में पाठ करता था, इसीलिए उसको कुरान ख्वा कहा गया। और ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया और अमीर ए आखूर के पद पे यानी घुड़सवार सेना के प्रमुख के पद पे नियुक्त किया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद दास हुआ करता था और इसी वजह से गोरी ने ऐबक को अपने भारतीय विजित प्रदेशों की कमान सौंप दी थी, तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐबक जो है वो तुर्की साम्राज्य का संस्थापक है। ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण लाख बख्श और पील बख्श यानी हाथियों का दान करने वाला और लाखों मुद्राओं का दान करने वाला इस तरीके से संबोधित किया गया। आगे चलते हैं, हसन निजामी और फर्रुखमुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान थे, ये दो नाम आप देख रहे हैं ना, ये ऐबक के दरबार में विद्वान हुआ करते थे और ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, कुवतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसको बनवाया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ऐबक का सेना नायक था बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया, मतलब इतना भयंकर वहाँ पे अग्निकांड हुआ था और पुस्तकों की तादाद इतनी अच्छी खासी थी कि बहुत लंबे समय तक तो आग को बुझाया ही नहीं जा सका, इतनी सारी जो पुस्तकें हैं वो लगातार जलती रही,
तो अमूल्य धरोहर के रूप में संचित उन ग्रंथों को बेरहमी से जला दिया गया। इसके बाद आप देखें कि ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था, उसने केवल मलिक और सिपहसालार की जो पदवियां हैं उन्हीं से अपने आप को संतुष्ट कर लिया था। गोरी के अधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद, ये आप देख रहे हैं, मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिलती। ये बहुत ज़्यादा दान करता था, तो ये बातें हमने पीछे देखी। कुबतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा आप देख रहे हैं, ये दोनों मस्जिदें हैं। कुबतुल इस्लाम जो है ये दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये एक पाठशाला हुआ करती थी पहले, संस्कृत पाठशाला, उसी को ध्वस्त करके उसी के ऊपर खड़ा किया गया है। तो ये जो है ये मस्जिद है, और इसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू तो करवाया लेकिन पूरा नहीं करवा सका। बाद में उसका दामाद इल्तुतमिश जो है वो उसको पूरा करवाता है, लेकिन तुगलकों के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में, इसकी जो चौथी मंजिल है उसमें काफ़ी तोड़फोड़ हो जाती है। तो उसके बाद फिरोज शाह क्या करता है, चौथी के साथ साथ दो और मंजिल इस पर बनवा देता है। तो जो अभी कुतुब मीनार का वर्तमान स्वरूप है उसमें वो खड़ी हो जाती है। मृत्यु की अगर बात करें तो चौगान खेलते समय, जो कि असल में पोलो टाइप का होता है, घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है, तो उसमें दुर्घटनावश एक घोड़े से स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है और मारा जाता है। अब यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की जो पदवी है वो गयासुद्दीन महमूद के द्वारा, मुहम्मद के द्वारा प्रदान की गई थी, ऐसे हमने देखा। इल्तुतमिश को देख लीजिए, जाति का ये इलबारी तुर्क हुआ करता था, पिता का नाम ईलम खां था। शमसी वंश या इलबारी वंश का ये संस्थापक कहा जाता है, और शमसी वंश का जो अंतिम शासक था, यानी आप कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के खानदान का जो अंतिम व्यक्ति था, वो नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, अब यहाँ पे उपाधि की अगर बात करें तो सुल्तान ए सईद इसको कहा गया मिनहाज के द्वारा, सुल्तान आजम नासिर अमीर अमीर उल मोमिनीन के नाम से खलीफा के द्वारा उपाधि दी गई, गुलामों का गुलाम कहा गया क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था जो कि खुद ही गुलाम था, और मकबरों का पितामह कहा गया, मकबरा शैली इसने शुरू की। कुछ अभिलेखों में इसे ईश्वर की भूमि का संरक्षक, तो कोई भी सम्राट बनता है तो उसकी बहुत तारीफ होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने कि सुल्तान के पद की जो स्वीकृति है वो गोर के किसी शासक से नहीं प्राप्त की थी, मतलब गोरी के वंशजों से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, इसने अपने आप को एकदम से स्वतंत्र कर लिया था, और इसने खलीफा से उस स्वीकृति को प्राप्त किया था। तो खलीफा की बात सर्वमान्य थी इन लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें सभी लोगों के द्वारा इल्तुतमिश को एक खुले मन से यहाँ सुल्तान के तौर पर स्वीकार किया गया। ये समस्या कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ देखने के लिए मिलती है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग इसे स्वीकार नहीं करते जो इसके विरोधी होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, दिल्ली का पहला सुल्तान ये था, हमने देख लिया है, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, ये इलबारी जनजाति का तुर्क था, वही बातें रिपीट कर रही है। सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था, ये एक काम की बात है। और हाँ, 1205 से लेकर 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए एक अभियान ये मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ संपन्न करता है, मतलब गोरी और ऐबक उसमें पहले से ही रहते हैं, उसमें ये भी शामिल हो जाता है, और यहाँ पे युद्ध में वो बेजोड़ वीरता का प्रदर्शन करता है। उसको देखकर गोरी ने ऐबक को कहा कि इसको दास्ता से मुक्त कर दो, ये स्वतंत्र रहने के लायक। तो ये बातें हमने देखी। इसके बाद आप देखें कि इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और बदायूं का गवर्नर यानी प्रशासक हुआ करता था। इल्तुतमिश को अमीर शिकार का पद दिया गया था और तुर्की शासन का ये वास्तविक संस्थापक था। कुतुब मीनार को ये पूरा करवाता है जो ऐबक अधूरा छोड़कर चला गया था। इक्ता प्रणाली जो है उसको इल्तुतमिश के द्वारा ही शुरू किया गया था। इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा जो शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन है उसको करवाया था। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, एक तो चांदी का जो टंका होता है और तांबे का जीतल, ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किए गए थे। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की जो परंपरा है उसको भी स्टार्ट किया गया था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नाम के जो ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट किया था ताकि वो प्रशासन को बेहतर ढंग से संभाल सके। अब यहाँ पर इसके जो कुछ कैंपेन है उसको देख लेते हैं। तो पहला जो अभियान है वो 1226 का है, रणथंभौर को ये जीतता है, और 70 शासक जो है वो मिलकर भी इस पर जीत हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये 70 आपस में ही लड़ते रहते हैं। इसके बाद 1227 की बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियों में पंडावर जो क्षेत्र है उसको ये जीत लेता है। ग्वालियर पर जो पुनः विजय है वो परिहार शासक मंगलदेव को पराजित करके हासिल करता है 1232। 1236 में इसका अंतिम अभियान होता है बामियान के लिए, और वहाँ से लौटते लौटते ये रजिया को शासिका घोषित करता है, मतलब अपना उत्तराधिकारी। ठीक है, तो ये जो उत्तर पश्चिम बामियान है उस पर ये जीत हासिल करके लौटता है, और 1236 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते, इल्तुतमिश की एक पत्नी का नाम शाह तुर्काना था, आप इसको पढ़ते हैं इतिहास में, और शाह तुर्काना से जो पुत्र पैदा होता है वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, और 1236 में वो जबरदस्ती गद्दी पर आसीन हो जाता है, और उसके बारे में जितने भी लोगों की राय आप देखेंगे वो सब बुरी थी। उसमें से बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना था कि वो हाथी पर चढ़कर नशे की हालत में मोहरे ऐसे फेंकता रहता था, मतलब उसे पूरे राज जो राज सत्ता थी आप कह लीजिए सिंहासन, उसकी कोई कद्र नहीं थी। तो इस तरह का वो सुल्तान था जिसे दिल्ली की जनता ने नहीं चाहा। उसके बाद जनता के समर्थन से रजिया सुल्तान जो है वो शासिका बनती है 1236 से 1240 का समय।
बदायूं में ये पैदा हुई थी 1205 में, उमदतुल निस्वा इसकी उपाधि थी, पूरा नाम है जहालात उल दीन रसिया, और माफ कीजिए रजिया, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं जलालात उल दीन रजिया ये इसका नाम है, और संस्कृत के शिलालेख में इसे जलालुद्दीन कहा गया है। तो ये अलग अलग संबोधन है, मतलब जो मूल नाम है वो रजिया था, बाकी जितने हैं वो उपाधियां हैं। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका थी, और तुर्कमान खातून यानी कुतुब बेगम जो है ये इल्तुतमिश की एक और पत्नी थी, तो इनसे ये जन्मी थी। सिक्के के तौर पे सुल्तान रजियत अल दुनिया उल दीन बिंत अल सुल्तान, इस तरह से नाम लंबा छोड़ा जो है वो दर्ज किया गया था। असल में बादशाहत हासिल करने के बाद ना नाम की नाम का जो साइज है वो बढ़ जाता है। अब देखिए रजिया के ख्वाजा मुहाज, यहाँ आप देख रहे हैं मुहाजबुद्दीन को निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ वजीर नियुक्त किए जाने की बात हम देखते हैं। मतलब रजिया ने क्या किया, उसने पूरे प्रशासन को ही परिवर्तित करके रख दिया। वो बिल्कुल इल्तुतमिश की तरह से उसी के नक्शे कदम पे शासन करती थी, लेकिन इल्तुतमिश के समय में दल चालीसा उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता है। अब यहाँ तक आते आते दल चालीसा की शक्ति जैसे जैसे इल्तुतमिश के बाद वाला समय बीतता है तो उसमें ये ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो दल चालीसा की चीज़ों को मानने से इसने मना कर दिया, जो तुर्की अमीर थे वो इसमें एकदम से खफा हो जाते। तो इसने क्या किया, अपने तरीके से वजीरों की नियुक्ति की। तो मुहाजबुद्दीन को ये निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ वजीर बना लेती है, और मलिक सैफुद्दीन जो है ये कुतलुक खां की उपाधि के साथ सेना का प्रधान यानी सेनापति बन जाता है। लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी जो है इसको नायब लश्कर की उपाधि के साथ सेनापति बनाया जाता है। मलिक इजुद्दीन कबीर खां अयाज जो है इनको लाहौर की सूबेदारी दी जाती है। तो इस तरीके से नई नई अपॉइंटमेंट इसके द्वारा की जाती है। इसमें नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये जानना महत्वपूर्ण है कि रजिया के द्वारा प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये केंद्रीकृत प्रशासन को चलाने का तरीका होता है निरंकुशपना, ठीक है। निरंकुश शासक जो है वो ऐसा ही करता है, और निरंकुशता एक हद तक अच्छी भी होती है। इसके बाद नायब लश्कर को आप देख रहे हैं, तो हबीबुल्ला महोदय के हिसाब से नायब लश्कर का जो पद है उसको रजिया ने ही शुरू किया था। मतलब सेना नायक के हैसियत से एक प्रभावशाली पद हुआ करता था। और काबा और कुलाह को आप देख रहे हैं, तो ये कबा और कुलाह है क्या, महिला वस्त्र को इसने त्याग दिया, क्योंकि महिला वस्त्र पहन के दरबार में शासन नहीं संभाला जा सकता है, आप पर्दे में रह के फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर सकते, है ना। तो महिला वस्त्र त्याग के इसने पुरुषों के कपड़े पहनने यानी कुर्ता और पगड़ी धारण करना शुरू कर दिया। अब ये जो है ये तुर्की अमीरों को और खट्टा लगने लगा। इसके बाद अक्टूबर 1240 की बात देखें, कैथल में डकैतों ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। हत्या इन्होंने की नहीं बल्कि करवा दी गई। तो यहाँ से रास्ता साफ हो जाता है दल चालीसा का। बलबन का पुराना सपना रहता है शासक बनने का, लेकिन लंबे समय तक वो पीठ पीछे शासन करता है। अंत में 1266 में ये अपना बकायदा राजा बनता है यानी सुल्तान बनता है, और मूल नाम इसका बहाउद्दीन है, बलबन खुर्द कनिष्ठ बलबन ये इसका उपनाम है, गियासुद्दीन बलबन ये अपना पूरा नाम रख लेता है। गियासुद्दीन उपाधि ये धारण करता है जब ये सुल्तान बनता है, और उलूक खां की उपाधि इसके पास पहले से ही थी। नियाबते खुदाई जिल्ले इलाही ये सब ये खुद को कहलाना पसंद करता था। इलबारी तुर्क था ये, ठीक है, ये भी तुर्क था और इलबारी तुर्क था। इसके बाद संस्थापक के तौर पे देखें तो बलबनी वंश की ये नींव डालता है, या द्वितीय इलबारी वंश की। पीछे आपने देखा पहले इलबारी वंश की नींव किसने डाली थी, इल्तुतमिश, और दूसरे इलबारी वंश का संस्थापक बलबन था, ये भी प्रभावशाली शासक था। कैकुबाद इसकी डायनेस्टी में अंतिम है। दीवाने अर्ज नाम का एक सैन्य विभाग ये बलबन के द्वारा गठित किया गया था। दीवाने अर्ज का जो पहला प्रमुख व्यक्ति था वो अमीर खुसरो का नाना यानी इमादुल मुल्क रावत था, और ये पहले दीवाने अर्ज के तौर पे अपॉइंट होता है। शिक की अगर बात करें तो सबसे पहले 1279 का जो समय था, बलबन ने जिलों के रूप में शिक का विकास किया, और ऐसे बने शिकदार। इनका जो प्रमुख होता था, जिले का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था, उसको शिकदार कहा जाता था। बरीद का मतलब क्या है, तो बरीद जो है ये गुप्तचर विभाग होता था, और प्रत्येक इकता यानी जो सूबा, देखिए इसमें शिक जो है वो जिला होता था, इकता जो है वो असल में सूबा होता था। तो जनसाधारण के बीच में बरीद की नियुक्ति की जाती थी, जो कि असल में एक रिपोर्टर का काम करता था यानी संवाददाता का काम करता था। साहिबे दीवान जो है ये इकताओं के ख्वाजा या साहिबे दीवान के तौर पर नियुक्त होते थे, इकताओं के ये ख्वाजा होते थे कुल मिलाकर, तो इकता पर इनका नियंत्रण होता था। इसके बाद है जागीरदारी, तो जागीरें देने का काम ये बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया, हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इससे साम्राज्य कमजोर होता है। तो जो सैनिक थे उनको नगद वेतन नहीं दिया गया, उनकी सैन्य सेवा के बदले में उनको जागीर दी जाती थी, जिसमें कि वो अपना टेम्प्रोरी तरीके से रहने खाने का काम करते थे, खेती बाड़ी करके या वहाँ से अपना लगान वसूल के वो अपना अपनी इनकम करते थे, और जब ज़रूरत होती थी तो सेना में जाकर लड़ने लगते थे, ऐसे होता था। और मृत्यु के बाद उसके वंशजों के पास भी ये जागीरदारी व्यवस्था जो है वो कायम रहती है। इसके बाद खलीफा की अगर बात करें तो बलबन राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए खलीफा की अनुमति लेता था, क्योंकि वो जानता था कि इस अनुमति को कोई काट नहीं सकता है।
इसके बाद 1287 का जो समय है उसमें बलबन की मृत्यु हो जाती है। ये अपनी अधेड़ उम्र में तो बादशाह बनता ही है, उसके बाद एक समय अंतराल के बाद इसकी मृत्यु होती है और दारुल अमान में इसको दफन कर दिया गया। आगे चलते हैं, खिलजियों की जो डायनेस्टी है वो शुरू होती है, खिलजी वंश की शुरुआत होती है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा, और ये समय है 1290 से लेकर 1296, मतलब ये इसके रूल का टाइम। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो सिर्फ 6 साल का था। इब्रे सईफ यानी तलवार का बेटा इसको कहा गया, और शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद ने दी थी जो कि बलबन का उत्तराधिकारी था, और 70 वर्ष की उम्र में ये सुल्तान बनता है। 70 साल तक ये इंतजार करता है, इसीलिए कहा जाता है कि सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता, वो कभी भी मिल सकती है, कभी भी आपकी काया पलट हो सकता है, ये आप समझ के रख सकते हैं। तो यहाँ भी काया पलट होता है, मतलब एकदम से कोई अपेक्षा न रहे और एकदम से आप ताज हासिल कर लीजिए और तख्त पर बैठ जाइए, बिल्कुल वही बात थी। तो सबसे ज़्यादा बुढ़ापे में सुल्तान बनने वाला यही व्यक्ति था। खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी, 1290 का टाइम है, राज्याभिषेक 70 वर्ष की उम्र में होता है, वो आप देख ही चुके हैं। जलालुद्दीन खिलजी का जो अभियान है उसमें 1290 में रणथंभौर का अभियान है, उसके बाद 1292 का जो टाइम है ये मंडौर दुर्ग जो कि राजपूतों का दुर्ग हुआ करता था उसको छीन लेता है। इसके बाद कड़े मानिकपुर के इक्तदार अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में भिलसा में लूटपाट करवाई थी, तो अलाउद्दीन यहाँ आप देख रहे हैं सक्रिय हो गया, और ये 1292 का टाइम। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बगावत को निभाने के लिए इब्ने सईफ का नारा लगाया था जो कि इसकी उपाधि थी, यानी ये तलवार का बेटा है और इससे कोई पंगा न ले। इसके बाद आप देखें यहाँ पर सुल्तान जलालुद्दीन पगड़ी धारण करता था, और मंगोलों के बीच में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का जो श्रेय है वो जलालुद्दीन को दिया जाता है। अब इससे आपको एक चीज़ पता लगती है कि मंगोल शुरुआत से इस्लाम में नहीं थे, इनको इस्लाम में ले आया गया और ले आने के पीछे जो श्रेय है वो जलालुद्दीन को दिया जाता है, और यहाँ से मुगलों का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, नैन नैनी जलालुद्दीन खिलजी का अधिकारी था, तो ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को आप देखेंगे। समकालीन संत थे, इनका नाम था शेख बशीर, और अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का आधार स्थायी नहीं था ऐसा इन्होंने कहा था। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बनता है उसने अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद दिया था और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था। ठीक है, आप पद्मावत देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि वो जबरदस्ती पुत्री का हाथ मांग लेता है, लेकिन ऐसा इतिहास में नहीं मिलता है। इतिहास जो है वो फिल्मों से अलग होता है, इतिहास वास्तविक होता है और फिल्में जो है वो काल्पनिक होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे अलाउद्दीन को अलाउद्दीन से ही अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है। इसके बाद मलिक छज्जू का विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी को ये कड़े मानिकपुर की सूबेदारी देता है, लेकिन अलाउद्दीन की मंशा कुछ और रहती है, ये खुद राजा बनना चाहता है, निहायत ही महत्वाकांक्षी रहता है और उतना ही क्रूर भी। ठीक है, जो भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है अगर वो उग्र हो स्वभाव से तो वो क्रूर हो सकता है, तो क्रूरता के चलते ये फिर अपने चाचा की हत्या करता है। तो आप देखें कि जलालुद्दीन खिलजी एक निष्ठावान निष्कपट और दयालु उदार व्यक्ति था, ऐसा कहा गया है उस समय के इतिहासकारों के द्वारा। और जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किलोखरी यानी कूलागढ़ी महल में हुआ था, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि पूछी जाती है। सीधी मौला के विद्रोही गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण उसे मृत्युदंड दिया गया था, ये जलालुद्दीन के समय में होता है, और ये वृद्ध शासक था, तो ऐसा है कि भाई बुढ़ापा जब आता है तो आदमी को समझ ज़्यादा हो जाती है लेकिन शक्ति घट जाती है, ये एक दिक्कत होती है। मतलब आपके पास अनुभव तो तमाम होते हैं, दुनियादारी की खूब बढ़िया समझ होती है, ठीक है, लेकिन सामर्थ्य उस हिसाब से नहीं होता है, तो जब सामर्थ्य नहीं होता है तो आपकी जो नीतियां हैं वो उदारवादी हो जाती हैं, कट्टर से कट्टर और उग्र से उग्र व्यक्ति जो है वो अपनी वृद्धावस्था में नरम हो जाता है, ये एक सामान्य प्रकृति। तो वही हाल यहाँ भी है जलालुद्दीन का, ये वृद्धावस्था में बनता ही है तो इसकी क्रूरता कोई देख नहीं पाता है, दयालुपना ही दिखाई देता है, तो वो चीज़ हमने देखी, और इसीलिए दुश्मनों के खिलाफ इसने दुर्बल नीति को अपनाया था, ये इतिहासकारों का कहना है। अब यहाँ से समय शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का, ये 1296 से लेकर 1316 तक शासन करता है, और इसका भी सपना था सिकंदर की तरह विश्व विजय करने का, मतलब सिकंदर से प्रेरणा लेकर ये ख्वाब देखता है कि दुनिया को जीतेंगे। तो इसके जो भला चाहने वाले लोग हैं, हितैषी लोग, वो इसे सलाह देते हैं कि पहले भारत को जीतो, भारत को पहले कंट्रोल करो, भारत बहुत बड़ा है, उसके बाद फिर बाहर की सोचना। तो यहाँ आप देखें, जन्म होता है इसका 1266 में सिरसा में, इसका अली गुरशास्त नाम था मूल रूप से, राज्याभिषेक इसका रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह को हटाकर बलबन के लाल भवन में होता है, दौलत खाना ये जुलूस नाम की जगह है वहाँ पे होता है, और ये 3 अक्टूबर 1296 की बात है, समय आप देखें। ठीक है, उपाधि इसकी अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दुनिया वादीन मोहम्मद शाह खिलजी, इतना लंबा नाम, ये उपाधि है। इसके अलावा इसे सिकंदर द्वितीय, खुद को इसने सिकंदर द्वितीय कहा और सपना देखा कि सिकंदर की तरह ये दुनिया जीतेगा। इसके बाद सल्तनत का समुद्रगुप्त, इसको स्टेनले लेनपूल ने कहा था, लेनपूल का काम ही था उपाधियां देना लोगों को।
इसके बाद यामीन उल खिलाफत नासिर अमीन मोमिनीन नाम की जो उपाधि है, इतनी लंबी सी उपाधि, इसको भी ये धारण करता है। पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी था और 1303 का जो टाइम है उसमें चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था को लागू किया। इसने कर वसूलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके जो अभियान है उसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांट कर देखते हैं, तो उत्तर भारत में हम पश्चिम वाला हिस्सा भी ले लेंगे। तो इसमें गुजरात अभियान है 1298 का, और आप देख रहे हैं कि उलूक खां और नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजता है। जैसलमेर वाला जो है उसमें ये राजपूत शासक, मतलब जैसलमेर के राजा थे राजा दूदा और उनके सहयोगी थे तिलक सिंह, इनको 1299 में पराजित करता है और जैसलमेर को जीत लेता है। रणथंभौर वाला जो है वो 1301 का है, उलूक खां और नसरत खां जो है इन्होंने रणथंभौर पे अभियान किया था। चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान खुद किया था, 1303 का टाइम है। मालवा वाला जो है ये 1305 का है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे शीतलदेव को हराया था। जालौर का जो टाइम है उसमें मतलब जालौर विजय का जो समय है उसमें 1311 का आप देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक नौकरानी जिसका नाम था गुलोबिहिश्त उसके नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो ऐसे विचित्र विचित्र प्रकार के जो नेतृत्व हैं वो दिए जाते थे। अच्छा, दक्षिण का जो अभियान है उसमें दक्षिण अभियान नायब उप सुल्तान मलिक काफूर के नेतृत्व में होता है। मलिक काफूर जो है वो, उसके चरित्र के बारे में लोगों को बड़े डाउट होते हैं, लेकिन ये एकदम से सुल्तान से चिपका रहता था। ठीक, तो सुल्तान का आशिक भी बहुत लोग इसे और सुल्तान की महबूबा कह देते थे, तो ये हंसी में कहते थे लेकिन कुछ जो बर्ताव था वो ऐसा ही था। तो अब ये क्या था ये तो रहस्य है, लेकिन कुल मिलाकर ये बहादुर तो था, मतलब बहादुर से ज़्यादा इसके पास कूटनीतियाँ ज़्यादा होती थी, तो युद्ध में ये कूटनीति से काम लेता था, छल से भी काम लेता था। ख्वाजा हाजी उसका सहायक था। लेकिन आप आगे देखेंगे अभी दक्षिण भारत के अभियान में, देवगिरी वाला जो अभियान है उसमें रामचंद्र देव को मलिक काफूर हराता है, देवगिरी के शासक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि वारंगल क्षेत्र, यहाँ तेलंगाना पे हमला करता है, राजधानी इसकी वारंगल है, आप जानते ही हैं। ये 1309 का समय है, यहाँ काकती डायनेस्टी का उस समय रूल चल रहा था, होलसेयों के ऊपर हमला होता है। उस समय यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। 1310 में मतलब अलाउद्दीन का समकालीन यहाँ बताया गया। 1310 में मलिक काफूर ने होलसे पर हमला किया था, पांडे राज्य पे इसने 1311 में हमला किया था, काफूर ने पांडे राज्य पे पूरा अटैक कर दिया था। तो ये सारे जो आक्रमण हैं, मतलब अलग अलग हमले हैं क्षेत्र के हिसाब से, उन्हें हमने देखा। इसके शासनकाल में कुछ बगावतें हुई थी और बगावतों को देख लेना ठीक रहेगा। तो नए मुसलमान यानी मंगोलों का विद्रोह होता है और अलाउद्दीन खिलजी के काल में होने वाला ये पहला विद्रोह था। 1299 में नवीन मुसलमानों ने गुजरात की लूट में एक बड़े हिस्से की मांग को लेकर विद्रोह किया था। इसके बाद अकद खां का होता है 1301 में, अलाउद्दीन के विरुद्ध उसका भतीजा जो था अकद खां वो खड़ा होता है। तीसरा विद्रोह जो है वो इसके भांजे उमर के द्वारा किया गया था जो कि बदायूं का इक्तादार था, और मुंगू खां जो कि अवध का इक्तदार था, इन दोनों ने मिलकर बगावत की थी। हाजी मौला का जो विद्रोह है वो चौथा था और ये हाजी मौला के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख विद्रोहों को आप देख रहे हैं। तुगलक डायनेस्टी को देख लेते हैं, 1320 से लेकर ये 1412 तक रूल करती है और इसके संस्थापक के तौर पे गयासुद्दीन तुगलक का नाम है और अंतिम शासक का नाम है नासिरुद्दीन महमूद, और इनकी जाति तुर्क थी, ये सभी तुर्क जाति के थे। अब तुगलक वंश में पहला जो रूलर आप देख रहे हैं वो 1320 से लेकर 1325 तक रूल करता है। उपाधि के तौर पे गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि अल शहीद मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर उपाधि के तौर पे दिखाई देती है, मतलब प्रमाण कहाँ से मिलता है वो बताया गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो सिक्के हैं उस पर अल शहीद के नाम से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद अगला जो समय है वो मोहम्मद बिन तुगलक का है, 1325 से लेकर 1351। मूल नाम इसका मलिक फखरुद्दीन जौना खां था और अब्दुल मजाहिद इसका उपनाम था, उलूक खां और अल सुल्तान जिल्ले इलाही, ये सब जो उपाधियाँ हैं उसको ये धारण करता है। मोहम्मद बिन तुगलक जैन साधु थे जिन प्रभा सूरी, उनके साथ विचार विमर्श करता था और ये हिंदू त्यौहारों में भी भाग लेता था, जैसे कि होली खेलता था, और बाकी जो उलेमा लोग थे वो इसका विरोध करते थे। गंगा जल पीने वाला और होली मनाने वाला ये पहला सुल्तान था। किसी भी व्यक्ति की जब बौद्धिकता ऊंच हो जाती है ना, मतलब बुद्धि का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, मतलब जीनियस तरीका हो जाता है, तो उसमें भेदभाव काफ़ी हद तक मिट जाता है। भेदभाव और संकीर्णता जो है वो सिर्फ नीचे के लेवल में होती है। तो ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद फिरोज तुगलक को आप देख रहे हैं, फिरोज तुगलक का जो टाइम है वो 1351 से लेकर 1388 तक का है। कमालुद्दीन फिरोज इसका नाम था और सैयद उस सलातीन ये खलीफा से उपाधि ये धारण करता है। सल्तनत का जयसिंह भी इसको कहा जाता है। इतिहासकार एल्फिंस्टन और इलियट के द्वारा इसे सल्तनत का अकबर कहा गया और ये एक निर्वाचित सुल्तान था, मतलब इसे बहुमत के द्वारा चुना गया था, इसका मतलब ये। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय जिसे कि तुगलक शाह कहा गया, इसका टाइम आप देख ही रहे हैं, 88 से लेकर 89 तक। अबू बकर शाह का जो है वो 89 से 90 तक। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो समय है वो 90 से लेकर 94 तक। इस तरीके से ये रूल करते हैं। इसके बाद आता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, कुछ यहाँ पे है 1394, और अंतिम रूलर का नाम है नासिरुद्दीन महमूद। ये तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था और इसका वजीर जो था वो मल्लू इकबाल था। समय इसका 1394 से लेकर 1412 तक का है।
मोहम्मद बिन तुगलक को खास तौर पे देख लीजिए। देखिए मूल नाम इसका हमने देख लिया था, अब्दुल मजाहिद इसका उपनाम था, वो सब पुरानी चीजें। बलबन के लाल भवन में इसका राज्याभिषेक होता है। सिक्कों पर जो इसकी उपाधि हमें मिलती है वो जिल्ले इलाही की मिलती है, अल सुल्तान जिल्ले इलाह। और पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक था। 20 मार्च 1351 को जब मोहम्मद बिन तुगलक का निधन होता है, मतलब इसकी मृत्यु होती है, तो बदायूनी का ये कहना था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मतलब मुक्त किया इसने, मृत्यु इसको प्राप्त हुई तो इससे इसने जनता पर एहसान किया। अब यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होने वाले जो बगावतें हैं उसमें कुल मिलाकर 34 विद्रोह होते हैं। अब देखिए 34 विद्रोह का मतलब क्या है कि प्रजा पूरी तरह से असंतुष्ट थी। सबसे ज्यादा विद्रोह जो है वो दक्षिण भारत में होते हैं 27, और पहला विद्रोह होता है सागर के इक्तदार बहाउद्दीन गुरशास्प के द्वारा। ये 1326 का समय है और गुरशास्प की उपाधि उसको MBT नहीं दी थी। आगे चलते हैं, देखिए 1327 से लेकर 1328 का जो टाइम है इसमें बहराम आइबा उल किश्लू शाह जो है, किश्लू खां, इन्होंने मुल्तान में विद्रोह किया था और मोहम्मद बिन तुगलक की जो कठोर दंड नीति थी उसके खिलाफ इसने बगावत की थी। मदुरा या माबर जिसे कहा गया, मदुरा क्षेत्र, वहाँ पे एहसान खां के नेतृत्व में आज़ादी, मतलब एक क्षेत्र आज़ाद हो जाता है। ये समय है 1335 का। 1336 में हरिहर और बुक्का जो है वो बगावत कर देते हैं। बगावत क्या, मतलब अपने साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं और यहाँ से स्थापित होता है विजयनगर एम्पायर। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा संगम वंश की यहाँ पे नींव डाली जाती है। ये समय है 1336। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय का पुत्र था कृष्ण नायक, उन्होंने वारंगल पे फिर से कब्जा कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1343 से लेकर 44 का समय। अवध का सूबेदार है आइनुल मुल्क, इसने दौलताबाद का सूबेदार बनाए जाने पर बगावत कर दी, मतलब इसका क्षेत्र बदल के दौलताबाद इसको शिफ्ट कर दिया गया, वो इसको पसंद नहीं आता है। ये समय है आपका 1340 से लेकर 41 का। इसके बाद 1347 दौलताबाद में सत्ताधिकारी नेता है हसन गंगू, इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और मुल्तान में शाहू अफगान का जो विरोध होता है, मतलब विद्रोह होता है, वो 1341 का है। समय आप देखें 1339 के आसपास का जो समय है, मतलब 39-40 आप कह सकते हैं, गुलबर्गा में अली शाह के द्वारा विरोध कर दिया जाता है, मतलब विद्रोह होता है। उसी प्रकार से आप 1338 का टाइम देख रहे हैं तो बंगाल का क्षेत्र जो है वहाँ पे फखरुद्दीन शाह जो है वो विरोध कर देते हैं। 1338 से लेकर 39 बगावत करने का काम यहाँ पे शिहाब सुल्तानी के द्वारा किया जाता है और ये क्षेत्र है आपका बीदर का। और अंतिम बगावत होती है गुजरात में, और ये MBT का दास था तगी इसको कहा जाता है, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था 1351, ये अंतिम था। तो यहाँ तक हमने देखा जियाउद्दीन बरनी के हिसाब से, अगर उसके विवरणों को हम सच मानते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 5 अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे और उसमें से ज़्यादातर जो है वो असफल रहते हैं, जैसे कि दुआब में कर वृद्धि, जैसे ही कर बढ़ाया जाता है वैसे ही अकाल पड़ जाता है और समस्याएं बढ़ जाती हैं, फिर आदेश वापस लेना पड़ता है। राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर, उसमें बहुत सारा एफोर्ट, मतलब पैसा रुपया और जनता या जो माल असबाब है उसकी बर्बादी होती है, और फिर से एकदम आदेश दिया जाता है कि राजधानी परिवर्तन को रद्द कर दिया गया है, तो ये एक असफल निर्णय था। उसी प्रकार से सांकेतिक मुद्रा का जैसे ही प्रचलन होता है, करेंसी का जो पूरा क्षेत्र है वो भ्रष्ट हो जाता है, मतलब मिलावटी सिक्के जारी होने लगते हैं, लोग सिक्के जमा करने लगते हैं और राजकोष से भरपाई करनी पड़ती है तो राजकोष भी खाली हो जाता है। इसके बाद कराचिल अभियान है और खुरसान है, मतलब ये अंदेशा होता है कि वहाँ तख्ता पलट होने वाला है, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपना बेतहाशा सेना इकट्ठी करता है और सेना को तैयार रहने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही सेना एकदम तैयार होती है वहाँ सत्ता स्थिर हो जाती है और वहाँ का शासक अपने मजबूत रूप में सामने आ जाता है, तो हमला वहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसे लगातार असफलताएँ मिलती, गलत समय में गलत निर्णय लेना ये सबसे बड़ा पाप होता है जो कि इसने किया था। तो यहाँ तक हमने देखा। लोदियों को देख लेते हैं, बीच में हमने जो डायनेस्टीज देखी है उसमें के जो महत्वपूर्ण शासकों का ब्यौरा हो सकता है वो कवर किया है। लोदियों का जो समय है वो 1451 से लेकर 1526 तक का है और इसमें बहलोल लोदी से शुरुआत होती है, 1451 से लेकर 1489 तक ये रूल करता है। गाजी इस्लाम खां इस तरह की उपाधियों को ये धारण करता है। और बिंदुसार, प्राचीन काल में बिंदुसार और मध्यकाल में बहलोल लोदी ये सीजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाले शासक थे, मतलब ऑपरेशन के द्वारा इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जैसे कि आप बिंदुसार का विवरण देखते हैं तो उसमें दुर्धरा को विष दे दिया गया था, मतलब उसने विषैला भोजन गलती से कर दिया था और उसकी मृत्यु अब सामने ही थी, और मृत्यु होती तो उसके बच्चे की, जो अजन्मा बच्चा था, उसकी भी मृत्यु हो जाती। तो आचार्य चाणक्य ने आदेश दिया कि इसका पेट चीर कर बच्चे को बाहर निकाला जाए ताकि उसकी जान कम से कम बचाई जा सके और चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी है वो जीवित रह सके। तो इसके लिए फिर तत्काल ऑपरेशन हुआ, दुर्धरा की उसी में मृत्यु हो जाती है और बिंदुसार पैदा होता है। तो उसके माथे पर एक विष की बूंद थी ऐसा कहा जाता है, इसीलिए उसका नाम पड़ता है बिंदुसार, ठीक। तो वो सीजेरियन पद्धति थी और यहाँ पे बहलोल लोदी का भी जन्म कुछ इसी प्रकार से होता है। तो ये सब आपने देखा और इसका हाँ दो दो बार राज्याभिषेक होता है, ये ध्यान दीजिएगा, दो दो बार राज्याभिषेक इसका होता है। बहुत से ऐसे शासक हैं अपने इतिहास में, जैसे आप देखें
फिरोज शाह तुगलक का होता है, बहलोल लोधी का होता है, इब्राहिम लोधी का भी दो बार होता है, इसके अलावा शेर शाह सूरी का भी दो बार राज्याभिषेक होता है, औरंगजेब का भी होता है, और अपने शिवाजी महाराज जो है इनका भी दो बार राज्याभिषेक होता है। तो ये सब आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। 1484 में शर्की वंश के अंतिम शासक सुल्तान हुसैन शाह शर्की से इसने जौनपुर जीत लिया था, तो ये कहानी है। और सिकंदर लोधी का जो टेन्योर है उसे आप देख रहे हैं, ये 1489 से लेकर 1517 का है। उपनाम इसका गुलरुखी है, गुलरुखी के नाम से ये कविताएं भी लिखता था। सल्तनत काल में सबसे अच्छी जो गुप्तचर व्यवस्था है वो इसी के जमाने में थी, और आगरा शहर की स्थापना और नामकरण का काम इसी ने किया था, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी, ये युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था, कम से कम ये गौरव इसके जिम्मे। और 1517 से लेकर 1526 तक ही ये शासन कर पाता है, छोटा सा इसका समय रहता है। और युद्ध क्षेत्र में वही कहा गया, युद्ध क्षेत्र में मरने वाला ये एकमात्र सुल्तान था। इब्राहिम लोधी को एक अनपरखा सूरमा और कंजूस कहा गया है। बाबर का ये कहना था कि ये निहायत ही कंजूस था, ठीक, और अनपरखा सूरमा था, मतलब इसको किसी ने परखा नहीं था, और ये बिल्कुल ही अनाड़ी था इस मामले में, मतलब वीरता तो थी लेकिन अनाड़ीपना था, जिसका फायदा मुगलों को मिलता है। तो यहाँ से फिर लोधी डायनेस्टी समाप्त होती है और मुगलों की शुरुआत होती है। अब इससे पहले कि हम मुगल साम्राज्य को देखें, हमें विजयनगर साम्राज्य को देख लेना चाहिए, ये बीच में जानना आवश्यक है। तो देखिए, विजयनगर ये एक शहर का नाम था, और उसी के शहर के, मतलब उसी शहर के चारों ओर उसी को आधार बना के एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया, तो पूरे साम्राज्य का ही नाम उस शहर के नाम पे पड़ गया, विजयनगर साम्राज्य। स्थापना का समय है 1336। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो बहुत सारी बगावतें होती हैं उसमें से एक ये भी थी। तो हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे, इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की, और राष्ट्रीय सिक्का इनका वराह था, जो कि सोने का सिक्का होता था, जिस पर कि भगवान विष्णु की वराह आकृति दर्ज होती थी। धर्म इनका शैव था, ठीक है, भगवान विष्णु की वराह आकृति तो थी लेकिन ये मूल रूप से शैव मतावलंबी थे। इसमें से सिर्फ कृष्णदेव राय को आप देखेंगे जो कि शैव नहीं थे बल्कि वैष्णव थे। लेकिन विजयनगर के शासकों की एक अच्छी बात ये थी कि ये कट्टर नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं कि शैव मत को ये मानते थे हिंदुज्म में, तो ये वैष्णव मत वालों का विरोध करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद भाषा इनकी तेलुगु है, ठीक है, तेलुगु जो है ये स्वर्णिम भाषा है, दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो जितना सुसंस्कार और मिठास इसमें दिखाई देती है, तेलुगु में दिखाई देती है, वो किसी और भाषा में नहीं दिखती। इसके बाद स्थिति की अगर बात करें, संस्कृत की ये ज़्यादा करीब भी है। स्थिति की बात करें तो तुंगभद्रा नदी के तट पे विजयनगर स्थित था, और विजयनगर के अन्य नामों में आप नूनिज और पेस के द्वारा जो इसका नाम रखा गया वो बिसनगर है। निकोलो डी कॉन्टी जो है उसने इसे विजयन गोलिया कहा, लोगों को बोलने नहीं आता था तो ऐसे ही विजयनगर को विजयन गोलिया, मतलब बोलने में उन्हें थोड़ी सी असुविधा होती थी। अब्दुल रजाक के द्वारा इसको बिसनगर कहा गया, और जो समकालीन लोग थे उन्होंने इसे कर्नाटक साम्राज्य के नाम से पुकारा। तो ऐसे इनके संबोधन है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के रूप में ही ये दुनिया में विख्यात है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं। SS राजमौली के द्वारा बनाई गई जो फिल्म है बाहुबली, दो पार्ट आपने देखे हैं, तो बाहुबली को मूल रूप से तेलुगु में ही बनाया गया था, ठीक है, तेलुगु भाषी वो फिल्म है, और तेलुगु के रूप में ही उसे अगर आप देखेंगे, मतलब तेलुगु संवाद आप जो मूल कलाकारों के द्वारा बोला गया है उसको सुनेंगे तो वो अलग ही आपको एक भावना वहाँ पर मालूम होगी, मतलब उन संवादों की बात ही कुछ और है। ऐसा नहीं है कि हिंदी ट्रांसलेशन या बाकी जो भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन किया गया है, डब किया गया है उसे, वो उतना अच्छा नहीं है, अच्छे वो भी हैं, लेकिन तेलुगु वाले जो तेलुगु का जो उसका मूल संस्करण है वो एक तरह से अलग ही है। तो ये चीज़ आपने देखी। अब विजयनगर साम्राज्य में कुल जो चार राजवंश हैं उन्होंने शासन किए थे, और इनकी अवधि जानना आवश्यक है। जैसे कि संगम डायनेस्टी पहली थी इसमें, संगम राजवंश हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया हुआ, ये 1336 से लेकर 1485 तक रूल करता है। संस्थापक इसके यही दोनों भाई थे, और अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। इसके बाद सालू वंश की शुरुआत होती है 1485 से लेकर 1504, नरसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और एमादि नरसिंह देव जो थे वो इसके अंतिम शासक थे। तुलुप डायनेस्टी की नींव रखने वाले वीर नरसिंह थे, 1505 से लेकर 1570 ये पूरी जो डायनेस्टी है वो चलती है, और सदाशिव राय के द्वारा इसका समापन किया जाता है, मतलब वो अंतिम शासक था। तिरुमल के द्वारा अरविडु वंश की नींव रखी जाती है, अभी बीच में रक्षसी तंगड़ी का युद्ध हो जाएगा और विजयनगर की शक्ति वहां से समाप्त हो जाएगी। तो श्रीरंग तृतीय जो है ये अंतिम शासक था। तो इस तरीके से हमने देखा, संगम राजवंश को कायदे से देख लेना आवश्यक है। देखिए, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, और इसी कारण इस राजवंश को संगम राजवंश कहा गया। कुल 7 शासक इसमें हुए हैं, और हरिहर प्रथम से इसकी शुरुआत होती है जो कि हरिहर थे असल में, और विरूपाक्ष द्वितीय के द्वारा इनका, मतलब जो अंतिम शासक है वो विरूपाक्ष द्वितीय है। अब हरिहर प्रथम या हुक्का प्रथम इन्हें कहा जाता है, मतलब बुक्का के तर्ज पे हुक्का, लेकिन हरिहर नाम था। तो हरिहर ये पहले संगम वंश के शासक थे, और तुंगभद्रा नदी का जो दक्षिणी हिस्सा है एनेगोंडी, वहाँ पे अपनी साम्राज्य की पहली राजधानी को बनाते हैं। 7 वर्ष बाद उसने विजयनगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, तो एक लंबे समय तक ये रूल करता है वो आप देख रहे हैं।
हरिहर प्रथम के समय में बहमनी और विजयनगर के बीच में संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि ये अगल बगल थे, पड़ोसी थे और स्वभाव में एकदम विपरीत थे। तो ये आपने देखा, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन खां बहमनशाह, और कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में रायचूर के किले पर ये कब्जा कर लेता है और उसको अपने छावनी के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो उसे एक बेस मिल जाता है, बेस कैंप मिल जाता है, और वहां से वो अटैक करता है। हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए। उसने काकतीय राज व्यवस्था का अनुकरण किया, जो वारंगल के काकतीय थे उनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो वहाँ से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। और अपने राज्य को देश, स्थल और नाडुओं में विभाजित किया, नाडु तमिलनाडु, ठीक है, तो नाडुओं में विभाजित किया। और शासन के कार्यों के लिए कर्मणों के रूप में ब्राह्मणों की नियुक्ति की, और राज्य में कृषि के विकास के लिए भी काफ़ी काम किया। 1336 में हरिहर की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु पर्यंत ये राजा बने रहते। आगे चलते, संगम डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वो विरूपाक्ष द्वितीय था, और इसके समकालीन बहमनी शासक है मोहम्मद खां तृतीय, यानी मोहम्मद खां थर्ड। मोहम्मद खां का प्रसिद्ध मंत्री था महमूद गवा। उसने विजयनगर से गोवा, चोल, डभोल, ये सब जो बंदरगाह वाले क्षेत्र थे जहाँ से ये अपना सागरीय नियंत्रण रखते थे, उसको छीन लिया था। विरूपाक्ष द्वितीय की उसके पुत्र के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और यहाँ से स्थापना होती है सालुम वंश की। सालुम वंश का शासक जो था, मतलब संस्थापक, वो सालुम नरसिंह था, और ये सबसे ज़्यादा योग्य था, मतलब अपनी पूरी डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा काबिल शासक यही था। सालुम नरसिंह ने तुलु प्रदेश पर अधिकार कर लिया और घोड़े के व्यापार को फिर से शुरू किया। 1490 में सालुम नरसिंह की मृत्यु हो जाती है, और इसके दो बेटे थे, तिम्मा और इमादी नरसिंह, जिन्हें आप देख रहे हैं। दोनों की मृत्यु जो है वो, माफ़ कीजिएगा, यहाँ ध्यान से देखें, सालुम नरसिंह के दो बेटे थे, तिम्मा और इमादी नरसिंह, और उसकी मृत्यु के समय दोनों ही पुत्र जो है वो अल्पायु थे, मतलब बहुत कम आयु के थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो राजा नहीं बन सकते हैं। तो सालुम नरसिंह का जो सेनापति है नरसा नायक, वो इनका संरक्षक बन जाता है, ठीक है। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने अंतिम सालुम राजा इमादी नरसिंह की हत्या करके वंश का परिवर्तन कर दिया, और द्वितीय बल प्रहार के द्वारा सालुम वंश का पतन होता है, और इसके बाद स्थापना होती है तुलुम वंश की। ये हमने देखा, तुलुम वंश जो है वो विजयनगर एम्पायर का तीसरा राजवंश था, और वीर नरसिंह इसका संस्थापक था। भुजबल की उपाधि ये धारण करता है, और भुजबल राव इसे पुर्तगालियों के द्वारा कहा जाता है, मतलब भुजबल भुजबल आपस में मिलते जुलते शब्द हैं, ठीक। इसके बाद वीर नरसिंह के द्वारा कई सारे कुछ विचित्र काम करवाए जाते हैं, जैसे कि विवाह कर को हटा दिया गया, ये एक तरह की उदार नीति थी, मतलब उदारी वाला काम था। और 1509 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके छोटे भाई कृष्णदेव राय जो हैं वो शासक बनते हैं, और ये तेलुगु साहित्य और तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है, कृष्णदेव राय का समय, इनका अपना एक अलग ही कैलिबर, ठीक। कृष्णदेव राय 1509 में गद्दी पर बैठते हैं। कृष्णदेव राय संपूर्ण विजयनगर शासकों में सर्वाधिक योग्य थे, वैसे तो सारे एक से बढ़कर एक हैं, उसमें वीरता का कोई अंत नहीं, लेकिन इनका जो था ये बहुआयामी व्यक्तित्व था, मतलब न सिर्फ ये वीर थे बल्कि उतने ही विद्वान और पारखी थे। तो आंध्रभोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवनराज, स्थापनाचार्य, विष्णुचित्त, तेलुगु भोज, ये सब कृष्णदेव राय की उपाधियां थी। कृष्णदेव राय का समकालीन उड़ीसा का गजपति नरेश प्रताप रुद्र था, और कृष्णदेव राय ने उसे न जाने कितनी बार पराजित किया था। कोंडविडु दुर्ग, बेजवाड़, कोंडपल्ली, राजमुंद्री, ये सब क्षेत्र उन्होंने कब्जे में कर लिए थे। 1512 में रायचूर दुआब पे कब्जा कर लिया। बहमनी सुल्तान महमूद शाह द्वितीय को बीजापुर और बीदर की कैद से मुक्त करवाया, ठीक। इसी उपलक्ष्य में इन्होंने यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि को धारण किया। तो इस तरीके के कई सारे बड़े बड़े काम जो कि दूसरे नहीं कर पाते थे, उसको कृष्णदेव राय ने किया। संस्कृत में कृष्णदेव राय ने जामवंती कल्याणम, जो कि एक नाटक है, उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा और उस पर आधारित उषा परिणय, मदालसा चरित्रम, इन सब का आलेखन किया, तेलुगु के साथ साथ संस्कृत। और इन्हीं के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का जो क्लासिकल युग है वो शुरू होता है, मतलब यहाँ से उसकी वास्तविक नींव रखी गई। इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, विट्ठलनाथ स्वामी का मंदिर, चिदंबरम मंदिर, ये सब बनवाए थे। भगवान विष्णु के ये भक्त थे, वैष्णव थे। इनकी मृत्यु होती है 1529 में। इसके बाद शुरू होता है अरविडु वंश का समय, और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति था तिरुमल। पेनुगोंडा को ये राजधानी बनाता है और तिरुमल वहाँ का शासक बनता है। तिरुमल के बारे में देखा जाए तो पतनशील कर्नाटक साम्राज्य में वो उद्धारक के तौर पर उभरा था, मतलब उसने उत्थान किया। श्रीरंग प्रथम ये तिरुमल का ज्येष्ठ पुत्र था, जो कि इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है, लेकिन श्रीरंग का अपना कोई बेटा नहीं था, इस वजह से उसकी मृत्यु के बाद उसका जो छोटा भाई है वेंकट द्वितीय, वो राजा बनता है। और अरविडु वंश का महानतम शासक ये होता है, मतलब वेंकट द्वितीय, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य को अक्षुण रखने में ये सफल रहता है। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था, और इसका जो मुख्यालय है वो पेनुकोंडा, बाद में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
वेंकट द्वितीय की मृत्यु होती है, उसके बाद जो राजा बनते हैं वो श्रीरंग द्वितीय हैं और रामदेव हैं जो कि एक के बाद एक रूलर बनते हैं। ये समय है 1614 का। अब यहाँ से शुरू करते हैं मुगलों का इतिहास। तो मुगलों के इतिहास के जो प्रमुख पड़ाव है उनको पहले देख लेते हैं। 1526 से शुरुआत होती है, आपने पीछे भी देखा पानीपत का पहला युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाता है और बाबर जीतते हैं, तो यहाँ से मुगल बादशाह के तौर पर वो अपना शासन संभालता है। अब यहाँ से आप देखें कि 1530 का जो दौर है अगला, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1530 से लेकर 1540 हुमायूं के शासनकाल का पहला चरण शुरू होता है और 1540 में शेरशाह जो है वो हुमायूं के पीछे पड़ता है, हुमायूं को भारत की सीमा से पार खदेड़ देता है। उसके बाद बीच में सूरवंश की स्थापना होती है जो कि दूसरा अफगान वंश था, ठीक है। तो शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं जो है वो सफावी दरबार में प्रवासी बन के काफ़ी समय तक अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। ये समय है 1540 से लेकर 1555 तक का, जब तक कि सूर डायनेस्टी पूरी तरह से कमज़ोर नहीं हो जाती। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 1555 से लेकर 56 हुमायूं फिर से रिटर्न और अपने राज्य को वापस प्राप्त करता है। इसके बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और अकबर जो है वो सिंहासन प्राप्त करता है। तो वहां से लेकर 1605 तक ये शासन करता है। 1605 से लेकर 1627 छोटा सा शासनकाल है जहांगीर का, और उसके बाद 1628 से लेकर 1658 शाहजहां का रूल है। 1658 से लेकर 1707 औरंगजेब का शासन है और 1739 में नादिर शाह भारत पर हमला करता है, दिल्ली को बुरी तरह से लूटता है। 1761 अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगान था, इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हरा दिया, तो मराठा शक्ति यहाँ से बुरी तरह से टूट जाती है। आगे चलते हैं। इसके बाद 1765 का समय आता है, अभी अंग्रेज जो है वो अपना हावी होने की कोशिश कर रहे थे, तो अंत में प्लासी का युद्ध होता है 1757 में होता है पहले तो, और उसके बाद बंगाल का क्षेत्र, और उसके बाद जब 1764 का समय आता है तो वहाँ पे बक्सर, और बक्सर के बाद फिर इलाहाबाद की संधि, तो वहाँ तक जाते जाते बंगाल बिहार उड़ीसा का जो पूरा अधिकार है, दीवानी और राजस्व वसूली का अधिकार, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ चले जाते हैं। इसके बाद 1857 में मुगल वंश का अंत हो जाता है। अंतिम जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, मतलब बहादुर शाह द्वितीय असल में, उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है षड्यंत्र का आरोप लगाकर, तो वो चीज़ वहाँ पर खत्म हो जाती। अब यहाँ पर कुछ इतिवृत्त और संस्मरण दिए हुए हैं, जैसे कि 1530 के आसपास बाबर के संस्मरणों की जो पांडुलिपि है उसको तिमूरियों के पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बनाया गया, मतलब तैमूरियों के, और तुर्की भाषा में लिखे गए ये संस्मरण जो है वो किसी तूफान से, मतलब किसी तरह तूफान से बचा लिए गए ऐसा कहा जाता है। इसके बाद 1587 का टाइम आता है, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा का लेखन शुरू किया जाता है। 1589 का समय है बाबर के संस्मरणों का, जो बाबरनामा के रूप में फारसी अनुवाद है वो होता है, बाबरनामा के रूप में फारसी में अनुवाद होता है। 1589 से 1602 अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा जाता है। 1605 से लेकर 1622 जहांगीर के द्वारा जहांगीरनामा, ये अपना संस्मरण लिखा जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि आत्मकथा लिखी जाती है। लाहौरी के द्वारा बादशाह नामा के पहले जो दो संस्करण है उसका लेखन होता है, और ये समय है 1639 से लेकर 47 का। 1650 के आसपास मोहम्मद वारिस के द्वारा शाहजहां के शासन के तीसरे दशक के जो इतिवृत्त हैं उनके लेखन की शुरुआत होती है, और 1668 का जो टाइम है मोहम्मद कासिम के द्वारा औरंगजेब के शासनकाल के जो पहले 10 वर्ष हैं उनका इतिहास आलमगीर नामा के नाम से संकलित है, सिर्फ पहले 10 वर्ष का, उसके बाद का नहीं। सबसे पहले देखते हैं बाबर को। बाबर का जो टाइम है वो 1526 से स्टार्ट होता है और 1530 तक ये रूल करता है। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और अफगान समर्थक जो उसके थे उन्हें ये हरा देता है, और खानवा का युद्ध होता है 1527 में, इसमें राणा सांगा और जितने राजपूत राजा उनके समर्थन में लड़ रहे थे वो पराजित होते हैं। इसके बाद चंदेरी में राजपूतों को हराने का काम ये 1528 में करता है, और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण को ये स्थापित कर चुका होता है, तो ये आपने देखा। और बाबर ये मुगल वंश का संस्थापक इसीलिए कहा जाता है, मूल नाम इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद था, उपाधि बादशाह कलंदर ऐसी उपाधियों को ये धारण करता था। उपनाम के तौर पे हजरत फिरदौस मकानी का नाम आप देख रहे हैं इसके उपनाम में, माता का नाम कुतुब निगार खानम था और उमर शेख मिर्जा इसके पिता थे। बाबर की आत्मकथा जो है वो तुजुके बाबरी या बाबरनामा है। बाबर के चार बेटे थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, हुमायूं सबसे बड़ा था। राज्याभिषेक का अगर बात किया जाए तो बाबर ने 12 वर्ष की आयु में ही 1494 में स्वयं को फरगना में शासक घोषित कर दिया था, लेकिन वहां पर ये बहुत सफल नहीं रहता है, ठीक। तो मृत्यु इसकी होती है 26 दिसंबर 1530 आगरा में। यहां तक कहानी हमने देखी। जो युद्ध ये लड़ता है उसमें पानीपत का पहला युद्ध है जो कि 21 अप्रैल 1526 टू बी एग्जैक्ट तारीख दी हुई है, पानीपत हरियाणा में जगह है वहां पर लड़ा जाता है, समतल मैदान रहता है, और इसमें बाबर की जीत होती है। तुलगुमा पद्धति और रूमी विधि का ये इस्तेमाल करता है, मतलब तोपखाना वगैरह साथ लेकर चलते हैं, और आधी सेना सामने से और बाकी सेना पीछे से घेर कर अटैक करेगी, दुश्मन को चारों ओर से घेर कर मारना है, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। तो नई नई युद्ध नीतियों का इस्तेमाल करके ये हावी हो जाता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच में टकराव होता है, और इस युद्ध में बाबर ने
मतलब इस युद्ध को बाबर ने जिहाद के नाम से संबोधित किया था, और इस युद्ध के बाद मतलब विजय के बाद वो गाजी की उपाधि धारण करता है। कुल 20 घंटे तक ये युद्ध चलता है, ज्यादा लंबा नहीं खींचता है, 16 मार्च 1527 की बात। इसके बाद होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध को आप देखें तो ये 29 जनवरी 1528 का है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है, बाबर यहाँ भी जीतता है। और इसमें शेरशाह सूरी बाबर के साथ मिलकर मेदिनी राय के खिलाफ, यहाँ आप देख रहे हैं कि शेरशाह सूरी ये बाबर की सेना में पहले से ही था, उसने पूरी पूरी जो मुगल आर्मी है उसको देखा था। तो शेरशाह सूरी बाबर के साथ मिलकर मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था, और चंदेरी के युद्ध को भी बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी। इसके बाद अफगान संघ के साथ बाबर का युद्ध होता है, ये 6 मई 1529 की बात है, घाघरा का युद्ध था, और अफगान संघ और बाबर आपस में टकराते हैं। घाघरा का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया, अंतिम युद्ध था, और आप कह सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास का ऐसा पहला युद्ध था अफगानी युद्ध, मतलब घाघरा का युद्ध, जो कि जल और थल दोनों जगहों पर लड़ा गया था, पानी में भी लड़ाई हुई थी और जमीन पर भी हुई थी। ये सब कहानी हमने देखी। अब अपने पिता की वसीयत के हिसाब से, पिता की जो वसीयत यानी बाबर की जो वसीयत थी उसमें ये कहा गया था कि साम्राज्य का विभाजन, जो कि परंपरा थी, खानदानी परंपरा थी, तो साम्राज्य का विभाजन होना चाहिए, जायदाद का बंटवारा। तो हुमायूं ने क्या किया, अपने भाइयों में जो पूरा राज्य है उसको बांट दिया, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, इससे साम्राज्य जो है वो बिखर गया। तो प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिलता है। उसके भाई मिर्जा कामरान की जो महत्वाकांक्षा है उसकी वजह से हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के आगे फीका पड़ जाता है, मतलब भाइयों की ओर से सहयोग नहीं मिलता, और इधर जो अफगान है वो हावी हो जाते हैं। अफगान का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो हुमायूं को शेर खान के द्वारा 2 हराया जाता है, शेर खान यानी बाद में शेरशाह सूरी, और ये 1539 का टाइम है चौसा में, और उसके बाद 1540 में कन्नौज में एकदम से अटैक किया जाता है, और नदी में बाढ़ आई रहती है, हुमायूं को विवश होकर नदी में कूदना पड़ता है, और उस बाढ़ में वो डूबने के लिए होता है, तो एक भिश्ती उसकी जान बचाता है, और भिश्ती जब उसकी जान बचाता है, भिश्ती का मतलब पानी भरने वाला, कहार से आप तात्पर्य समझ सकते हैं, तो वो पानी का अभ्यस्त रहता है, कूद जाता है, उसको बचा ले आता है। तो हुमायूं उससे वादा करता है कि जब वो बादशाहत फिर से प्राप्त करेगा, मतलब अपना सिंहासन हासिल करेगा, तो उसकी मुराद पूरी करेगा। तो भिश्ती जो है वो कहता है कि मुझे एक दिन का बादशाह बना दिया जाए, तो ये किंवदंती है कि वो उसे एक दिन का बादशाह बनाता है, और वो इस बादशाह बनने की एवज में चमड़े के सिक्के जारी करता है। तो ये सब कहानियां हैं। फिलहाल यहाँ आप देखें कि अफगान प्रतिद्वंदियों के आगे कमजोर पड़ने की वजह इसके भाइयों का विद्रोह था, जो कि इसके खिलाफ था। हुमायूं को 2 हराया जाता है शेर खान यानी शेरशाह सूरी के द्वारा, 1539 और 1540, और इसके बाद वो ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य हो गया, क्योंकि अगर भारत में टिकता तो शेर खान उसे जीवित नहीं छोड़ता। ईरान में हुमायूं ने सफाविंद शाह की मदद ली, और फिर से एक बार 1555 में इंतजार करता रहा कि शासन थोड़ा कमजोर पड़े, क्योंकि शेरशाह सूरी एक बेजोड़ शासक था, और उसने जितना संघर्ष अपनी जिंदगी में किया था हुमायूं शायद अपने पूरे जीवन काल के मतलब पूरा जीवन काल अगर दोबारा दोहरा भी दिया जाए तो उसमें नहीं कर सकता था, उसने तो एक विरासत प्राप्त की थी, तो ऐसे में ऐसे मजबूत शासक का वो सामना नहीं कर सकता था, कमजोर पहले से ही पड़ गया था। तो वो रुककर इंतजार करता है। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है 1545 में, और उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, तब वो फिर से वापसी करता है। तो सरहिंद का युद्ध आप देखते हैं, फिलहाल आगे चलते हैं। इमारत दुर्घटना का मतलब वही है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। तो नाम के विपरीत इसके कर्म थे, मतलब जितना भाग्यशाली नाम था तो भाग्य उसका साथ नहीं देता था। अब यहाँ पे जन्म की अगर बात करें तो 6 मार्च 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। मूल नाम इसका नासिरुद्दीन मोहम्मद है, उपनाम हुमायूं था, और हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन ये भाग्यशाली बिल्कुल नहीं था। और पिता का नाम बाबर, माहम बेगम सिया संप्रदाय की मुसलमान थी, ये माता थी इसकी। राज्याभिषेक की अगर बात करें तो 30 दिसंबर 1530 में राज्याभिषेक होता है। कामरान और अस्करी की माँ जो है वो गुलरुखी बेगम है, ध्यान दीजिएगा। दिलदार बेगम जो है वो हिंदाल की माता है। 1532 का टाइम है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पे पहली बार आक्रमण किया था, और 1531 का समय है। इसके बाद 1532 में रायसीन के जो महत्वपूर्ण किले थे उसको ये जीत लेता है। गोमती नदी का जो दोहरिया या दौरा या दादरा है वहां पे महमूद लोधी और शेरशाह की सम्मिलित सेना को ये हरा देता है, यहाँ आप देखें। और 1535 में गुजरात और मालवा को जीतने वाला ये पहला बादशाह बन गया था। 26 जून 1539 चौसा या बक्सर का युद्ध, अब यहाँ पर आमना सामना सही में शेरशाह सूरी से होता है, और यहाँ पर शेरशाह सूरी जीतता है। पिछली वाली जो हार थी उससे इसने सबक सीखा था, तो ये चीज आप देख रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, 1540 निर्णायक युद्ध होता है, ये कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, और इस युद्ध के बाद हुमायूं को यहाँ से हटना पड़ता है, भागना पड़ता है, तो वो चीज़ आप देख रहे हैं। दिल्ली में दीनपनाह नगर को बसाने का काम 1553 में हुमायूं के द्वारा किया जाता है। मच्छीवाड़ा युद्ध जो है इसमें हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित किया, जो कि सूर वंश का शासक था, और इसके बाद फिर से वो दिल्ली का शासक बनता है 1555 में। ये गर्मी की बात है, मतलब वही जून महीने। 1556 में फिर जो दीनपनाह नगर है उसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी कहानियां हमने देखी।
अकबर की अगर बात देखें तो जन्म इसका होता है 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में, राजपूत राणा वीरसाल के हिंदू महल में ये पैदा होता है। मूल नाम जलालुद्दीन था, दक्षिण का बादशाह ये उपनाम अर्श आशियानी जहांगीर के द्वारा इसको कहा गया था। जगदीश्वर की उपाधि ये प्रजा के द्वारा दी गई थी। इमाम आदिल अमीरुल मोमिनीन यानी मजहर की घोषणा के बाद अमीरुल मोमिनीन के नाम से जाना गया। प्रबुद्ध निरंकुश शासक ये सब कहा गया। अपने युग के संतान और पिता दोनों था ऐसा आरपी त्रिपाठी ने कहा। मध्यकालीन भारत का जो पहला राष्ट्रीय शासक है उसके तौर पे अकबर को स्थापित किया जाता है। अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था और वो साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक था ऐसा कहा जाता है। और ये मुगल काल का स्वर्ण युग था, ठीक ये आपने देखा, लेनपूल के द्वारा ये कहा गया है। तो अकबर 14 वर्ष की आयु के आसपास पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नाम की जगह है वहां खुद को बादशाह घोषित करता है। बैरम खां के नेतृत्व में संरक्षण में वो अपना जो राजपाठ है उसको संभालता है। ये 14 फरवरी 1556 की बात है। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे और अकबर ने उन्हें अपना वजीर नियुक्त किया था, मतलब वकील या वजीर आप कह सकते हैं, खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। शमसुद्दीन अतका खां जो है ये प्रतिपोषक या धाय था, मतलब अकबर का एक तरह से देखरेख करने वाला केयरटेकर था। और अकबर की जो धाय माँ है इनका नाम है महामंगा। महानंगा जो है ये महामंगा के बारे में क्वेश्चन आया था UPPCS में, पूछा गया था। ये बहुत कद्दावर वकील थी वकालत के मामले में और पहली महिला प्रधानमंत्री थी, मतलब राजनीतिक जो कौशल था वो इसके पास था। इसके बाद आगे चलते हैं अकबर के समकालीन में, अगर इंग्लैंड में चलें तो रानी एलिजाबेथ जो है वो इसकी समकालीन थी। हेनरी का जो माफ कीजिए फ्रांस का जो सम्राट है, यहाँ देख रहे हैं आप फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ और फारस का जो महान अब्बास, ये सब शासक जो है ये अकबर के समकालीन है। बायजीद बयात क्या है, तो ये अकबर का जीवनीकार था, अकबर का पहला जीवनीकार था, इसे आपने देखा। अकबर के दरबार के जो नवरत्न है उन्हें आप देखें, जैसे आपने गुप्तकाल देखा था ना उसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उसके बाद आप कृष्णदेव राय के दरबार में जाएंगे तो वहाँ अष्ट दिग्गजों को देखेंगे। कुछ वैसी ही तर्ज पे अकबर ने भी नवरत्नों की अपने राज्य में स्थापना की थी, मतलब अपने दरबार में। तो इसमें अबुल फजल, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना जो कि बैरम खां के पुत्र थे और अपने साहित्यिक इतिहास में रहीम दास के नाम से जाने जाते हैं, राजा बीरबल जिनका मूल नाम महेश दास था, इसके अलावा फैजी, फकीर अजीजुद्दीन, तानसेन और राजा मानसिंह प्रथम और मुल्ला दो प्याजा, इन्हें प्याज से अतिशय लगाव था। तो कुल मिलाकर इस तरीके से नवरत्न यानी नौ जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, विशिष्ट व्यक्तित्व है, उनके बारे में आप देखते हैं अकबर के दरबार में। इसके बाद अब अकबर के जो महत्वपूर्ण कार्य थे, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य किए थे, तो इसमें दास प्रथा का अंत इसने किया था और ये समय है 1562 का। हरम दल से मुक्ति ये प्राप्त करता है और वो समय है 1562 का, समय आप दोनों एक साथ देख रहे हैं। तीर्थयात्रा कर की समाप्ति होती है 1563 में। जजिया को समाप्त कर दिया जाता है 1564 में। इसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित होती है 1571 में। इबादत खाने की स्थापना होती है 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति होती है 1578 में। मजहर की घोषणा होती है 1579 में। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना होती है, इलाही संबद को शुरू किया जाता है 1583 में। राजधानी का लाहौर स्थानांतरण होता है और ये 1585 का समय है। सिजदा और पैबोस की शुरुआत होती है, सिजदा और पैबोस की शुरुआत होती है और ये समय है 1577-78 का, मतलब उस बीच में होता है। बीगा ए इलाही यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, या गज ए इलाही एक पैमाइश की स्केल हुआ करती थी, तो इसकी शुरुआत होती है 1588 में। कश्मीर की पहली यात्रा होती है 1589 में। सती प्रथा को निषिद्ध किया जाता है 1591 में, लेकिन बलपूर्वक नहीं, सिर्फ लागू कर दिया गया था कि सती प्रथा अब मान्य नहीं है। इसके बाद चार सदस्यीय सुधार समिति की शुरुआत होती है 1575 में। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट काम आप यहाँ पर देख रहे हैं। जहांगीर को देख लेते हैं। जन्म इसका 30 अगस्त 1569 में होता है फतेहपुर सीकरी में। मूल नाम सलीम था, अकबर प्यार से शेखू बाबा कहते थे। और राज्याभिषेक की बात करें तो 3 नवंबर 1605 में आगरा में मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाता है। पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर, सलीम शहजादा सलीम कहा जाता है। इसके बाद पिता का नाम अकबर था और इसकी माता जो है वो हिंदू राजपूत थी जोधाबाई, जिन्हें हरखाबाई भी कहा गया है, और मरियम उज जमानी की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। विवाह की बात करें तो पहला विवाह इनका अम्ब के राजा, अम्ब का मतलब जयपुर क्षेत्र है राजस्थान का, तो यहाँ के राजपूत राजा भगवान दास इनकी पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई के साथ हुआ था। और दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था, मतलब दोनों राजपूतानी थी, ठीक, तो ये आपने देखा। 1611 में अब्दुल्ला खां, जिसे जहांगीर ने फिरोज जंग की उपाधि दी थी, 1611 में हुए युद्ध में अमर सिंह के पुत्र करण सिंह से पराजित हो गया, तो ये एक कहानी है। और मेवाड़ की संधि हुई, ये जहांगीर के समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1615 में।
ओडिशा का जो खुर्दा क्षेत्र है वहां पे ये जीत हासिल करता है 1611 का टाइम है। 1613 में कूच बिहार और कामरूप असम क्षेत्र जो है वहां पे ये जीत हासिल करता है। बिहार के खोखर प्रदेश पे विजय हासिल करता है, खोखर काफी उग्र रहते हैं तो वहां ये जीत हासिल करता है। किश्तवाड़ पे ये जीत प्राप्त करता है 1620 में। अब हम शाहजहां को देख लेते हैं, तो जन्म इसका 5 जनवरी 1592 में लाहौर में होता है। मूल नाम इसका शिहाबुद्दीन है और खुर्रम नाम जो है वो अकबर के द्वारा दिया हुआ था। मुजहिद ये समकालीन इतिहासकारों ने कहा था, शाहजहां को मुजहिद के नाम से जो समकालीन इतिहासकार हैं उन्होंने पुकारा था। इस्लाम का रक्षक ये शाहजहां स्वयं को कहता है। विश्वभेदी किरण या विश्व विजेता की उपाधि भी इसको दी गई थी। शाहजहां मतलब दुनिया का शहंशाह, इसका मतलब ये है। और मेवाड़ की संधि के बाद शाह और अहमदनगर की संधि के बाद ये शाहजहां की उपाधि धारण करके, मतलब इसमें देखें आप कि ये उपाधि खुद नहीं धारण करता है, शाह और शाहजहां की उपाधि जो है इसमें शाह वाली जो उपाधि है वो मेवाड़ की संधि के बाद और अहमदनगर वाले अभियान के बाद 12 अक्टूबर 1617 को इसे शाहजहां की उपाधि ये जहांगीर देता है। बेदौलत इसको कहा जाता है। अंत समय में जहांगीर ने शाहजहां को बेदौलत कहा था, यानी भाग्यहीन। ये अपना अपना अलग अलग नजरिया है। इसके बाद राज्याभिषेक की अगर बात करें तो 1628 में आगरा में राज्याभिषेक होता है अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहबे किराने सानी के नाम से। इतना लंबा उपनाम। पिता का नाम जहांगीर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाँ, माता का नाम जगत गोसाई था, ठीक ये आप देख रहे हैं। घराना इसका तैमूरी घराना था। शिक्षक की बात करें तो मुल्ला कासिम बेग तबरीजी के द्वारा इन्हें शिक्षा प्राप्त होती। लेकिन इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो हकीम अली गिलानी का था, जो कि चिकित्सा शास्त्र में निपुण थे और वहां से ये औषधि की विद्या प्राप्त करता है, तो ये एक चीज है। पत्नी की बात करें तो यहाँ देखें 1612 का समय है। आसफ खां की बेटी है अर्जुमंद बानो बेगम, उनसे इनका विवाह होता है। मुमताज़े महल जिन्हें कहा जाता है, मलिका ए ज़मानी की उपाधि शाहजहां ने इन्हें दी थी। शाहजहां के पुत्रों में आप दारा शिको, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श को देखते हैं, जो कि बाद तक जीवित रहते हैं और आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ते हैं। और इसमें सबसे चालाक और योग्य सिद्ध होता है औरंगजेब। तो औरंगजेब का जो समय है उसे आप देख रहे हैं, 3 नवंबर 1618 की बात है। ये जन्म होता है और उज्जैन के पास में दोहद नाम की जगह है, वहां ये पैदा होता है। मुहिनुद्दीन यहाँ आप देख रहे हैं, मुहिनुद्दीन ये इसका उपनाम था, मतलब मूल नाम के तौर पर कहा जाता है। तो उपनाम के तौर पे इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। मूल नाम जो है वो असल में कभी कभी उपनामों से ही प्रेरित होता है, मतलब शुरुआत में वही नाम रहता है, बाद में वो बगल में चिपक जाता है। तो इसमें उपाधि और मूल नाम जो है वो दिया हुआ है। देखें यहाँ पे आलमगीर इसका नाम था, बाकी मोहम्मद मुहिनुद्दीन ये मूल नाम कहा जा सकता है। और उपाधि के तौर पर आप देखें तो जिंदा पीर इसको कहा जाता था, हाफिज कहा जाता था, पहला और आखिरी बादशाह था जिसे कि संपूर्ण कुरान कंठस्थ थी। यहाँ मुगल बादशाह की बात हो रही है। शाही पोशाक में दरवेश था ऐसा कहा जाता है। राज्याभिषेक इसका 2 बार होता है, जुलाई 1658 में होता है और जून 1659 में होता है। राज्याभिषेक के समय उसने अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी ये लंबी सी उपाधि धारण की थी। तो यहाँ लंबी सी उपाधियों को आप देख रहे हैं। शिक्षक के तौर पे मीर हाशिम गिलानी और अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी का नाम आप देख सकते हैं। वजीर सादुल्ला खां ये शाहजहां के शासनकाल में वजीर थे। मुल्ला शेख अहमद और उनके अन्य शिष्य भी इसमें शामिल थे। औरंगजेब बातचीत में हिंदी की लोकप्रिय कहावतों का इस्तेमाल करता था, लेकिन ये हिंदी और जो बाकी यहाँ की देशी सभ्यताएं थी उनका धुर विरोधी था। इसके बाद अनुयायी की अगर बात करें तो नक्सबंदी सिलसिला जो कि काफी कट्टर होता है सूफी संप्रदाय में, उसका ये शिष्य हुआ करता था, मीर मासूम का ये चेला था। इनकी कई सारी पुत्रियां थी और आप देखते हैं पत्नियों का नाम पहले है उसके बाद पुत्रियों का नाम है। तो पत्नियों के नाम में दिलरास बेगम, रबिया उद्दुरानी जिनका कि मकबरा बनवाया गया, जो कि ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, बीबी का मकबरा। और रहमतुल निसा जिन्हें कि नवाब बाई कहा गया। इसके अलावा जॉर्जिया दासी थी, एक उदयपुरी महल और औरंगबादी महल ये जॉर्जिया की दास मतलब दास कन्याएं थी, तो ये इसकी अन्य पत्नियां होती हैं। और इसके बाद हीराबाई ये औरंगजेब की रखेल थी, उपाधि जौनाबादी महल थी। तो इस तरीके से नाम थे, नाम और उपाधियों को आप देख रहे हैं जो कि पत्नियों के थे। पुत्रियों की अगर बात करें तो कई सारी पुत्रियां थी, जेबुन्निसा, महरुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा, जुबदतुन्निसा, इस तरह से नाम आप देखते हैं। जेबुन्निसा जो है ये औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान थी और ये कवित्री थी। मकफी उपनाम से ये बहुत सारी कविताएं और गजलें, मतलब जो गीत इत्यादि हैं वो फारसी में लिखा करती थी। और मुगल शहजादियां ज्यादातर कुंवारी ही रह जाती हैं, क्योंकि मुगल बादशाहों की औकात का कोई आदमी ब्याहने के लिए मिलता नहीं, तो ये एक दिक्कत होती। तो ये सब आप देख रहे हैं। अब औरंगजेब के बेटों में अगर देखा जाए तो आजम, अकबर, अकबर प्रथम जिन्हें कहा जाता है, इसके बाद मोहम्मद सुल्तान या औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था, मुअज्जम यानी शाह आलम, और औरंगजेब का सबसे छोटा पुत्र कामबख्श ये उदयपुरी महल की संतान था। तो कौन किस रानी की संतान है वो सब यहाँ दिया हुआ है।
औरंगजेब का एक सपना था कि दक्षिण भारत पर पूरा कब्जा कर लिया जाए, दक्षिणी क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र है वो भी उसी के अधीन हो जाए। और ये सपना इससे पहले बहुत सारे सुल्तानों ने और बादशाहों ने देखा था। पूरी तरह से सफल कोई नहीं होता है, लेकिन औरंगजेब के समय में सबसे बड़ी बाधा बन के खड़े होते हैं शिवाजी महाराज, जो कि मराठा शक्ति को एकजुट करते हैं। मराठे पहले भी शक्तिशाली थे, ऐसा नहीं था कि उनके अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन उस शक्ति को एक सूत्र में बांधने का काम और एक कुशल नेतृत्व देने का काम शिवाजी महाराज ने किया। तो यहाँ आप देखेंगे महाराज शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जन्म होता है 19 फरवरी 1630 को, और ये पूना का जुन्नार नगर है, शिवनेर दुर्ग है जहाँ पर ये पैदा होते हैं। पिता का नाम शाहजी राजे भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था जो कि इनकी वास्तविक अध्यापिका थी, और वंश इनका भोसले था। रायगढ़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। राज्याभिषेक जैसा कि आपको पीछे भी बताया कि इनका दो बार हुआ था, पहला तो रायगढ़ दुर्ग में होता है और ये 1674 का समय है। यहाँ आप जो शिवाजी महाराज का चित्र देख रहे हैं ये काल्पनिक चित्र है, लेकिन इसमें आप इनकी जो वीरता है, इनका जो गौरव है, उसे स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं। सिंहासन, सिंहासन का मतलब आप समझते हैं, ये वास्तविक सिंहासन है, इसमें दोनों ओर सिंह जो है वो रक्षक के तौर पे खड़े हैं। तो फिलहाल अब इस पेज को जूम आउट कर लेते हैं। देखिए, राज्याभिषेक इनका होता है 1674 में, कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं। रायगढ़ दुर्ग में पहला होता है सितंबर 1674 में, दूसरा होता है, पहले जून में होता है रायगढ़ दुर्ग में पहली बार, और उसके बाद सितंबर में होता है दूसरा वाला। पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट जो है वो इन्हें क्षत्रिय घोषित करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ जाति परंपरा जो है वो एक बाधा बनती, मतलब योग्यता से ज़्यादा जाति मायने रख रही थी, और इसलिए लोगों का विरोध होता है कि कोई राजा गैर क्षत्रिय कैसे बन सकता है। अगर वो क्षत्रिय नहीं है तो उसको राजा नहीं बनना चाहिए, भले ही क्षत्रिय हो लेकिन उसके अंदर योग्यता ना हो, उसको राजा जरूर बन जाना चाहिए। तो ये एक वर्ण व्यवस्था का जो एकदम से क्लिष्ट रूप है उसे आप देख रहे हैं। तो इसके चलते शिवाजी महाराज को फिर वाराणसी से एक पंडित बुलाना पड़ता है, और ये जो पंडित हैं विश्वेश्वर भट्ट यानी गंगा भट्ट, ये आते हैं और घोषित करते हैं कि शिवाजी महाराज मराठा कुल के क्षत्रिय ही हैं, और तब जाकर इनका राज्याभिषेक फिर से होता है। इसके बाद उपाधि के तौर पर हिंदू धर्म उद्धारक, मतलब हिंदू धर्म उद्धारक, और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, इस तरह की बहुत सारी उपाधियां ये धारण करते हैं। पहाड़ी चूहा कहने वाला औरंगजेब था, जब वो नियंत्रण शिवाजी के ऊपर नहीं कर पाता है ना, तो कहता है कि ये पहाड़ी चूहा है जो कि हमला करके फिर अपने बिल में छिप जाता है। तो शिवाजी महाराज छापा मार तकनीक अपनाते थे युद्ध के लिए, मतलब हमला करे शत्रु के ऊपर और एकदम से शत्रु को एकदम से चारों खाना चित कर दे, तो वो काम करते थे। और समर्थ गुरु रामदास जो है, रामदास जी ये शिवाजी के गुरु जी थे, और आप देखते हैं कि शिवाजी की योग्यता को चेक करने के लिए ये बीमार होने का बहाना करते हैं और कहते हैं कि बीमारी असाध्य है, मृत्यु निश्चित है, केवल एक ही उपचार है कि शेरनी का दूध अगर मिल जाए। तो शेरनी का दूध लेने के लिए शेर के पास जाना होगा, तो शिवाजी महाराज बीड़ा उठाते हैं और वो शेरनी के पास जाकर उससे दूध ले आते हैं, मतलब दूध निकाल कर ले आते हैं। तो ऐसी वीरता, और उसके बाद समर्थ गुरु रामदास इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि फिर इनका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। तो वो चीज़ है, इनके संरक्षक थे दादा कोणदेव, जितना प्रभाव इनके ऊपर माता जीजाबाई का था, कोणदेव का संरक्षण भी उसमें एक अमूल्य योगदान रखता है। तो ये सब आपने देखा। अच्छा, शिवाजी की पत्नियां उसमें सईबाई निमलकर जो है ये सबसे प्रिय थी और सबसे शुरुआती पत्नी थी, बाकी पुतलीबाई, सोयराबाई, सकरवारबाई, लक्ष्मीबाई, सगुनाबाई और गुणवंताबाई। अब देखें यहाँ पे जो राजा महाराजा हैं उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी, और ज़्यादातर जो है वो राजनीति के तहत ही विवाह किए जाते थे, मतलब बहुत सारे राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना सिर्फ राजनीति का हिस्सा होता था, उन्हें अपना मित्र बनाना होता था, और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहा है। तो इसके चलते ये कई सारी पत्नियों के नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं। अंग्रेज प्रतिनिधि के तौर पे आप देखें कि शिवाजी के राज्याभिषेक में साक्षी के तौर पे हेनरी ऑक्सेंडेन जो है वो उपलब्ध था, मतलब उस समय उपस्थित था। मृत्यु होती है शिवाजी महाराज की 1680 अप्रैल में। 1647 का जो समय है उसमें कोंडाना का जो दुर्ग है उसको शिवाजी महाराज जीत लेते हैं, और इस विजय के बाद बीजापुर का जो सुल्तान है वो बौखला जाता है और शाहजी के ऊपर आरोप लगाता है कि तुम्हारा बेटा निरंकुश हो गया है। शाहजी जब कोई समुचित उत्तर नहीं देते हैं तो शाहजी को वो कैद करवा लेता है, और उसके बाद फिर 1647 का समय आता है, मतलब उसी वर्ष में, एक वर्ष में कोंडाना, उसके बाद फिर चाकन क्षेत्र, ये शिवाजी के द्वारा जीत लिया जाता है। 1654 शिवाजी पुरंदर का किला जीत लेते हैं, और यहाँ का किलेदार नीलोजी नीलकंठ था। जामवली की जो विजय है वो शिवाजी 1656 में प्राप्त करते हैं। जुन्नार का किला ये जीतते हैं 1656 में, जहाँ से इन्हें बहुत सारा धन प्राप्त होता है जो कि अपने सैन्य सामर्थ्य को बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। शिवाजी का पहली बार मुगलों से मुकाबला हुआ था 1657 में, मतलब असल में जो औरंगजेब की सेना थी उससे इनका आमना सामना होता है, और 1657 में कोंकण क्षेत्र पर ये जीत हासिल करते हैं, और यहाँ के कई सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट, मतलब किले, जैसे कि कल्याण का फोर्ट है, भिवंडी दुर्ग है, माहुली का दुर्ग है, उस पर ये कब्जा कर लेते हैं। सूरत की जो लूटपाट है उसमें आप देख रहे हैं 1664 का समय आता है, और सूरत में लूटपाट से शिवाजी महाराज को करीब 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। पहले के समय में युद्ध होते थे
और पराजित होने वाला पक्ष जो होता था उससे धन लूटा जाता था, जीतने वाला पक्ष जो है वो युद्ध से माल लूट कर ले आता था और उसका फिर विभाजन किया जाता था। आप मुस्लिम शासनकाल में भी खुम्स नाम का जो टैक्स होता था या एक तरह का खुम्स नाम की धनराशि होती थी उसको देखते हैं, तो वो लूट का माल होता था, उस पर कर लगता था। अब इसके बाद देखें, यहाँ का मुगल सूबेदार जो है वो इनायत खां था, नाम आपने सुना है। रे जॉन लेस्के लॉर्ड जो है ये सूरत की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रमुख था, जो कि इस लूट का प्रत्यक्षदर्शी था, उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। और सूरत में दूसरी बार लूटपाट का काम 1670 में हुआ था। तो यहाँ तक आते आते औरंगजेब को इस बात का तो अंदाजा लग ही जाता है कि ये मराठे जो हैं ये हमेशा ही उसके लिए खतरा बने रहेंगे। तो इसके चलते फिर यहाँ एक संधि होती है जिसमें कि मुगल बादशाह की अपनी मंशा रहती है। ये कछवाहा राजा जय सिंह जो है ये शिवाजी से संधि करने का, मतलब शिवाजी को संधि करने के लिए विवश करते, और ये संधि होती है जून 1665 में। ये जो संधि का समय है वो जून 1665 का है, और इसमें अच्छा खासा नुकसान मराठों को झेलना पड़ता है। तो ये पुरंदर की संधि है, और 1666 मई का जो समय है उसमें शिवाजी आगरा दरबार में जाते हैं, और दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से 1668 में शिवाजी ने औरंगजेब के सामने संधि का प्रस्ताव रखा था। संधि के लिए वो तैयार भी हो जाता है, ठीक है, संधि करने में उसकी भी भलाई थी, भले ही वो अकड़ रहा था लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि मराठे जो है ये अगर संधि कर लिया जाए तभी शांत हो सकते हैं। तो इसी समय औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि क्या दी, उसने अपमान किया, दरबार में राजा के नाम से इन्हें संबोधित किया, जो कि राजा निम्न पदवी मानी जाती थी मराठा साम्राज्य में, ठीक, मतलब उन्हें एक मनसबदार या एक सामान्य जागीरदार की हैसियत से देखा, जो कि शिवाजी महाराज के सम्मान के अनुकूल नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। इसके बाद आप देखें कि बीजापुर और गोलकुंडा से चौथ वसूलने का भी अधिकार दे दिया। अब शिवाजी के प्रशासन की अगर बात करें तो ये प्रशासनिक मॉडल जो है इसका आधार कौटिल्य का जो केंद्र वाला प्रशासन था, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी वो थी। इसके अलावा शुक्राचार्य की अपनी प्रशासकीय नीति थी जो कि वो दैत्यों को सिखाते थे, दैत्य भी इसी वजह से संगठित रहा करते थे और देवताओं पर भारी पड़ते थे, तो वो वाली जो राजनीति है उसका ये इस्तेमाल करते। देखें आप, राजनीति के क्षेत्र में सबसे जो निष्णात गुरु माने जाते हैं वो शुक्राचार्य माने जाते हैं, भले ही वो दानवों के संरक्षक थे लेकिन राजनीति में उनका कोई सानी नहीं था। तो अष्टप्रधान की जो परंपरा है वो शिवाजी महाराज के दरबार में शुरू होती है। पेशवा जो था ये प्रधानमंत्री होता था असल में, पंत प्रधान या उप राजा इसको कहा जाता था, राजा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसका होता था, इसे हुजूर दफ्तर कहा जाता था। इसके अलावा राजा की अनुपस्थिति में उसके जो कार्यवाहक वाले काम थे उसको भी देखता था। शिवाजी के समय में पेशवा मोरोपंत यानी मोरे त्रयंबक पिंगले थे, और पेशवा एक खास उपाधि हुआ करती थी अहमदनगर में। अब यहाँ कान्होजी नरसी और मलिक अंबर जो है ये भी पेशवा की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। मजूमदार क्या होता था, तो ये असल में वित्त मंत्री होता था, राजस्व विभाग का अधीक्षक होता था, और इस पद पे शिवाजी ने नीरो नीलकंठ और रामचंद्र नीलकंठ को नियुक्त किया था। मजूमदार असल में आम आदमी की हैसियत का आदमी होता था, और सुरुनवीस सचिव या चिटनीस कहा जाता है ये शाही पत्र व्यवहार का मुखिया होता था। अन्नाजी दत्तोपंत इस पद पे नियुक्त थे। इसके बाद आप देख रहे हैं दबीर या सुमंत, ये विदेश मंत्री था, राष्ट्र मंत्री कहा जा सकता है। रामचंद्र पंत जिन्हें कि जनार्दन पंडित कहा जाता है वो शिवाजी महाराज के समय में दबीर हुआ करते थे। सरे नौबत जो है ये सेनापति होता था। हबीर राव मोहिते ये इस पद पे अपॉइंट किए जाते हैं, और वाकया नवीस जो था ये जितनी भी दरबारी घटनाएं होती थी, गतिविधियां राजा की होती थी, उनको रिकॉर्ड के तौर पे दर्ज करता था, मतलब आप समझेंगे एक तरह से इतिहास लेखन का काम करता था, और ये गुप्तचरों का भी हेड होता था। तो दत्ताजी त्रयंबक वाकया नवीस की हैसियत से शिवाजी महाराज के दरबार में हुआ करते थे। पंडित राव या दानाध्यक्ष जो है ये पद जो था इस पे रघुनाथ राव आसीन थे। न्यायाधीश का जो पद था ये मुख्य न्यायाधीश का होता था असल में, और निराजी राव जी जो है ये मुख्य न्यायाधीश के पद पे रखे गए थे। तो यहां तक हमने इसे कंप्लीट किया है, इसमें इतना ही। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि सिखों के 10 गुरु हुए हैं जिसमें से कि ये पहले थे और इन्होंने ही स्थापना की थी। तो गुरु नानक देव के बारे में और बाकी जो सिख गुरु हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए, यहां से प्रश्न बनते हैं। जो 10 सिख गुरु हुए हैं उनके बारे में तो हम बाद में देखेंगे, पहले गुरु नानक देव को देखते हैं। 1469 में इनका जन्म होता है, 1539 तक ये इनका जो जीवन काल है वो चलता है, इसे आप देख रहे हैं। हजरत रब्बुल मजीज ये इनकी उपाधि थी, और ये जाति के खत्री थे। खत्री जो है एक क्षत्रियों से मिलता जुलता वंश होता है। जन्म के आधार पर अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल 1469 तलवंडी पाकिस्तान जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, मतलब देश के हिसाब से पाकिस्तान तो अभी हो गया है, पहले वो भारत का हिस्सा था। मेहता कालू इनके पिता थे, माता का नाम तृप्ता देवी था, सुलक्षणी इनकी पत्नी का नाम था। ये हिंदू माता पिता हैं, और वहीं से गुरु नानक देव जो है वो एक नए धर्म को ईजाद करते हैं। इनकी मृत्यु होती है 22 सितंबर 1539 में, और इसके बाद गुरु अंगद देव जो है वो तख्त पे बैठते हैं। 10 गुरुओं में से ये दूसरे हैं, तो आइए देखते हैं 10 गुरुओं को।
यहाँ सिख गुरुओं का नाम दिया है, उनका कार्यकाल या जीवनकाल दोनों इसमें शामिल है, उसको आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो दिए हुए हैं। तो गुरु नानक देव का तो आप देख रहे हैं यहाँ जो समय है वो 1469 से शुरू होता है और 1539 तक रहता है। और ये सिख धर्म के संस्थापक थे, संगत सभा की स्थापना इन्होंने की थी, लंगर की शुरुआत इन्होंने ही की थी। लंगर जो है वो सिख धर्म में एक बहुत कीमती चीज़ होती है, ठीक, ये दानशीलता का एक विषय होता है। इसके बाद गुरु अंगद को आप देखें तो इनका 1539 से समय शुरू होता है, गुरु नानक देव के बाद ये तख्त पे आसीन होते हैं और 1552 तक ये लगातार अपना सिख गुरु के तौर पे मार्गदर्शन करते हैं। गुरुमुखी लिपि के ये जनक थे, ठीक है, गुरुमुखी लिपि जो है उसको इन्होंने ईजाद किया था, साथ में गुरु नानक के उत्तराधिकारी के तौर पे लहना इनका बचपन का नाम था या मूल नाम था, वहां से जब ये गुरु बनते हैं तो इन्हें गुरु अंगद कहा जाता है। इसके बाद है गुरु अमरदास, धर्म प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना इन्होंने की थी, विवाह की जो लवन पद्धति है उसका प्रचलन किया था, 1552 से लेकर 1574 ईस्वी ये इनका जीवनकाल, मतलब इनका शासनकाल कार्यकाल आप देख सकते हैं। इसके बाद गुरु रामदास 1574 से, अब यहाँ जीवनकाल इसलिए नहीं कह सकते ना कि 1574 में थोड़े ही जन्म हुआ था, इसमें होता यह है कि जैसे शुरुआत वाले जो गुरु हैं जब उनका समय समाप्त होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो अगला, मतलब पूरे सिख धर्म में अगला कोई योग्य व्यक्ति होता है जिसे कि गुरु चुना जाता है उत्तराधिकारी के तौर पे, तो वो उत्तराधिकारी वहाँ से अपना काम करना शुरू करता है। तो ये उनका काम करने का टाइम है 1574 से लेकर 1581 तक। अमृतसर नाम के जलाशय की स्थापना इन्होंने ही की थी, उसी के चारों ओर अमृतसर शहर जो है वो बस गया है। अमृतसर शहर की स्थापना 1577 में होती है, वो टाइम भी आपको बता दिया गया है। अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दान में दी थी, 500 बीघा अच्छी खासी तादाद होती है जमीन की, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ा इलाका या बड़ा सा गांव इन्हें दे दिया गया था। गुरु अर्जुन देव को आप देख रहे हैं 1581 से लेकर 1606 के बीच में इनका कार्यकाल चलता है। हरमंदिर साहब जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव रखते हैं और गुरु ग्रंथ साहब का संकलन वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया था। तो ये मुगल बादशाह जो हैं जब सिखों को परेशान करने लगते हैं तो सिख जो हैं वो हथियार बंद होना चालू करते हैं, मतलब ये शस्त्र रखने का रिवाज और लड़ाकू दस्ते के तौर पे तैयार होने का जो रिवाज है वो अपने ऊपर होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए होता है। सिखों को कोई शौक नहीं रहता है हथियार धारण करने का, ठीक है, तो ये आपने देखा। और तरन तारण और करतारपुर नाम के नगर ये बसवाए थे, मनसब प्रथा इनके समय में चल रही थी। गुरु हरगोविंद सिंह को देखिए, अकाल तख्त की स्थापना, और यहीं पर देखिए अब गुरु अर्जुन देव को जब फांसी पर चढ़ा दिया जाता है तो अब सिखों को यह एहसास हो जाता है कि अकबर का टाइम नहीं है, अकबर ने तो गांव दान में दिया था। लेकिन अब यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं वो तेजी से बदल रही हैं, तो अगर हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर ये सैनिक जाति में तब्दील होने लगते हैं और ये 1606 से लेकर 1644 का समय। इसके बाद गुरु हर राय का समय आता है और ये उत्तराधिकार का जो मुगलों का युद्ध चल रहा होता है 1644 से 1661 के बीच में, उसमें शामिल हो जाते हैं, उसमें ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद गुरु हरकिशन को आप देख रहे हैं तो ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते, मतलब 1661 से लेकर 1664, और काफ़ी कम आयु में ही चेचक इन्हें हो जाता है और चेचक उस समय लाइलाज रहता है, वैक्सीन वगैरह नहीं रहती है, मध्यकाल है आप देख रहे हैं, है ना, तो एक बार हुआ तो फिर बचने की संभावना बहुत थोड़ी सी बचती है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आप अगले गुरु को देखिए तो ये हैं गुरु तेग बहादुर, ठीक है, तेग बहादुर जो है ये 1664 से लेकर 1675 तक तख्त पर विराजमान रहते हैं। औरंगजेब के द्वारा रविशगंज दिल्ली में इन्हें मरवा डाला जाता है, मतलब तेग बहादुर को वो मृत्युदंड देता है अपनी ओर से और मार डालता है। तो इस प्रकार से सिखों के गुरुओं को निशाना बनाया जाता है। और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी हैं, अंतिम गुरु थे ये और इनका जन्म स्थान है बिहार पटना क्षेत्र, और 1675 से ये अपना काम शुरू करते हैं और 1708 तक ये बने रहते हैं। खालसा पंथ की स्थापना इन्हीं के समय में होती है, 13 अप्रैल 1699 की बात है। पाहुल प्रणाली की ये शुरुआत करते हैं, पंच ककार धारण करना सिखों को अनिवार्य कर देते हैं, केश कंघा कृपाण कच्छा और कड़ा, ठीक है, ये पांच ककार है। कृष्णावतार और जफरनामा की रचना ये करते हैं। गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान के द्वारा हत्या कर दी गई थी, मतलब वो खंजर से प्रहार करता है, इनके पेट में घाव हो जाता है तो तत्काल नहीं मरते हैं, उसके बाद टाका वगैरह लग जाता है तो ठीक होने लगते हैं, घाव भरने लगता है, लेकिन फिर एकदम से कोई एक व्यापारी आता है और वो धनुष इन्हें दिखाता है और हथियारों का शौक था ही, तो ये धनुष की जो प्रत्यंचा है उसको चढ़ाने के लिए जोर से तान देते हैं और उसके बाद टाके खुल जाते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना थी, तो इतना आपने देखा। अब ये जो हेडिंग है इसके अंतर्गत हम कुछ मिक्स चीज़ों को देखेंगे, जैसे बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठों का उदय पतन और शिवाजी, ठीक है, शिवाजी महाराज से मराठों का उदय होता है, हालांकि मराठे पहले से ही रहते हैं, लेकिन पीछे भी आपको बताया था कि मराठों को संगठित करने का श्रेय शिवाजी महाराज को दिया जाता है।
तो कोस्मेदा गुआर्डा जो है, इन्होंने शिवाजी की जीवनी लिखने का काम किया है। पूछा जा सकता है शिवाजी महाराज की जीवनी लिखने का काम कौन से विदेशी के द्वारा किया गया है? और गुआर्डा की किताब का नाम है लाइफ ऑफ द सेलिब्रेटेड शिवाजी, मतलब शिवाजी को एक सेलिब्रिटी के तौर पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और शिवाजी के शासन कार्यों, प्रजा के प्रति उनका जो जितना भी लोकहित वाला कार्य था, साम्राज्य विस्तार और प्रशासन से संबंधित नियम, राजस्व प्रबंधन, इनके बारे में बृहद ब्यौरा इसमें दिखाई देता है और काफ़ी प्रशंसा की गई। इसके बाद आप देखें कि शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में कुल उच्च पदों का जो क्रम था उसमें नायक जो होता था वो 9 सैनिकों या पाइकों का अधिकारी होता था, जबकि हवलदार जो था उसके अधीन 10 नायक हुआ करते थे, यानी हवलदार उससे बड़ा अधिकारी था। 25 घुड़सवार भी इसके अधीन हुआ करते थे। जमादार जो होता था वो 5 हवलदारों का अधिकारी होता था, मतलब और बड़ा। और एक हजारी जो होता था वो 10 जमादारों का अधिकारी होता था। तो ऐसे करके सबसे ऊंचा पद इसमें आप देख रहे हैं हजारी का। यहाँ तारीख जो आप देख रहे हैं ना, 6 मार्च 1728, इस समय मुंडी शिवगांव की संधि होती है। और ये संधि खास क्यों है? क्योंकि निजामुल मुल्क मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया था। जो निज़ाम थे हैदराबाद के, चिनकिलिच खान निज़ामुल मुल्क स्थापना करता है हैदराबाद राज्य की मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, और भी कई सारे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है। तो निज़ामुल मुल्क के द्वारा ये चौथ और सरदेशमुखी देना मंजूर कर लिया गया था। मराठे बड़े उग्र हुआ करते थे, मतलब अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकते थे, तो निज़ाम इनसे खौफ खाता था, ये आपने देखा। और मराठों और निज़ामुल मुल्क के बीच का जो विवाद था वो मुख्य मुद्दा क्या है? कर्नाटक नहीं बल्कि साम्राज्य विस्तार। निज़ाम भी फैलना चाहता था, मराठे फैलने नहीं दे रहे थे, वो तो औरंगजेब को ना फैलने दे, निज़ाम क्या चीज़ है। तो ऐसे में फिर आप देखें कि टकराव होता है और निज़ाम मजबूर होकर बाद में सहायक संधि और इस तरह के जो हथकंडे हैं उसको अपनाते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी। इसके बाद आगे चलते हैं, 2-3 पॉइंट इसमें और इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें देख लीजिए। जैसे कि मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के समय में विधवा पुनर्विवाह का जो सिस्टम होता था उस पर एक कर लगाया जाता था जिसे पतदाम कहा जाता था, पति का दाम, ठीक। और शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं, किसी भी चीज़ पर अगर टैक्स लगाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसे अवरुद्ध करने की कोशिश कहीं ना कहीं होती है। जैसे कि जजिया लगाया जाता था, वो धार्मिक कर होता था जो कि गैर हिंदुओं पर, माफ कीजिएगा, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, यानी विशेष रूप से हिंदुओं पर। तो इसका मतलब क्या था कि उनकी तीर्थ यात्रा, उनके जो धार्मिक क्रियाकलाप है उन सबको प्रतिबंधित करना, ये जो उस समय के विदेशी आक्रमणकारी थे उनका उद्देश्य था, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर ये विधवा पुनर्विवाह जो है ये बहुत ज़्यादा समर्थित नहीं था मराठा साम्राज्य में, हालांकि होता था, मतलब इतना पाबंदी भी नहीं थी। शिवाजी के संदर्भ में कुछ घटनाओं का यहाँ पे ब्यौरा है जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे पुरंदर के किले पर कब्जा करते हैं 1648 में, सूरत में लूट होती है पहली वाली, वो 1664 की है, काफ़ी सारा यहाँ से माल प्राप्त होता है। और अंत में एक झटका लगता है मराठों को पुरंदर की संधि के द्वारा, ये बड़ी ही नुकसानदेह संधि होती है शिवाजी महाराज के लिए। और जावली पर कब्जा हो जाता है 1655 में। छत्रसाल का जो टाइम आप देख रहे हैं ये 1649 से लेकर 1731 तक का है। ये मध्य युग के एक प्रतापी योद्धा थे, युद्ध के मैदान में ही पैदा भी हुए थे। और इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया। आप सोच कर देखिए, ठीक, कितना ज़्यादा प्रताप था। और 1705 का समय, छत्रसाल ने औरंगजेब से संधि कर ली। अंततः छत्रसाल को 4000 मनसब देकर राजा की उपाधि दे दी गई। अगर नहीं दी गई होती तो ये और उपद्रव करते, मतलब औरंगजेब ने यहाँ थोड़ा सा कूटनीति से काम लिया, नहीं तो वो अगर कड़ाई से काम लेता तो फिर टकराव होता और उसका नतीजा फिर मुगलों को झेलना पड़ता। तो ये चीज़। इसके बाद शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था है, अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर के द्वारा अपनाई गई जो प्रणाली थी उसी पर आधारित थी। मतलब मलिक अंबर का जो सिस्टम था ना काफ़ी अच्छा था, तो वो मानने योग्य था, तो शिवाजी महाराज ने उसको अपनाया। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसमें चलती थी, तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रैयतवाड़ी असल में क्या है। और मलिक अंबर एक अबिसिनियाई दास था। यहाँ चूंकि मलिक अंबर का जिक्र है तो मलिक अंबर कौन था? ये अबिसिनिया का एक दास था और दासता से ये मुक्ति पा जाता है और बाद में अहमदनगर का मंत्री बन जाता है। तो ये एक कहानी। अब कुछ धार्मिक नीतियों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मलिक को सुवारा कविराज की उपाधि जो है ये शेख अब्दुल फैजी को दी गई थी, और ये एक पॉइंट है असल में। उसके बाद अकबर ने चित्रकारों के लिए तस्वीर खाना या कारखाना स्थापित किया था। ये चित्रकारों को पोषण देने का एक तरीका था। और इसके बाद शेख अब्दुल फैजी की बात करें तो ये अकबर का एक नौरत्न था जो कि कवि से दार्शनिक बन गया था, तो कवि तो दार्शनिक होते ही हैं। और इसने अपना नाम रख लिया फैयाजी। इसके बाद नल दमयंती नाम की एक रचना का वर्णन है जिसमें कि इस परिवर्तन का कारण दैवीय प्रेरणा बताया गया, मतलब अपनी किताब में वो बताता है कि मेरा मन कैसे बदल गया, तो वो चीज़ इसमें दी हुई। अकबर ने फैजी को राजकवि का पद दिया और अनुवाद विभाग इसके जिम्मे कर दिया, मतलब ट्रांसलेशन वाला डिपार्टमेंट। आगरा पुस्तकालय का ये अध्यक्ष बन गया। 1595 का समय, शेख अब्दुल फैजी की मृत्यु हो जाती है। तो अब्दुल फैजी का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने योग्य थी वो आपने देखी।
दारा शिकोह को संस्कृतिक कलंदर कहा जाता था, मतलब कई सारी उपाधियां हैं तो संस्कृतिक कलंदर इन्हें कहा जाता था। इसके अलावा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि ये सब दी गई थी। दारा शिकोह बहुत ही विद्वान था लेकिन वो कुशल कूटनीतिज्ञ नहीं था। कूटनीति के मामले में औरंगजेब उस पर हावी हो जाता है और अंत में उसे हारना पड़ता है और मारा जाता है। तो ये चीज़, मतलब दारा शिकोह अगर औरंगजेब के स्थान पर मुगल बादशाह बना होता तो दिशा कुछ और हो गई होती, मतलब साम्राज्य का इतनी जल्दी पतन नहीं हुआ होता। जैसे मुगल साम्राज्य एकदम से ढह गया औरंगजेब के बाद, तो वैसा नहीं हुआ होता, ये पक्की बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद तुर्की सुल्तानों का आप देखें तो तुर्की सुल्ताना का महल जो है वो एक लघु आकार की इमारत है लेकिन सुंदर है, छोटी है लेकिन अच्छी लगती है। इसमें एक ही मंजिल है, बहुमंजिला इमारतें बनती थी लेकिन इसमें एक ही मंजिल है और इसमें खंभे लगे हुए हैं, नीचे स्तंभ है, बरामदा है जैसे कि आज के समय में होता है। और इसके भीतर जो दीवार है उस पर बहुत सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी ये सब सुसज्जित है। इसका निर्माण अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। कौन बनवाता है, कहाँ पर स्थित है, ये मालूम होना चाहिए। और इसकी जो निर्माण शैली है वो संभवतः पंजाब के काष्ठ निर्माण पर आधारित है, मतलब अच्छी खासी उसमें पच्चीकारी और नक्काशी की गई। पर्सी ब्राउन ने इस स्थापत्य, मतलब ये जो स्थापत्य है जिसे कहा जाता है तुर्की सुल्ताना का मकबरा या महल कहा जाता है असल में, तो तुर्की सुल्ताना का जो महल है इसको पर्सी ब्राउन के द्वारा क्या कहा गया है, मोती कहा गया है, स्थापत्य का मोती, मतलब अमूल्य है ये। भास्कराचार्य की जो पुस्तक है लीलावती, ये काफ़ी वैज्ञानिक और गणितीय पुस्तक है, इसके अंदर गणित के बेजोड़ सिद्धांत हैं। तो लीलावती जो है इसमें इसका फारसी अनुवाद और बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है, लेकिन फारसी में अनुवाद यह आबिद फैजी के द्वारा किया गया। लीलावती विशेष रूप से गणित पर आधारित है लेकिन इसमें भौतिक विज्ञान के भी बहुत सारे सिद्धांत जो हैं वो सिद्ध होते हैं। तो आप गणित को विज्ञान से अलग नहीं कर सकते, मतलब आप ये कह सकते हैं कि गणित अगर न रहे, गणित के जो समीकरण और अंक हैं, डेरिवेशन है और समाधान होते हैं, वो सब अगर न रहे तो विज्ञान गूंगा हो जाएगा। विज्ञान अपने तथ्यों को प्रमाणित करता है गणित के माध्यम से, तो गणित जो है वो विज्ञान की जबान है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो गणित की पुस्तक है ये पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थी और ये मध्यकाल के काफ़ी पहले लिखी गई थी। इसका जो इसकी जो रचना है वो काफ़ी पहले हुई थी। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है और हमारे जितने भी अच्छे अच्छे ग्रंथ हुए हैं उनका ट्रांसलेशन करने की इच्छा ये विदेशियों में खूब बढ़ी चढ़ी रहती थी, मतलब हमारे प्राच्य ज्ञान को ये सीखने के लिए हमसे ज़्यादा उत्सुक रहते थे। और यही वजह है कि हमारा जो पुराना विशेष ज्ञान है, विज्ञान है, मतलब असल में विज्ञान और ज्ञान के जन्मदाता हम ही लोग हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है, वो सब विदेशियों ने हमसे लेकर और अपने अपना उस पर ठप्पा लगा के प्रस्तुत कर दिया अपने ढंग से और हम लोग पीछे रह गए। तो ये एक बात है। अच्छा, आप देखिए कि इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो अब आबिद फैजी के द्वारा किया जाता है, यहाँ नाम आप देखिएगा, और ये फारसी में ट्रांसलेट करते हैं। मूल रूप से इसकी भाषा है संस्कृत और अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का अनवर सुहेली के नाम से फारसी में ट्रांसलेशन किया है। पंचतंत्र संभवतः पूरे संस्कृत साहित्य में एक ऐसी किताब है जिसका कि सर्वाधिक ट्रांसलेशन हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानने योग्य है और बड़े ही रोचक ढंग से समझाया गया है। विष्णु शर्मा के द्वारा राजा के बेवकूफ़ लड़कों को यानी राजकुमारों को शिक्षित करने का नायाब तरीका ईजाद किया गया। उस समय के गुरुकुल ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीके से चलते थे, ढर्रे वाली पढ़ाई नहीं होती थी कि बस्ते का बोझ लाद दिया, मनोरंजक तरीके से शिक्षा दी जाती थी और निष्णात जो प्रकांड पंडित हैं वो वहाँ से निकलते थे। पंडित का मतलब यहाँ जाति से नहीं है, ज्ञानवान व्यक्ति से। तो ये चीज़ आपने देखी। तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो कथाएं उन्हें राजकुमारों को सुनाई गई वही पंचतंत्र में संकलित है, जिसमें कि राजनीति, कूटनीति, सामाजिक आचार विचार सबकी शिक्षा प्राप्त होती है और जानवरों को विशेष रूप से आधार बनाया गया है, या कम से कम प्रकृति के घटकों को। तो अनवर सुहेली के नाम से इसका ट्रांसलेशन होता है फारसी में और दारा शिकोह ने सफीनतुल औलिया और मजमुल बहरीन की बहरीन जो है इसका फारसी में अनुवाद किया था। अलबरूनी की प्रसिद्ध किताब तो आप जानते ही हैं, किताबुल हिंद, और अलबरूनी पे शुरुआती चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। गजनवी, अलबरूनी, इन सबको हमने देखा था। मुगल बादशाह औरंगजेब नक्सबंदी परंपरा का अनुयायी था और समझ लीजिए कि सूफी परंपरा में सबसे कट्टर जो सूफी संत पाए जाते हैं वो नक्सबंदी में पाए जाते हैं। और सूफी संत शेख मासूम का ही शिष्य हुआ करता था। शेख मासूम के ही कहने पर औरंगजेब ने फिर से जजिया लगाया, ठीक 1679 का समय था। सभी सूफी सिलसिलों में नक्सबंदिया जो शाखा है ये सबसे ज़्यादा कट्टरवादी है और औरंगजेब खुद उससे बढ़ चढ़ कर कट्टरवादी था। भारत में नक्सबंदिया संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो बकी बिल्ला थे और इनके सिलसिले के लोग जो है वो संगीत के विरोधी होते हैं। इस्लाम जो है वो संगीत का समर्थक नहीं है, तो ये पूरी तरह से इस्लामिक शैली में चलते हैं तो संगीत का समर्थन नहीं करते, ये एक बात। अपनी अपनी मान्यताएं। कुछ फुटकर तथ्यों को देख लेते हैं लगे हाथ, मतलब ये मध्यकालीन भारत के कुछ चुने हुए तथ्य हैं जिन्हें कि आपको जानना चाहिए। पहला तो ये है कि अब्दुल कादिर बदायूनी की प्रमुख जो कृतियां हैं उसमें बहरुल असमार का नाम आता है। इसके अलावा किताब अल हदीश है,
नजरतुल रशीद है, मुतखबुल तवारीक है, इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ तो कुछ ही नाम दिए हैं। तो बदायूनी की जो रचनाएं हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, वहां से प्रश्न बन सकता है, ये कुछ बातें। अच्छा, फारसी स्रोत है तजाकिरा पीर हस्सुतेली, ये सूरत सिंह के द्वारा लिखा गया है। थोड़े नाम आपको विचित्र लग सकते हैं तो उन्हें आप लिख कर अभ्यास कर लीजिएगा। ये मध्यकाल वाले जो नाम है ना, अरबी फारसी या इनका जो लहजा है वो थोड़ा विचित्र है, या संस्कृत का ही कोई नाम आपको क्लिष्ट लगता है, मतलब किताब वगैरह का, तो आप उसे लिख लिया करिए। दो चार बार लिखेंगे तो आपके हाथ और आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। इन चीज़ों को सिर्फ जबानी नहीं पढ़ा जाता है। तो सूरत सिंह के द्वारा लिखा गया था, और ये जो कृति है ना तजाकिरा पीर हस्सुतेली, ये छंदपूर्ण लिखी गई है, मतलब इसमें छंद हैं, छंदबद्ध इसको काव्य के रूप में लिखा गया है। इसमें लगभग 7000 श्लोक हैं, और सूरत सिंह शाहजहां के समय में, अब सूरत सिंह हैं कौन ये जानना आवश्यक हो जाता है भाई, तो शाहजहां के समय में फारसी भाषा के ये विद्वान थे जो कि धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं, वो तो देख कर ही मालूम हो रहा है। ये जात धर्म से हिंदू हैं और इनकी जो शैली है वो फारसी है, तो इसमें दोनों ही धर्मों का समावेश हमें दिखाई देता है। इसके बाद आप देखें इनका पारिवारिक जो व्यापारिक क्रियाकलाप है, पारिवारिक व्यापारिक क्रियाकलाप, उससे ये संबंधित थे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है ना कि ये समाज में रहकर रचनाएं करते थे, ऐसे कोई विरक्त कवि नहीं थे। और यह पुस्तक मुगल काल के मध्य वर्ग के नैतिक स्वरूप को प्रकट करती है। इसमें सूफी संप्रदाय के मलमतिया शाखा से संबंधित तेली संत जो हैं, ये इनका नाम है पीर हस्सु, इनके मुख्य शिष्य शेख कमाल का शिष्य बनने के लिए भेजा गया था। कहने का मतलब ये कि ये मलमतिया शाखा जो है, इसी के बारे में इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक का मतलब भारत में जो इसकी शाखा है उसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है संत पीर हस्सु, उनके बारे में इस किताब में विधिवत ब्यौरा प्राप्त होता है। और हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के जो लोग होते थे वो इस मलमतिया शाखा या मलामतिया शाखा कहा जाता था, इसमें शामिल होते थे। इसका मतलब क्या है कि ये धार्मिक सहिष्णु शाखा थी। बुरहानपुर शहर का संस्थापक नासिर खान खानदेश के फारूकी वंश का था, इनका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ताप्ती नदी जो है इसके घाटी क्षेत्र में खानदेश स्थित था। ये प्रश्न पूछा जाता है खानदेश कहाँ पे है, तो मैप में इसकी लोकेशन भाई देख लीजिए। अच्छा, ये स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना का जो यहाँ काम है वो मलिक रजा फारूकी के द्वारा 1399 में किया गया था, और मलिक रजा फारूकी के नाम पे इस वंश को फारूकी वंश कहा गया। अब यहाँ आप इस वंश के अगले शासक को देख रहे हैं जो कि है नासिर खान। असीरगढ़ के किले पर ये विजय प्राप्त करता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है, और इन्होंने अपनी नई राजधानी बुरहानपुर स्थापित की थी। आप देख रहे हैं कि अकबर की जो अंतिम विजय थी वो भी असीरगढ़ के ही किले पे थी। कहा जाता है कि सोने की चाबी से असीरगढ़ के किले का ताला अकबर ने खोला था, मतलब ये है कि वहां से बहुत लाभ अकबर को प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर उसे पेचिश पड़ती है और उसका देहावसान हो जाता है। तो ये चीज, असीरगढ़ का जो किला है वो काफी शक्तिशाली सैनिक अड्डा हुआ करता था, और इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक है वो आदिल खान द्वितीय था, ये एक कहानी है इसमें। और इस वंश के जितने भी सुल्तान हुए हैं उनकी एक खासियत है कि उन्होंने खान की उपाधि को धारण किया है, तो खानदेश और खान को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अतः फारूकी साम्राज्य को खानदेश, वही चीज है ना, खानों का देश कहा जाने लगा। इसका जो नाम है खानदेश क्यों पड़ गया, मतलब ये क्या कोई अलग किंगडम हो गया, तो किंगडम तो था लेकिन ऐसा कोई राष्ट्र नहीं था, यहाँ खानों का साम्राज्य था इसलिए खानदेश कहा गया। और 1601 का जो समय है मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया, तो असीरगढ़ वाली विजय आपने देखी थी, ये सब कहानी हमने सुन ली। कुछ और सूचनाएं हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कबीर परिचय, अब यहाँ पे कबीर परिचय के जो रचनाकार हैं वो अनंतदास है। भक्तमाल में, भक्तमाल की रचना किसने की थी, नाभादास ने की थी, रचनाकारों का नाम पूछता है। विज्ञान गीता के रचयिता केशवदास थे, और भक्त विजय को लिखने वाले महीपति थे। केशव कवि की जो रचनाएं होती थी ना वो अत्यंत क्लिष्ट होती थी, उनकी भाषा इतनी दुरूह होती थी कि कोई समझ ना पाए। जैसे कि अभी आधुनिक समय में छायावादी युग का नाम आपने सुना होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप देखते हैं, ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो द्विवेदी युग और छायावादी युग का लंबा सिस्टम चलता है, मतलब उसमें आप द्विवेदी युग को देखते हैं तो उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी इस तरह के जो साहित्यकार रचनाकार हैं वो आते हैं, लेकिन पूरे काव्य के इतिहास को देखें तो उसमें कई सारे द्विवेदी हुए हैं, तो उसमें से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उनके भाषण को अगर आप सुनेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अत्यंत सुसंस्कृत और क्लिष्ट भाषा का वो इस्तेमाल करते थे, जो खड़ी बोली हिंदी का एकदम परिष्कृत रूप होता था उसका वो प्रयोग करते थे। ऐसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, अगर भाषण देने लगे तो मंच से जो भाषण निकलेगा उसको समझने वाले श्रोता वहाँ पे गिने चुने मिलेंगे, तो कुछ वैसा ही या केशव कवि की भी रचनाएं होती थी। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत ऐसे ही नहीं कहा जाता था। और भक्त विजय को आप महीपति के द्वारा रचा हुआ देख ही रहे हैं। पियत्रो देला वेले, ये अच्छा नाम है ना, ये एक इटालियन था, इटालियन जो होते हैं उनके नाम ऐसे ही अच्छे वाले होते हैं। तो 1622 से लेकर 1626 का जो टाइम है उसमें ये यात्रा पर आता है। 1622 में जहांगीर का समय था ना, तो उस समय ये सूरत पहुंचता है, और सूरत पहुंचता है तो तटवर्ती हिस्से से आता है, जाहिर सी बात है, तो भारत का जो तट है उधर का पश्चिमी तट उसको ये कायदे से देखता है,
और अपनी यात्रा का वर्णन अपने ग्रंथों में लिखता है। ये जो छुट्टा यात्री आते हैं ना, मतलब राजदूत वगैरह नहीं बन के आते हैं, अपनी मर्जी से ऐसे ही घूमते टहलते व्यापारी के लिहाज से, व्यापार करने के लिहाज से आ जाते हैं, तो उन्हें घूमने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनके पास मौका होता है, बढ़िया घूमते हैं कोने कोने और एकदम जो वास्तविक विवरण होता है उसको देते हैं। तो इसने काफ़ी मनोरंजक चीज़ लिखी है। इसने कहा कि कैम्बे की यात्रा जब इसने की थी, ये समय है 1623 से लेकर 24 का, तो इसने परिंदों का एक अस्पताल देखा था जो कि आज भी खोजने पर बहुत रेयर कभी कभी आपको मिल जाए, मतलब कोई कुत्ता बीमार पड़ जाए या कोई जानवर बीमार पड़ जाए तो वेटनरी मतलब जो वेट है वो मिल जाएंगे, लेकिन ये चिड़ियों का अस्पताल हर जगह नहीं होता है। अभी आपका तोता अगर बीमार पड़ जाए तो आपको खोजना पड़ेगा डॉक्टर और खुद से ही उसको दवा देनी पड़ेगी और उसके बारे में भी जानकारी लोगों को नहीं होती है। ठीक, तो ये परिंदों का अस्पताल उस जमाने में उसने देखा था जिसमें कि बीमार पक्षियों के साथ साथ अनाथ और नवजात चूहों को भी देखा गया था। मतलब समझ रहे हैं, एकदम छोटे से छोटे जो जीव हैं उनका इलाज करने की वहाँ व्यवस्था थी। तो आपको क्या लगता है कि ये बात सही रही होगी? अगर पूरी ना भी सही रही हो तो एक हद तक ये ठीक थी, हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी और यहाँ पर ये समाप्त होता है।